अध्याय 21-30, ऐसा लगता है वह अच्छा अभ्यास कर रहा है। ये कोंगमिंग बोलने और तौर तरीकों में गंभीर लग रहे थे, लेकिन समय समय पर उनके चेहरे पर मुस्कान बिखर जाती थी, क्योंकि वह अच्छे मूड में थे। उन्होंने सोचा था, ये ज़िवेन की वर्तमान खेती के साथ, अगर वह पहले दौर से ही गुजर सकते हैं, तो यह होगा बहुत अच्छा, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह इतनी आसानी से पहले राउंड को पार कर सकता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से दूसरे राउंड में कोई समस्या नहीं होगी। वह तीसरे राउंड में भी टूट सकता है या शीर्ष 100 में। स्वाभाविक रूप से वह एक में था अच्छा मूड। पहला राउंड समाप्त होने के बाद येक्षिवेन को दूसरे राउंड के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। उसका दूसरा प्रतिद्वंदी उसकी ही उम्र का एक लड़का था। उसने चीनी चोगा पहन रखा था और उसका चेहरा गर्व से भर गया था। वांग शाओ की, ये ज़िवेन ने कहा। लड़के ने ये ज़िवेन को हल्के से देखा और कहा, तुम जितनी जल्दी हो सके समर्पण कर दो, ताकि दुख के समय से बचा जा सके। इस समय शिष्य आपस में बात कर रहे थे, किसी ने इस लड़के की उत्पत्ति को पहचाना। यह वास्तव में वांग शाओ की है। वह टाइगर कैनन फिस्ट का अभ्यास करता है, जो एक उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट है, बहुत शक्तिशाली है। पिछली बार वह सिर्फ एक आंतरिक संप्रदाय का शिष्य था, लेकिन टाइगर तोप की मुट्ठी की शक्ति पर भरोसा करते हुए उसने बहुत से वरिष्ठों को हराया स्तर के शिष्य और उन्हें बदनामी से भगा दिया। टीएल द बाउटू शुक्वन का अर्थ है किसी के सिर को ढकना और चूहे मुहावरे की तरह चुपके से भाग जाना। वह लगभग शीर्ष 100 में पहुंच गया और फिर उसे एक बुजुर्ग ने अपने रूप में प्राप्त किया, खुद का निजी प्रशिक्षु। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने पहले ही 5वीं अवस्था का शिखर प्राप्त कर लिया है, और जो 6ठी अवस्था प्राप्त कर चुके हैं वे भी उनके विरोधी नहीं हो सकते हैं। वास्तव में कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना गर्वित है, लेकिन ये ज़िवेन भी सरल से बहुत दूर है। अभी शी फेंग अपनी एक चाल को रोक नहीं सका, एक हिट के साथ वह बेहोश हो गया। जिंदा या मृत हम नहीं जानते। ऐसा लगता है कि यह दो समान रूप से मेल खाने वाले विरोधियों के बीच एक भयंकर प्रतिस्पर्धा में समाप्त हो सकता है। ऐसा लग रहा था कि वांग शाओकी ने शिष्यों की भीड़ में चल रही टिप्पणी को सुना है। उन्होंने तुरंत व्यंग्य किया और कहा, तुम्हें लगता है कि सिर्फ इसलिए कि तुमने शी फेंग को हरा दिया, क्या तुम मेरे मैच हो सकते हो? मैं शी फेंग की तरह एक बर्बर नहीं हूँ। उसके पास क्रूर बल है, लेकिन यह नहीं जानता कि इसका उपयोग कैसे करना है, और एक बेवकूफ भी है। बकवास काटो, ये ज़िवेन ने उदासीनता से कहा। देखिए, अगर मैं आपको कुछ शक्ति नहीं दिखाता, वांग शाओ की जोर से चिल्लाया। उसके पीछे भारी मात्रा में ऊर्जा दिखाई दी, शक्तिशाली और भयंकर आध्यात्मिक क्यूई तुरंत सभी दिशाओं में बिखर गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भयंकर शेर पहाड़ से उतर रहा हो। टीएल कैन वो बुगेनी डियान ली है क्याओ क्याओ। यह टाइगर कैनन फिस्ट सबसे गहन क्षेत्र में प्रचलित था, और आसपास की हवा बाघ के सिर में संघनित हो गई थी। टकराना, वांग शाओकी ने एक कदम उठाया, उसका फिगर अचानक गायब हो गया, और अगले ही पल वह ठीक ये ज़िवेन के सामने आ गया। फिर उसकी मुट्ठी एक मौके से फट गई, पहाड़ के जंगल में दहाड़ता हुआ बाघ। वह क्षण ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ के जंगल में एक भयंकर बाघ दहाड़ रहा हो। वांग शाओकी एक बाघ में बदल गया था, जो बुरी शक्ति से घिरा हुआ था। बड़ी सीटों से देख रहे एक बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ वांग शाओकी को देखा। वह वांग शाओकी के गुरु हु चांगलाओ थे। तभी पास के एक बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा, पिछली बार वांग शाओकी शीर्ष 100 में लगभग टूट गया था, सेटिंग एक रिकॉर्ड। यह टाइगर तोप मुट्ठी 3 साल पहले की तुलना में छलांग और सीमा से आगे बढ़ गया होगा। इस बार वह कम से कम शीर्ष 20 में प्रवेश कर सकता है। वांग शाओकी की उम्र बहुत छोटी है, खेती की अवधि और डिग्री भी बहुत अलग है, इससे उन्हें इस प्रांत के श्रेष्ठ शिष्यों से अनुभव और अंतर्दृष्टि प्राप्त होगी। वह अभी भी ब्रह्मांड की विशालता को नहीं जानते हैं, बड़े हु चांगलाओ ने काफी गंभीरता से कहा, लेकिन उसका चेहरा खुशी की अभिव्यक्ति और संतोष को छुपा नहीं सका। हालांकि यह व्यक्ति क्यूए का विरोधी नहीं है, अचानक एक शिष्य चिल्लाया। उन्होंने वास्तव में देखा कि केवल एक कदम के साथ ये ज़िवेन की पूरी आकृति अचानक वांग शाओकी के सामने गायब हो गई। यह ठीक दिव्य कदम थे। वांग शाओकी का पूरा शरीर उस स्थान से होकर गुजरा जहां ये ज़िवेन पहले थे। तभी उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। ठीक नहीं, वांग शाओकी ने आखिरकार अपना आत्मविश्वास वापस पा लिया और समस्या को महसूस किया। बहुत देर हो गई, ये ज़िवेन वांग शाओकी के पीछे दिखाई दिए और वांग शाओकी के शरीर पर थप्पड़ मार दिया।
टकराना। वांग शाओकी को प्रतिक्रिया देने का मौका भी नहीं मिला, उन्हें सीधे ये जिवेन द्वारा रिंग से बाहर थप्पड़ मार दिया गया था, लेकिन उन्होंने ये जिवेन उन्हें गंभीर रूप से घायल नहीं किया। वांग शाओकी को सिर्फ एक हिट के साथ बाहर भेज दिया गया था। उन्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने ये जिवेन की एक भी चाल को नहीं रोका। एक क्षण बाद वांग शाओकी एक हाथ से दूसरे हाथ को छाती पर रखते हुए कड़वाहट से मुस्कुराया। उसने ये जिवेन से कहा, ये भाई, दया दिखाने के लिए बहुत धन्यवाद। अतीत में मैं वास्तव में अज्ञानी और संकीर्ण सोच वाला था। यह अप्रत्याशित रूप से बहुत बड़ा है। हास्यास्पद टील जाओ जिंग वान टियन वास्तव में एक मुहावरा है। कुएं के नीचे से आकाश को देखना, मुहावरा, अज्ञानी और संकीर्ण सोच। वांग शाओ की मुड़े और चले गए। उनका फिगर थोड़ा अकेला लग रहा था। क्या यह कैसे संभव है? ये जिवेन इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? यहाँ तक कि वांग शाओ की भी उसका मैच नहीं था। वह अप्रत्याशित रूप से एक चाल में रिंग से बाहर चला गया। यह वास्तव में अविश्वसनीय है। इस लड़ाई के परिणाम ने बहुत अशांति पैदा कर दी। बहुत से लोगों ने उम्मीद नहीं की थी कि ये जिवेन वास्तव में वांग शाओकी को इतनी आसानी से हरा सकती है, बिना लड़े जैसा कि उन्होंने कल्पना की थी। वांग शाओकी को आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों में एक प्रतिभाशाली माना जाता था। 3 साल पहले उन्होंने पहली बार आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश किया था। फिर वे शीर्ष 100 में लगभग टूट गए थे। इस बार उनका लक्ष्य पहले 20 रैंकों में टूटना था, या यहां तक कि 10। तो वह भविष्य के शीर्ष शिष्यों में गिने जाने वाला एक लोकप्रिय उम्मीदवार बन जाएगा। उसने कई साहसिक कारनामों का सामना किया था और एक बड़े द्वारा एक शिष्य के रूप में भी उसका स्वागत किया गया था, लेकिन इस तरह की एक दुर्जय प्रतिभा वास्तव में ये शिविन से हार गई थी। इसके अलावा एक चाल में हार गई थी। इसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। उस हु चांगलाओ को सुअर के कलेजे की तरह शर्म से दबा दिया गया था। हालांकि एक क्षण पहले उसने जो कहा वह बहुत मामूली था, लेकिन हर कोई देख सकता था कि वह संतुष्ट था अपने शिष्य के साथ, लेकिन उसकी आवाज बस गिर गई। वांग शाओ की हार गया ये जीवन की सिर्फ एक चाल में, यह चेहरे पर एक जोरदार तमाचा मारने के बराबर था। बधाई हो एल्डर, ये आपके इस बेटे ने वास्तव में सारी लाइमलाइट चुरा ली है। वह दूसरे दौर में इतने आराम से टूट गया। हाँ, मुझे डर है कि शीर्ष 10 रैंक अब कोई समस्या नहीं है। हाँ, एल्डर ये के घर के 3 बच्चे बकाया हैं। एक तरफ की बड़ी सीटों से बधाई की आवाज फैल गई, जिससे बड़े हु का चेहरा बदसूरत हो गया। ये कोंगमिंग बस बोल नहीं सकता था कि उसका बेटा अलग था। वह वास्तव में बहुत विनम्र था। अपने दिल में वह ये जिवेन के प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट था। वह अप्रत्याशित रूप से गायब हो गया था और 1 महीने बाद, लेकिन उसकी प्रगति वास्तव में इतनी महान थी कि 3 साल पहले के प्रसिद्ध प्रतिभाशाली वांग शाओकी भी एक चाल में हार गए थे। लेकिन अप्रत्याशित रूप से उनके दिल में कुछ उम्मीदें भी थी कि उनका सबसे छोटा बेटा किस रास्ते पर चलेगा। हमफल हु चांगलाओ का चेहरा बदसूरत लग रहा था। उसने ठंडी सांस ली। वह सिर्फ अवसरवादी था। उसने एक अच्छी चपलता तकनीक पर भरोसा किया। वह अंततः विफल हो जाएगा, यहाँ तक कि शीर्ष 30 रैंकिंग में आना भी उसके लिए असंभव है। बुजुर्ग सीटें अचानक शोर से हलचल कर रही थी। ये जिविन अद्भुत है। आह, अतीत में अप्रत्याशित रूप से कोई भी वास्तव में उसके बारे में नहीं जानता था। उसके बाहरी रूप को देखकर किसी ने नहीं सोचा था कि उसके पास इतनी ताकत है, और हम यह भी नहीं जानते कि किस समय उसे बाहर कर दिया जाएगा। हाँ, तुमने देखा, वह अपने पीछे एक लंबा ब्लेड भी ले जा रहा था, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ब्लेड का इस्तेमाल किया गया था। जी, असाधारण। साथ ही कई बुजुर्गों और हु चांगलाओ के एक मित्र ने कहा, बड़े ये के घर से तीसरा बेटा जो नहीं जानता कि उसकी शक्ति औसत दर्जे की थी, लेकिन यह अचानक छलांग और सीमा से आगे बढ़ गई। उसने निश्चित रूप से किसी प्रकार का भौतिक खजाना निगल लिया है जो खेती की प्रगति की गति को बढ़ावा देता है, लेकिन यह क्षेत्र बहुत अस्थिर है। अगर एक असली गुरु का सामना करना पड़ा तो वह पहली बार में ही गिर जाएगा। आध्यात्मिक खेती धीरे धीरे रास्ते में बढ़ती है, लेकिन यह एक अर्जित क्षेत्र है। योग्यता प्राप्त करने के लिए भौतिक खजाने पर भरोसा करने के लिए भविष्य में उनकी उपलब्धियां बंद हो जाएंगी। बड़े बुजुर्ग बारी बारी से बातें कर रहे थे। चबूतरे के ऊपर कितना भी ऊपर अपना जादू था, और नीचे के लोगों को पता नहीं था कि बुजुर्ग किस बारे में बात कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से ये शिवन को चेहरे के बारे में पता नहीं था कि वह बड़ों की बात बन गया था, लेकिन उसके पास इसकी परवाह करने का समय नहीं था। चूंकि उनकी लड़ाई सुबह जल्दी खत्म हो गई थी, इसलिए उनके पास दूसरे लोगों की प्रतिस्पर्धा देखने के लिए काफी समय था।
प्रतियोगिता का पहला दौर समाप्त होने के बाद दूसरे दौर के लिए केवल 100 व्यक्ति बचे थे। पहले राउंड की तुलना में दूसरे राउंड में कई उच्च स्तरीय प्रतियोगी थे। यहां तक कि उनमें से सबसे खराब लोग भी चौथे चरण के शिखर को प्राप्त कर चुके थे। ये ज़िवेन ने एक अत्यंत शक्तिशाली गुरु को भी देखा। वह अपने विरोधियों को आसानी से हराने के लिए आध्यात्मिक शक्ति का एक बड़ा विस्फोट करेगा। ये सभी लोग छठे चरण के स्वामी थे और पहले से ही आंतरिक संप्रदाय में कुलीन माने जाते थे। ये ज़िवेन का तीसरे दौर का प्रतिद्वंद्वी वांग शाओकी से बहुत शक्तिशाली था, यहाँ तक कि शी फैंग भी उसका मुकाबला नहीं कर सका। हालांकि उसकी साधना अभी पांचवें चरण के चरम पर थी और आसानी से ये ज़िवेन की हथेली से नीचे गिर गई। उसने आसानी से तीसरे राउंड को पार कर लिया, जिससे उसे ये युआन स्कूल के प्रमुख लोगों का ध्यान आकर्षित करना पड़ा। अधिकांश बुजुर्ग उन प्रतिभाओं पर ध्यान देने की तरह विशेष रूप से उन पर ध्यान केंद्रित करने लगे। तीसरे दौर को पार करते हुए वह आसानी से शीर्ष 50 रैंकों में प्रवेश कर गया था और चौथे दौर के पूरा होने के बाद वह पहले से ही शीर्ष 30 में होगा। एल्डर हु का रंग लगातार बदसूरत होता जा रहा था। उसने दावा किया था कि ये ज़िवेन शीर्ष 50 रैंकों में बिल्कुल प्रवेश नहीं करेगी। हालांकि वह आसानी से तीसरे राउंड को पार कर गई और अब शीर्ष 50 में थी। उनके मुंह पर तमाचे जैसा होगा। टीएल अध्याय 21 में लेखक ने लिखा है, ये ज़िवेन शीर्ष 30 रैंकों में शामिल नहीं हो पाएंगे, लेकिन इस अध्याय में इसे लेखक द्वारा शीर्ष 50 रैंक में बदल दिया गया था और उसके लिए तीसरे दौर से आगे निकलना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। उसने केवल एक चाल का उपयोग करके मैच जीता। कोई भी उसे दूसरी चाल का उपयोग करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था। कोई भी उसे अपनी मार्शल आर्ट का उपयोग करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था। वह केवल अपनी हथेली को हल्के से ताली बजाता था और विरोधी उड़ जाता था। ये ज़िवेन अपने विरोधियों को हराने के लिए सिर्फ एक चाल का इस्तेमाल कर रही थी और आसानी से सभी मुकाबले जीत रही थी। इससे शिष्यों के बीच उनकी प्रतिष्ठा में अचानक वृद्धि हुई। बहुत से लोग उसकी लड़ाइयों पर ध्यान देने लगे। इस ये ज़िवेन की ताकत अथाह है और अप्रत्याशित रूप से कोई भी वास्तव में उसे अपनी वास्तविक चाल का उपयोग करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था। वह किस मार्शल आर्ट तकनीक का अभ्यास करता है कोई नहीं जानता। देखो, उसकी पीठ पर तलवार है। यह निश्चित रूप से एक चाकू है। नहीं, किसी ने देखा, उसकी मार्शल आर्ट एक ताड़ की तकनीक है और इसमें गड़गड़ाहट का संकेत है। यह निश्चित रूप से एक तेज गड़गड़ाहट वाला हाथ है। यहाँ तक कि उनकी मार्शल आर्ट को भी मजबूर नहीं किया जा सकता है। यह वास्तव में आश्चर्यजनक है, लेकिन अगली बार वह इतना निश्चिंत नहीं हो सकता क्योंकि उसका अगला प्रतिद्वंद्वी टैंग नियान होने वाला है। वह पहले से ही छठे चरण का मास्टर है और उसने सभी चुनौतियों को आसानी से पार कर लिया है। यह वास्तव में एक कठिन प्रतियोगिता होने जा रही है। ये एक शिवेन ने भी इन तर्कों को सुना, लेकिन उसने इन पर कोई आपत्ति नहीं जताई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी दूर आ सकते हैं। हालांकि आप बेहतर प्रार्थना करेंगे कि मुझसे न टकराएं। जब ये ज़िवेन ध्यान कर रहे थे तो एक परछाई आई। यह वास्तव में एक मजबूत युवा था जो अपनी पीठ पर तांबे के हथौड़े का एक जोड़ा लेकर चल रहा था। अन्यथा मैं तुम्हें वही दर्द चखने दूंगा जो मेरे भाई को सहना पड़ा था। आप मा यंग है, ये ज़िवेन ने तुरंत जवाब दिया। यह व्यक्ति मा यंग होना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। तेरे छोटे भाई ने सब प्रकार के बुरे काम किए हैं और उसके द्वारा बहुत से लोगों को अपना सब कुछ खो देने के लिए विवश किया गया है। यह प्रतिशोध है। मुझे परवाह नहीं है कि मेरे भाई ने क्या किया है, लेकिन आज मैं निश्चित रूप से अपने भाई का बदला लूंगा। आप जल्द ही आत्मसमर्पण कर देंगे या मैं आपके अंगों को फाड़ दूंगा, मा यंग ने अपने चेहरे पर एक बुरी मुस्कुराहट के साथ कहा। एक शिवेन शांत रही और उसे ठंडी नजरों से देखा। क्या गलत है? क्या आप डरते हैं? डर लगता है तो जल्दी से निकल भागो। हा 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 हा, मा यंग ने हंसते हुए कहा। भीड़ में कई शिष्य चर्चा कर रहे थे। मैंने नहीं सोचा था कि वास्तव में मा यंग और ये ज़िवेन के बीच नफरत थी। जी, यह शायद बहुत मजेदार होने वाला है। टस्क, मैंने सुना है कि ये ज़िवेन ने सबके सामने मा यंग को गंभीर रूप से घायल कर दिया था और वह लंबे समय से बिस्तर पर पड़ी थी। यह मुख्य कारण था और मा यंग के तामसिक चरित्र सहित इस मामले को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। यह मा यंग आसानी से शीर्ष 5 आंकड़ों में से एक है, इसलिए ये ज़िवेन न सिर्फ अपने 4 अंगों को तोड़ेगी। ये ज़िवेन इतनी आसानी से छलने वालों में से नहीं है। अब तक कोई भी विरोधी उसे दूसरी चाल का उपयोग करने के लिए मजबूर नहीं कर सका।
अरे मुझे अपनी ताकत मापने दो, देखते हैं कि क्या तुम टेंग नियान के खिलाफ जीत सकते हो। मायांग बुरी तरह से मुस्कुराए और अचानक हत्यारे की तरह धराशायी हो गई। अचानक एक हथौड़ा उसकी पीठ से उड़ गया, उसके बड़े हाथों ने उसे पकड़ लिया और उसने उसे निर्दयता से एक शिविंग की ओर धकेल दिया, जिससे तेज हवा जैसी आवाज हुई। मा यंग एक अहंकारी व्यक्ति थे, लेकिन उनकी ताकत कोई मजाक नहीं थी। उनकी साधना निश्चित रूप से छठे चरण के शिखर पर थी, आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों में किसी से भी पीछे नहीं थी। उसकी भयानक शक्ति ने ये जिविन पर मजबूती से कब्जा कर लिया था और हथौड़े को तुरंत नीचे गिरा दिया। यह एक शिविन की ताकत का परीक्षण करने के लिए था, लेकिन यह केवल उसे अपंग करने का बहाना ढूंढ रहा था। ये जिविन ने कुछ कदम उठाए और उसकी आकृति एक दिव्य प्राणी की तरह आसानी से इस हथौड़े के हमले से बच गई। लेकिन किसने सोचा होगा कि मा यंग भी उसे पकड़ने के लिए आकाशीय कदम का उपयोग कर रही थी, हालांकि मा यंग का दिव्य कदम विस्फोटक शक्ति और शक्ति से भरा था। यह काफी अलग था। मा यंग की आंखें मारने के इरादे से चमक उठी, बार बार मुस्करा रही थी। वह अपने हाथों में एक भारी हथौड़े के साथ ये जिविन के साथ रहने के लिए दौड़ा, जैसे कि वह कुछ भी नहीं था। फिर उसने उसे जोर से पटक दिया। बूम, हथौड़े ने अपार शक्ति से जमीन में एक बड़ा छेद कर दिया, लेकिन एक शिविन ने आसानी से इस हमले को चकमा दे दिया। आप वास्तव में कैसे कर सकते हैं? मा यंग ने आश्चर्यजनक रूप से उसकी ओर देखा। उन्होंने निश्चित रूप से यह पता लगा लिया था कि ये जिविन दिव्य कदम का उपयोग कर रहा था, जिससे उसकी नफरत और भी बढ़ गई थी। ये जिविन ने निश्चित रूप से इसे अपने भाई के शरीर से लिया था, लेकिन वह चिंतित नहीं था क्योंकि वह एक साल से अधिक समय से दिव्य चरण का अभ्यास कर रहा था, तो यह आदमी उससे बेहतर कैसे हो सकता है। हालांकि अभी अभी ये जिविन ने आसानी से अपने हथौड़े के हमले को चकमा दे दिया था और अप्रत्याशित रूप से आकाशीय कदम के तीसरे स्तर जियोचेंग पर था। वह अभी भी दिव्य चरणों के दूसरे स्तर आंतरिक कक्ष में प्रवेश पर था और जियोचेंग तक पहुंचने के लिए अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना था। बेवकूफ, ये जिविन ने उपहास किया। मरना, मा यंग अचानक गुस्से में थे। वह पूरी तरह से गुस्से से भड़क उठे। उनकी आध्यात्मिक क्यूई जल्दी से शीर्ष पर पहुंच गई। वांग शाओ की तुलना में बहुत अधिक हिंसक। हालांकि वांग शाओ की 3 साल पहले प्रतियोगिता में शुरुआती छठे चरण के मास्टर्स के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम थे, लेकिन आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों के इस सत्र में मा यंग को शीर्ष 5 मास्टर्स में स्थान दिया गया था। उसने आसानी से अपनी सभी लड़ाइयां जीत ली थी और लगभग बिना किसी प्रतिद्वंद्वी के था। इस बार मैं तुम्हें एक लाश में बदल दूंगा, मा यंग की आध्यात्मिक क्यूई ने एक शिविन पर ताला लगा दिया था। एक राक्षसी और जबरदस्ती पूरे स्थान पर फैल गई और 2 हथौड़े गर्जना करने लगे और इस तरह टूट गए मानो 2 पहाड़ियां सामान्य रूप से टकरा गई हो। ये जिविन अपने ऊपर दर्जनों अत्याचारी नजरों को महसूस कर सकती थी, जिनमें से बहुत कुछ बुरे इरादों के साथ थी। उनमें से जियानटिन स्तर के मास्टर भी थे, बस उनकी निगाहें उन्हें ठंड लगने के लिए काफी थी। टीएल, मूल रूप से हर कोई ये शिविन के मार्शल आर्ट का उपयोग करने का इंतजार कर रहा था। वह जानता था कि ये कोंगमिंग ही युवान स्कूल में एक एल्डर था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके दोस्त भी होंगे और दुश्मन भी। वह नहीं जानता था कि इनमें से कितने शत्रु छाया में छिपे हुए थे, अपने पिता के उपहास का पात्र बनने की प्रतीक्षा कर रहे थे। चूंकि वे देखना चाहते हैं, मैं उन्हें पर्याप्त दिखाऊंगा। सच्ची ताकत के सामने कोई भी योजनाएं और चालें तैरते हुए बादलों की तरह होती है। वह सच्ची ताकत जिसे वह इस समय छुपा रहा था पूरी तरह से भड़क उठी और आसमान में ऊंची उड़ान भरी। उन्होंने सीधे छठे चरण के शिखर को प्राप्त किया। क्या ये जिविन ने पहले ही छठे चरण का शिखर हासिल कर लिया है? बहुत से लोग जो इस लड़ाई पर ध्यान दे रहे थे, उन्हें लगा कि अनगिनत चश्मों के जमीन पर गिरने से टूट रहे हैं और अब वे सच्चाई को बहुत स्पष्ट रूप से देख सकते थे। मा यंग इतना शक्तिशाली था कि उसे आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों के शीर्ष 5 आंकड़ों में रखा गया। जब से प्रतियोगिता शुरू हुई थी, उसने लगातार अपनी अत्यधिक अत्याचारी ताकत का इस्तेमाल अपने झगड़ों के माध्यम से वर्तमान तक सभी तरह से किया था। हालांकि किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की होगी कि ये जिविन ने वास्तव में अपनी असली ताकत छिपाई थी और यह अप्रत्याशित रूप से पर्याप्त थी, जिसकी तुलना आंतरिक संप्रदाय के शीर्ष 5 शिष्यों के अनुकूल की जा सकती थी। एक शिविन ने अंत में अपने तेज गड़गड़ाहट वाले हाथ पर जोर से प्रहार किया, जिससे आंधी तूफान जैसी गड़गड़ाहट की आवाज हुई जो कार्यक्रम स्थल के ऊपर गूंजती थी। 3, 4, 5, 6, ये जिविन ने कुल 6 प्रतिध्वनियां सीधे तौर पर सुनाई।
यह हमला बेहद तेज था, जो बाद की तस्वीरें छोड़ने के लिए काफी था। हाँ हाँ, तुम मेरे हथौड़े के खिलाफ अपने हाथों का उपयोग करने की हिम्मत करते हो, तुम वास्तव में मौत की तलाश कर रहे हो। देखो मैं कैसे तुम्हारे हाथों को टुकड़ों में तोड़ देता हूँ। मायंग बुरी तरह हंस पड़ी। उसने पहाड़ों की तरह अपने दो हथौड़ों का इस्तेमाल किया और एक शिविन के चारों ओर की सारी जगह को अवरुद्ध करने के लिए भारी शक्ति के साथ सीधे नीचे दबा दिया। बूम! विस्फोट की तेज आवाज के साथ ये जीवन के हाथ सीधे हथौड़ों की जोड़ी से टकराए, जिससे एक बहुत बड़ा झटका लगा। अचानक इस युद्ध को देख रहे सभी लोग दंग रह गए, क्योंकि उन्होंने कल्पना की थी कि उसके दोनों हाथ टूटकर दृश्य से पूरी तरह गायब हो जाएंगे। हालांकि इसके विपरीत उनके हाथों की जोड़ी ने एक दुर्जय बल की तरह हथौड़ों को सीधे नष्ट कर दिया था। एक शिवेन की एक हिट ने उन हथौड़ों को टुकड़ों में उड़ा दिया था। आयरन बैक सिल्वर बंदरों के पास सामान्य से अधिक मजबूत शरीर होता है, जैसे कि स्टील फ्रेम के साथ प्रबलित हो। तलवारों और भालों के लिए उनके शरीर को छेदना मुश्किल था, उस विशेष शराब के कारण जिसे वे नियमित रूप से पीते थे। और इस महीने उसने उसी शराब की एक बड़ी मात्रा का सेवन भी किया था, जो उसने उनकी गुफा से चुराई थी और जिसके परिणाम स्वरूप उसका नश्वर शरीर काफी हद तक पुष्ट हो गया था। उसकी ताकत पहले ही 19 बाघों की ताकत तक पहुंच चुकी थी, जबकि मायंग के पास केवल 9 बाघों की ताकत थी। मायंग उसे अपनी शक्ति का उपयोग करके अभिभूत करना चाहता था, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसकी ताकत ये जीवन से 10 स्तर कम थी, जिसकी ताकत उसकी ताकत से कहीं अधिक थी। वज्र की तरह गुजरो और हवा की तरह आगे बढ़ो, ये जीवन ने हथौड़ों की जोड़ी को नष्ट करने के बाद अपनी हथेली को मायंग के मजबूत शरीर में पटक दिया। टकराना, मायंग के पास प्रतिरोध करने का समय नहीं था और एक धमाके के साथ वह आकाश में उड़ गया। विराम, अचानक आसमान में तेज आवाज हुई। ये जीवेन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और अचानक उसके पैरों के नीचे से हवा निकल गई। आकाशीय कदम का उपयोग करते हुए उसने तुरंत अपने दोनों हाथों से अपने उड़ने वाले शरीर के पीछे छाया की एक जोड़ी की तरह पीछा किया, जिसने पूरे आकाश को हमलों की बौछार से भर दिया और मायंग के स्थिर उड़ान शरीर को कई बार थप्पड़ मारा। बिजली और गरज, घोस्टली थंडर एक्स, लेवलिंग स्टॉर्म फोर स्ट्रोक्स, बूम, मायंग का लंबा शरीर जमीन पर गिर गया। उसके शरीर की सारी हड्डियां टूट चुकी थी और उसका शरीर बहुत बुरी स्थिति में दिख रहा था। सबसे महत्वपूर्ण बात, उनके शरीर के चारों ओर क्यूई का समुद्र था, जो हमलों की बौछार में सीधे बिखर गया था। क्यूई का यह समुद्र एक योद्धा की साधना का सार था और आध्यात्मिक शक्ति के लिए सच्चा भंडारण स्थान भी था। उसने क्यूई के इस समुद्र को उजागर कर दिया था। हालांकि वह मरा नहीं था, लेकिन उसकी खेती पूरी तरह से नष्ट हो गई थी और भविष्य में उसके लिए अभ्यास जारी रखना असंभव होगा। एक शिवेन को पता था कि यह खलनायक तब तक जवाबी कार्रवाई करेगा जब तक उसे अपना बदला नहीं मिल जाता, लेकिन लोगों की इतनी बड़ी भीड़ की उपस्थिति में उसे मारना असंभव था। तो एक बार जब उसने अपने चीके समुद्र को उजागर कर दिया, तो ये जीवन ने इस अवसर का उपयोग भविष्य की किसी भी परेशानी को पूरी तरह से काट देने के लिए किया। ये जीवन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जब मैंने तुम्हें रुकने के लिए कहा तो तुमने मुझे नहीं सुना। इस समय साइट पर आसमान से एक आकृति गिरती है। उसने वास्तव में एक ही युवान स्कूल के बड़े को काले कपड़े पहने देखा था और गुस्से से उसे घूर रहा था। ये जीवेन को पता था कि काले कपड़े पहने इस बुजुर्ग का नाम वांग जियान था। वो ही युआन स्कूल के पेनल्टी पैलेस का स्वामी था और इसलिए शिष्यों को दंडित करने का प्रभारी था। यही कारण था कि आम शिष्य उससे बहुत डरते थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वांग जियान और ये कोंगमिन के बीच कभी भी अच्छे संबंध नहीं रहे थे और इससे असंतोष का एक बड़ा संचय हुआ था। जनता की चौकस निगाहों के नीचे आपने उसी स्कूल के एक शिष्य को घायल कर दिया है। काश हमारे ये युवान स्कूल के पूर्वजों ने ऐसा कानून न बनाया होता जो तुम जैसे लोगों को स्कूल में बड़े होने की अनुमति देता। यह निश्चित रूप से हमारे ये युवान स्कूल के लिए एक आपदा है, वांग जियान ने अपने सिर पर बड़ी टोपी बांधते हुए कहा। एक ही स्कूल के शिष्य को चोट पहुंचाना, उस जैसी बड़ी टोपी के साथ आप देख भी नहीं सकते, क्या यहां सभी लोग अंधे हैं? मायंग ने ही सबसे पहले मुझ पर हमला किया था और वह मुझे भी मारना चाहती थी। मैं बस अपना बचाव कर रहा था, ये जीवेन ने स्पष्ट रूप से कहा। वांग जियान और ये कोंगमिंग लंबे समय से एक दूसरे के प्रति शत्रुतापूर्ण थे। अब यह कहने की बात नहीं है कि उन्हें एक मौका मिला था, वह बस परेशानी की तलाश में थे।
आपके पास वास्तव में तेज मुंह वाला बच्चा है, वांग जियान ने ये जिवेन को ठंडेपन से देखा और कहा, आप कहते हैं कि यह आत्मरक्षा के लिए था लेकिन आपने अप्रत्याशित रूप से उसकी खेती को नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा मायंग को हमारे ये युवान स्कूल में प्रतिभाशाली माना जाता है और उसकी खेती को नुकसान पहुंचाकर आपने एक गंभीर अपराध किया है। तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि कोई आत्मरक्षा में वापस नहीं लड़ सकता है जब उसे धमकाया जा रहा हो? यह किस तरह का कानून है? ये जिवेन ने पलटवार करते हुए कहा, इसके अलावा अगर वह वास्तव में एक प्रतिभाशाली है तो वह मेरी एक चाल को भी क्यों नहीं रोक सका? वह हारने वाले के अलावा कुछ नहीं है और भले ही स्कूल उसके विकास में अधिक संसाधनों का उपयोग करता है, यह संसाधनों की बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं होगा। मैं केवल अपना बचाव कर रहा था और लोगों को न्याय करने दो क्योंकि आप उनसे कुछ भी नहीं छिपा सकते, ये जिवेन ने कहा। ठीक है, मैं दंड महल का स्वामी हूँ और मुझे दंड देने का पूरा अधिकार है। आपने उसी स्कूल के एक शिष्य को घायल किया है और सबूत पुख्ता है, इसलिए अपने अपराध को नकारने के बारे में सोचना भी मत। वांग जियान ने अचानक जियानटीन स्तर की एक अत्याचारी शक्ति का इस्तेमाल किया जिससे उसकी आध्यात्मिक क्यूई फट गई और एक बड़े हाथ की तरह फैल गई जो ये जिवेन को हथियाने की कोशिश कर रहा था। फिर ची एक पंजे में बदल गई और उसे अपने कंधों से पकड़ने की कोशिश कर रही थी। अगर वह उस पंजे से मजबूती से जकड़ लिया होता तो उसका कंधा उसी वक्त अपनी जगह से हट जाता। काफी शातिर, ये जिवेन ने अचानक एक कदम उठाया और पीछे हटने के लिए अपने दिव्य कदम का उपयोग करते हुए बहुत तेजी से भागा, लेकिन वांग जियान ने भी उसे पकड़ लिया और उसे अपने पंजे से पकड़ने की कोशिश की। हालांकि यह लगभग उसे चूक गया जिसके परिणाम स्वरूप एक भयानक वायु विस्फोट हुआ। ये शिवेन जोर से चिल्लाए, उसे एक गतिरोध में धकेल दिया गया और वांग जियान ने उसे मजबूती से बंद करने के लिए अपने अत्याचारी क्यूई का इस्तेमाल किया। बजना, ये जिवेन ने अचानक अपनी पीठ से एक लंबा ब्लेड हटा लिया जिससे धातु की खनखनाहट की तेज आवाज हुई और उसने तुरंत कोल्ड मून बिहेडर तकनीक की पहली चाल का इस्तेमाल किया जिसे न्यू मून बिहेडर कहा जाता है। 9 ब्लेड की परछाइयां अचानक आसमान में दिखाई दी और जमकर वांग जियान की ओर बढ़ी। ये परछाइयां बहुत तेज थी और यहाँ तक की तेज गड़गड़ाहट से कुछ शक्ति भी समाहित थी। 9 ब्लेड की छाया में एक बहुत ही राक्षसी शक्ति होती है और पूरे आकाश में फैल जाती है। अप्रत्याशित रूप से वांग जियान के चारों ओर सभी जगह को अकल्पनीय शक्ति से अवरुद्ध कर देती है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि उनका ब्लेड अटैक इतना शक्तिशाली होगा। यही उनकी असली ताकत थी। चूंकि इस पूरे समय में वह अपने विरोधियों को एक चाल से हरा रहा था, उसे अपनी वास्तविक ताकत का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जब वह गिर गया तो उसे अपने सबसे शक्तिशाली हमले का सहारा लेना पड़ा। कार्यक्रम स्थल में तेज और तेज चाकू जैसी हवा चल रही थी जिससे चुभन की अनुभूति हो रही थी जो भीड़ के लिए काफी दर्दनाक थी। यह कैसे हो सकता है? वांग जियान की आंखें डरावनी हो गई क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि ये सिवेन वास्तव में इस तरह की हताश स्थिति में इस तरह के शक्तिशाली ब्लेड के हमले का उपयोग करेगा। वांग जियान ने अचानक कई कदम उठाए और उसका फिगर बिजली की चमक में बदल गया और इस ब्लेड शैडो अटैक के दायरे से हट गया जिसने तुरंत एक बड़े क्षेत्र को कवर कर लिया था। इस झटके से वह बमुश्किल बच पाए। जैसे ही वह फिर से हमला करने जा रहा था, अचानक आकाश में एक जोरदार चीख निकली, बुरे मूर्ख, मेरे बेटे को चोट पहुंचाना बंद करो। एक बड़े हाथ ने पूरे आकाश को ढांक दिया और वांग जियान की ओर उतरा जिससे क्यूई से बनी कुछ मीटर बड़ी हथेली बन गई। आने वाले हमले का स्वागत करने के लिए वांग जियान के हाथ भी ऊपर उठे। बूम, दसियों मीटर के दायरे में फैला भयानक विस्फोट जिससे हवा तक उड़ गई। वांग जियान को कई कदम पीछे धकेला गया और प्रत्येक कदम ने जमीन में कुछ इंच गहरे पदचिह्न बनाए। यह सब सिर्फ ये कोंगमिन के पिछले हमले में मौजूद भारी ताकत को रोकने के लिए था। उनके चेहरे पर कुछ लाली थी और ऐसा लग रहा था कि इस बार उन्हें एक छोटी सी हार का सामना करना पड़ा है। एक असाधारण आभा वाली भीड़ में एक व्यक्ति की छाया पड़ गई। यह ये कोंगमिंग था। वहां मौजूद सभी शिष्य गौर से देख रहे थे क्योंकि यह दो प्रमुख स्कूल के बुजुर्गों के बीच लड़ाई होने वाली थी जो कि जियानटीन स्तर के मास्टर भी थे और यह लड़ाई निश्चित रूप से ऐसी नहीं थी जिसे कोई भी कभी भी देख सके। ये कोंगमिंग, क्या आप अपने बेटे के लिए कवर करने जा रहे हैं? वांग जियान चिल्लाया। वांग जियान, आपको लगता है कि मुझे नहीं पता?
आपकी योजना बदला लेने के लिए अपनी आधिकारिक शक्ति का उपयोग करने की है। मेरा बेटा केवल अपना बचाव कर रहा था, लेकिन आपने तथ्यों को विकृत करने और मेरे बेटे पर झूठा आरोप लगाने की हिम्मत की, ये कोंगमिंग ने ठंडे स्वर में कहा। मैं दंड महल का स्वामी हूँ और इस तरह के कृत्य के लिए आपके बेटे को कानून के अनुसार दंडित किया जाना चाहिए। उसे मार्शल आर्ट के अभ्यास से हटा देना चाहिए और स्कूल से भी निकाल देना चाहिए, वांग जियान ने सख्त आवाज में कहा। ठीक है, कब से ये युआन स्कूल ने आत्मरक्षा के लिए सजा देना शुरू कर दिया? मेरे बेटे ने केवल आत्मरक्षा में ऐसा किया और वह भी इतने सारे लोगों की चौकस निगाहों में जो मेरे बेटे की बेगुनाही की गवाही दे सकते हैं, इसलिए क्या आप मुझे सही या गलत के बारे में सिखाने की हिम्मत नहीं करते? मुझे इसकी रिपोर्ट पूर्वज को न करने दे, क्योंकि तब आप निश्चित रूप से पेनल्टी पैलेस के स्वामी के रूप में अपना पद खो देंगे, ये कोंगमिंग ने अपनी आवाज में बिना किसी संदेह के कहा। वांग जियान के दिमाग में तरह तरह के विचार आने लगे। वहां मौजूद लोगों सहित वह खुद अच्छी तरह जानता था कि ये शिविन निर्दोष था या दोषी। वास्तव में यह सब उसके और ये कोंगमिंग के बीच के झगड़े के कारण था और वह अपनी नफरत अपने बेटे के शरीर पर उतारना चाहता था। उसने एक आश्चर्यजनक हमले का उपयोग करके ये जिवेन को पकड़ने और चोट पहुंचाने की योजना बनाई थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से ये जिवेन वास्तव में इसे आसानी से चकमा देने में सक्षम थी। अगर पूर्वज को इस घटना के बारे में पता चलता तो वह स्वाभाविक रूप से ऐसी युवा प्रतिभा से बहुत प्यार करते। हालांकि ये शिवेन ने अपनी शक्तियों का क्रूरता से इस्तेमाल किया था, लेकिन यह आत्मरक्षा में था। ठीक है, आज आप अपने बेटे का बचाव कर रहे हैं, लेकिन देर सवेर आपको इसका पछतावा होगा। वांग जियान जल्द ही मायन की ओर एक बार भी देखे बिना जाने के लिए मुड़ गया, जैसे कि उसे परवाह नहीं थी कि वह जीवित है या मर गया। ये शिवेन बहुत भयंकर है। मैंने कभी नहीं सोचा होगा कि शिष्यों के बीच कोई ऐसा राक्षस छिपा है और उसके अस्तित्व के बारे में अब तक कोई नहीं जानता था। यहाँ तक कि एक जियानटियन मास्टर के भयंकर हमले भी उसे चोट नहीं पहुँचा सकते। जी, वह तलवार बिल्कुल अजेय है। मुझे डर है कि सातवें चरण के स्वामी भी इसकी सीमा से नहीं बच सकते। वह किस तरह का कुकर्मी है, यहाँ तक कि उसकी अशिंग थंडर हैंड तकनीक भी बहुत गहरी है और वह ब्लेड बिल्कुल भयानक है। ये बच्चे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने कम समय में तुम इतनी शक्तिशाली लड़ाई की ताकत हासिल कर लोगे, और वह ब्लेड तकनीक एक मध्यवर्ती स्तर का कौशल होना चाहिए, ये कोंगमिंग ने पूछा। हाँ, यह बच्चा कोल्ड मून बिहेडर तकनीक का अभ्यास करता है, चूंकि यह पहले से ही उजागर था। वैसे भी छिपाने के लिए कुछ भी नहीं था। निश्चित रूप से वही यह कहने की पहल नहीं करेगा कि यह वास्तव में एक मध्यवर्ती स्तर की ब्लेड तकनीक नहीं थी, बल्कि एक जियानटियन स्तर की तकनीक और इसकी दो और चालें भी थी। टीएल कोल्ड मून बिहेडा में न्यू मून बिहेडा, मिसिंग मून बिहेडा और फुल मून बिहेडा नाम की तीन चालें हैं। अच्छा, अपने बेटे की अचानक लड़ने की ताकत देखकर वह बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि अब वह गर्व से कह सकता था कि उसके सभी बच्चे जीनियस थे। हाँ, आपके पिता होने के नाते मैंने भी अतीत में आपकी ताकत को कम करके आंका था, लेकिन यह सोचने के लिए कि आपके पास इस तरह की शक्तिशाली लड़ाई की ताकत है, अब आप आसानी से पहली रैंक के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, ये कोंगमिंग ने हंसते हुए कहा। बहुत बढ़िया, ये कोंगमिंग अपने बेटे के साथ नहीं रहे और बड़ों के बीच अपनी सीट पर वापस आ गए। त्रासदियों की श्रृंखला के लिए धन्यवाद। बहुत समय बीत चुका था और प्रतियोगिता का चौथा दौर शुरू हो चुका था। एक 20 साल का युवक मंच पर खड़ा था और वह विरोधी भी था कि ये शिविन को चौथे राउंड में लड़ना था। उसका नाम तांग नियान था। ये जिवेन अखाड़े में कूद गए और फिर अपने हाथों को अपने सीने पर रखते हुए कहा, ये जिवेन, मैंने भाई टैंग को बहुत देर तक इंतजार करवाया। टैंग नियान के चेहरे पर कुछ जटिल भाव थे। ये जिवेन ने मा यंग को हराने के लिए बस एक चाल का इस्तेमाल किया था और उन्होंने वांग जियान के साथ उनकी लड़ाई भी देखी थी। वह अच्छी तरह से जानता था कि वह कभी भी ये जिवेन का विरोधी नहीं होगा, क्योंकि मूल रूप से छठे चरण के शिखर पर अपनी ताकत के साथ वह शीर्ष 10 में पहुंच सकता था और अगली बार वह मुख्य शिष्यों की श्रेणी में प्रवेश कर सकता था। हालांकि उन्होंने वास्तव में ये जिवेन से भिड़ने की उम्मीद नहीं की थी और इसके लिए धन्यवाद, अब उनके लिए पांचवें दौर में प्रवेश करना असंभव था। थोड़ी देर के लिए संघर्ष करते हुए तांग ने अपने हाथों को अपनी छाती पर रखा और कहा, भाई ये मैं खुद को आपका विरोधी नहीं मानता, इसलिए मैं हार मानता हूँ। तांग नियान की स्वीकारोक्ति हार हालांकि शिष्यों की नजर में एक दुर्घटना थी, लेकिन इसकी उम्मीद भी थी।
क्योंकि तांग नियान शीर्ष 10 रैंकों में गिने जाने के लिए काफी मजबूत था। हालांकि ये ज़िवेन ने मायंग को पूरी तरह से और आसानी से कुचल दिया था और इसलिए पूरी तरह से अपनी स्थिति स्थापित कर ली थी। मायंग आंतरिक संप्रदाय के शीर्ष 5 शिष्यों में से एक थे, लेकिन ये ज़िवेन से लड़ते हुए वह अभी भी एक चाल नहीं रोक सके। तो यह काफी स्पष्ट था कि ये ज़िवेन ने स्वाभाविक रूप से मायंग की जगह ले ली थी और खुद को अनगिनत शिष्यों के दिलों में 5 महान शिष्यों के नए सदस्य के रूप में स्थापित कर लिया था। इसलिए टैंग नियान की हार स्वीकार करना एक प्रत्याशित दुर्घटना थी। टैंग नियान द्वारा अपनी हार स्वीकार करने के बाद ये ज़िवेन का अगला प्रतिद्वंद्वी, जो छठे चरण के शिखर पर भी पहुंच गया था, हार मानने को तैयार नहीं था, लेकिन एक ही चाल में अखाड़े से बाहर कर दिया गया। इन 2 राउंड में एक के बाद एक जीत को शामिल करते हुए ये ज़िवेन आसानी से शीर्ष 6 रैंकों में पहुंच गई थी। उनके अलावा मूल आंतरिक संप्रदाय के शीर्ष 5 मास्टर्स में से 4 ने भी प्रभावशाली रूप से शीर्ष 6 रैंकों में प्रवेश किया था। इन 5 लोगों के अलावा एक व्यक्ति को भी शीर्ष 6 रैंक में नामांकित किया गया था। वह मजबूत काया का डराने वाला आदमी था और उसकी साधना पहले से ही छठे चरण के चरम पर थी। ये ज़िवेन को आखिरकार अपने अगले प्रतिद्वंद्वी के रूप में एक सच्चे गुरु से मुलाकात हुई, जो शीर्ष 5 मास्टर्स में 3रे स्थान पर था, जिसका नाम झांग जियांग था। उसे हराने के बाद वह शीर्ष 3 में प्रवेश कर सका। कृपया मुझे सलाह दीजिए, ये ज़िवेन ने कहा। भाई, ये काफी मजबूत है, यहाँ तक कि मायंग भी आपसे आसानी से हार गए थे, झांग जियांग ने कहा। लेकिन मायंग हम 5 शिष्यों में सबसे कमजोर थी, इसलिए आपके लिए मुझे हराना आसान नहीं होगा। ये ज़िवेन को यह भी पता था कि झांग जियांग लंबे समय से शीर्ष 5 आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों का हिस्सा रहे थे। झांग जियांग ने बिना किसी संयम के अपनी सारी शक्ति जारी कर दी और आश्चर्यजनक रूप से वह 7वें चरण के मध्य में था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने कहा कि मायंग उनमें से सबसे कमजोर था। बहुत से शिष्य चकित थे, क्योंकि एक आंतरिक संप्रदाय का शिष्य वास्तव में 7वें चरण तक पहुंच गया था, और 7वें चरण तक पहुंचने के बाद भी वह मुख्य शिष्य क्यों नहीं बना। स्टोनफॉल मुट्ठी, झांग जियांग जोर से चिल्लाया। उसकी आंखों ने अचानक एक तेज नजर दी और उसका फिगर हल्के पीले और डराने वाली क्यूई की परत में लिपटे मुट्ठी की एक जोड़ी के साथ आगे की ओर फट गया। ट्रंकेटेड फिस्ट नाम की यह बॉक्सिंग तकनीक उन्होंने सालों पहले एक एडवेंचर के दौरान हासिल की थी। इस बॉक्सिंग तकनीक को स्कूल में सबसे शक्तिशाली तकनीकों में से एक के रूप में लेबल किया गया था। झांग जियांग एक पल में ये ज़िवेन के सामने आया और उसकी मुट्ठी 2 पहाड़ियों की तरह उस पर टूट पड़ी। तेज गड़गड़ाहट हाथ, ये ज़िवेन धीरे से चिल्लाया, क्योंकि उसके हाथ क्यूई की तरह गड़गड़ाहट की परत में लिपटे हुए थे, जो आने वाले हमले का स्वागत करने के लिए ऊपर उठा था। ये ज़िवेन के हाथों से 6 प्रतिध्वनियां निकली। टकराना, 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 दोनों पक्षों ने आपस में मारपीट की, जबकि उनकी परछाइयां आपस में जुड़ी हुई थी। ये ज़िवेन अपनी ताकत के चरम पर पहुंच गया था, लेकिन झांग जियांग वास्तव में ऐसी स्थिति में था जैसे उसकी ताकत 10,000 कानूनों को तोड़ रही हो। अंत में उनकी घूंसे जमकर बरसी। बूम! ये ज़िवेन के तेज बिजली वाले हाथ ने एक बार फिर एक जोरदार विस्फोट जैसी आवाज की और बिजली अचानक नाटकीय रूप से बढ़ गई। उसकी हथेलियां सीधे झांग जियांग की दोहरी मुट्ठी से टकराई, जो प्रभाव पड़ने पर तुरंत टूट गई, और फिर उसकी हथेली सीधे उसकी छाती पर छप गई। टकराना, झांग जियांग को एक हथेली से थप्पड़ मारा गया और वह उल्टा होते हुए सीधे अखाड़े से बाहर चला गया। इस लड़ाई की विजेता ये ज़िवेन है। ये ज़िवेन ने आसानी से शीर्ष 3 में प्रवेश किया। ये ज़िवेन इतना मजबूत है, यह सोचने के लिए कि वह वास्तव में शीर्ष 3 रैंकों में प्रवेश करने में सक्षम था। मैंने सुना है कि वह हेल्डरी कोंगमिंग का सबसे छोटा बेटा है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना मजबूत है। ये भाई बहन भी कमजोर नहीं है। ये ज़िवेन के शीर्ष 3 में आगे बढ़ने की खबर ने अचानक इतने सारे लोगों को चौंका दिया था कि अन्य शिष्यों के शीर्ष 10 में प्रवेश करने की खबर इसकी तुलना में फीकी पड़ गई थी। इस हद तक कि लगभग कोई उनका नाम भी नहीं जानता था। बेशक ऐसा नहीं था कि इस खबर के महत्व के बारे में कोई नहीं जानता था। उदाहरण के लिए वांगली, उसने ये ज़िवेन को उत्साह से घेर लिया और कहा, हा हा हा, आह यार, तुम कमाल के हो। अगर मुझे भविष्य में कुछ अप्रत्याशित मिलता है और अगर कोई मुझे धमकाने की हिम्मत करता है, तो तुम उसे हराने में मेरी मदद करो। टीएल वांगली ने न्यूबी
शब्द का प्रयोग किया है जिसके कई अर्थ हैं, लेकिन मैं इससे कमबख्त भयानक या किकैस के रूप में अनुवाद करना पसंद करता हूँ। ये शिविन समझ नहीं पा रही थी कि हंसे या रोए। वह क्या था? वांग ली का अंगरक्षक या गुंडे। हालांकि ये जिविन ने अपने दिल में गर्मजोशी महसूस की, क्योंकि उन्होंने जो भी कहा, वांग ली खुद को अपना भाई मानते थे। बगल में चलते हुए वह और कुछ नहीं बल्कि एक नवयुवक है जो दिखावा करता है जैसे कि वह वास्तव में एक न्यूबी चरित्र है, जब वह ब्रह्मांड की विशालता को भी नहीं जानता है। अचानक एक तरफ से व्यंग्यात्मक आवाज फैली। टीएल, मूल रूप से वह चाहता है कि ये जिविन अपनी जगह जाने और दिखावा करना बंद कर दे, जैसे कि वह सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है, भले ही वह इतना छोटा है और यह नहीं जानता कि इस दुनिया में कई शक्तिशाली स्वामी मौजूद हैं। सभी ने उस दिशा में देखा जहां से आवाज निकली थी और एक चीनी चोगा पहने लगभग 20 साल का एक युवक देखा। वह देखने में सुंदर था, लेकिन उसके चेहरे पर तिरस्कार के भाव थे। किसी ने इस युवक की पहचान झाओ यांगसुए के रूप में की। वह 5 महान शिष्यों में से एक थे, दूसरे स्थान पर थे और इसलिए शीर्ष 3 आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों में से एक थे। टीएल, ये जिविन अब तीसरे और झाओ यांगसियू दूसरे स्थान पर है, क्या कहा? ये जिविन ने तुरंत ठंडे स्वर में कहा, मैंने कहा था कि तुम एक कुएं के तल पर एक मेंढक की तरह हो जो स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता को नहीं जानता है। तुम्हें क्या लगता है कि ये युआन स्कूल इस बड़े ब्रह्मांड में कहां खड़ा है और तुम सिर्फ कूड़ेदान से जुड़ना जानते हो? झाओ यांगसियू ने कहा, और यह स्पष्ट था कि वह वांग ली को कचरा कह रहे थे। जब ये जिविन लोगों का बहुत अधिक ध्यान आकर्षित कर रही थी तो झाओ यांगसियू बस ईर्ष्या से मर रही थी। इस बार वह लोगों का पूरा ध्यान आकर्षित करना चाहता था, लेकिन यह ये जिविन नाम के किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चुरा लिया गया था। कौन था ये बंदा? क्यों सबकी नजर उस पर थी जब वो खुद भी टॉप 3 में शामिल हो चुका था और सबका ध्यान अपनी ओर खींचने की कल्पना कर रहा था? लेकिन उसने जो कल्पना की थी उसकी जगह सबका ध्यान अचानक उभरने पर जा रहा था। ये जिविन की, मैं एक प्रतिभाशाली हूँ, वह नहीं, झाओ यांगसुए अपने दिल में जोर से चिल्ला रहा था। झाओ यांगसुए, अगर तुम एक आदमी हो तो मंच पर आओ और मेरे साथ खेलो, ये जिविन ने मुड़ते हुए कहा और अखाड़े में कूद गया। सभी की निगाहें झाओ यांगसियू पर टिकी थी जो शीर्ष 3 शिष्यों में दूसरे स्थान पर थी। यह पता लगाने का सही समय था कि उन दोनों में से कौन अधिक मजबूत है। हालांकि झाओ यांगसियू को पता था कि ये जिविन निश्चित रूप से किसी के साथ छल करने वाली नहीं थी, लेकिन शब्द पहले ही कहे जा चुके थे और उन्हें वापस लेना असंभव था। इसके अलावा उसने यह भी महसूस किया था कि ये शिविन एक काले घोड़े की तरह है, तो वह अपने जैसे अनुभवी दिगगज के खिलाफ कैसे विरोध कर सकता है। हम्फ, मैं तुम्हें एक सबक सिखाऊंगा ताकि तुम स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता के बारे में जान सको, झाओजू ने उपहास किया और अखाड़े में कूद गए। डोनफेंग बाई यहाँ है, टील। डोनफेंग बाई का अनुवाद ओरिएंटल वाइट के रूप में किया जा सकता है। अचानक एक हंगामा हुआ और भीड़ में से एक सफेद आकृति उभरी जिसके एक हाथ में दोधारी तलवार थी और सफेद कपड़े पहने वीर आभा से भरी हुई थी। यह दोधारी तलवार भले ही म्यान और म्यान से साधारण दिखती थी, लेकिन जब म्यान से निकाली जाती थी तो बहुत तेज दिखती थी। वहां मौजूद हर कोई जानता था कि वह डोनफेंग बाई नाम के 5 महान शिष्यों में से पहला था। उनके बचपन से तलवारबाजी का अभ्यास करने की अफवाहें थी और एक हाथ में तलवार लेकर आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों में प्रथम स्थान पर रहते हुए उन्होंने 3 साल पहले एक प्रमुख शिष्य को चुनौती दी थी। हालांकि वह जीत नहीं पाया था, लेकिन वह हार भी नहीं पाया था, जो उसकी असाधारण ताकत को दर्शाता है। 5 महान शिष्यों में प्रथम होना निश्चित रूप से दिखावे के लिए नहीं था। डोनफेंग बाई ने शांति से दोनों को देखा और चुप रही। शीर्ष 3 शिष्य यहाँ एकत्र हुए थे और कोई भी आसानी से अनुमान लगा सकता था कि यह 2 समान रूप से मेल खाने वाले विरोधियों के बीच एक भयंकर प्रतियोगिता होने वाली थी। जल्द ही बड़ों के समूह ने चैंपियन के खिताब के लिए प्रतियोगिता को आगे बढ़ाने का फैसला किया। अब तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है, झाओ यांगसियू ने बार बार कहा और उपहास किया। 3 चाले, अगर मैं तुम्हें 3 चालों में नीचे नहीं गिरा सकता तो मैं घूमकर दूर चला जाऊंगा, ये जिविन ने 3 उंगलियां दिखाते हुए कहा। ये जिविन द्वारा खुले में अपमानित किए जाने के तुरंत बाद झाओ यांगसुए का रंग पीला पड़ गया। ठीक है, बिल्कुल उसे नीचे गिरा दो, वैसे भी इन 5 महान शिष्यों के बारे में इतना अच्छा क्या है, वांगली नीचे से चिल्लाया।
आप मौत को दावत दे रहे हैं। झाओजू ने कहा, आज मैं तुम्हारे शरीर की सभी हड्डियां तोड़ दूंगा और तुम्हें स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता के बारे में जानने दूंगा। टीएल वो उसे स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता के बारे में सिखाने के लिए बहुत बेताब लगता है। वह मुझे मेरे भूगोल शिक्षक की याद दिलाता है। पी झाओ यांगसियु गुस्से से जल रहा था, उसका पूरा शरीर गुस्से से उबल रहा था और क्यूई ने उसके शरीर को चारों ओर से घेर रखा था, जिससे रिंग के अंदर हवा के महीन धागों से घर्षण से शोर हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि उनके सातवें चरण के अंत में पहुंचने की खबर निश्चित रूप से फर्जी नहीं थी। जैसे ही उन्होंने मुक्का मारने के लिए अपनी मुट्ठी का इस्तेमाल किया, तुरंत ऐसा लगा जैसे पूरे अखाड़े में तापमान कई डिग्री गिर गया हो। यह उनकी प्रसिद्ध ट्रैम्बलिंग आइस फिस्ट तकनीक थी, जिसका इस्तेमाल करने पर व्यक्ति सीधे जम सकता था। अंतहीन ठंडी हवा तुरंत यक्षिवन के चारों ओर लिपट गई, मानो उसे अपने जीवन के साथ जमाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन यह देखने के बाद ये जिवेन जोर से चिल्लाया और बस एक कदम के साथ उसका कद बर्फ से बाहर निकल आया और झाओ यांगसियु की ओर दौड़ा। फिर उसने अपनी चाल थंडर की तरह पास और हवा की तरह आगे बढ़ने का इस्तेमाल कांपती बर्फ की मुट्ठी के खिलाफ किया और आसानी से इसे विभाजित कर देता है और इसकी शक्ति को पूरी तरह से बिखेर देता है। आकाश और पृथ्वी की विशालता, क्या तुम अब भी मुझे इसके बारे में सिखाना चाहते हो? यक्षिवेन ने उपहास किया जबकि उसकी हथेली पर थप्पड़ पड़ा। टकराना, एक औसत और इतनी शक्तिशाली हथेली सीधे उसके चेहरे पर नहीं पड़ी। पूफ, झाओ यांगसियु ने बहुत सारा खून बहाया और उसके लगभग सभी दांत ये जिवेन द्वारा निकाल दिए गए। तुम, झाओ यांगसियु ने उसे अविश्वसनीय रूप से देखा, लेकिन ये जिवेन ने उसे रोकने की कोई योजना नहीं बनाई। उसने तुरंत अपने पैर का इस्तेमाल किया और जमकर लात मारी। टकराना, झाओ यांगसियु किक से हवा में उड़ गया और उसके गिरने के क्षण में ये जिवेन ने तुरंत अपनी हथेली को गड़गड़ाहट के आकार की क्यूई से ढंक दिया और उसे एक विनाशकारी बल के साथ थप्पड़ मारा, जिसमें बेजोड़ शक्ति की एक भयावह लहर थी जिसने जमकर बमबारी की उसका शरीर। बूम, झाओ यांगसियु अखाड़े से बाहर गिर गया, उसकी छाती की सभी पसलियां टूट गई। फिर वह गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जो शिष्य यह देख रहे थे उनमें से कई ने अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस की और अपनी लार निगल ली, क्योंकि पांच महान शिष्यों में से एक और गंभीर रूप से घायल हो गया था और ये जिवेन पहले ही पांच में से तीन को हरा चुकी थी। पांच महान शिष्यों डोनफेंग बाय और एक अन्य महिला शिष्या जियान के सिर को छोड़कर अन्य तीन में से कोई भी उसका मैच नहीं था। अब जबकि झाओ यांगसियु गंभीर रूप से घायल और बेहोश थी, चैंपियन का खिताब छीनने के लिए केवल ये जिवेन और डोनफेंग बाई ही बचे थे। ये जिवेन अप्रत्याशित रूप से इतना शक्तिशाली है कि यहाँ तक कि झाओ यांगसियु, जो सातवें चरण के अंतिम चरण का मास्टर था, इतनी आसानी से उससे हार गया। यह अफसोस की बात है कि वह इतना निर्दयी है और उतावलेपन से काम करता है, इसलिए हम निश्चित रूप से नहीं जान सकते कि भविष्य में बड़ा होने के बाद वह आशीर्वाद होगा या अभिशाप। इतना शक्तिशाली शिष्य वास्तव में हमारे ये युवान स्कूल से आया है। निश्चित रूप से यह स्कूल के लिए एक आशीर्वाद है। हमारे शिष्य जितने प्रतिभाशाली होंगे, हमारा विद्यालय उतना ही अधिक दुर्जय होगा। बड़ों के बैठने की जगह में बैठे बुजुर्गों के बीच ये जिवेन के बारे में चर्चा चल रही थी। मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हारे आराम करने का इंतजार करूंगा, डोनफेंग बाई ने उदासीनता से कहा, क्योंकि यक्षिवेन ने सबके सामने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था और कार्रवाई के लिए उत्सुक था, इसलिए वह उससे आवेग में आकर लड़ने का आग्रह करना चाहता था। नहीं, यह समय की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं होगा, ये जिवेन ने कहा। भले ही झाओ यांगसियु पहले ही सातवें चरण में पहुंच गया था, लेकिन वह अभी भी उसके लिए एक मैच नहीं बन सका और आसानी से हार गया। उसे हराने के लिए उसे बहुत अधिक ताकत का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी और कुछ ही सांसों में उसकी ताकत पहले से ही अपनी चरम स्थिति में आ गई थी। ठीक है, बिल्कुल सीधा, डोनफेंग बाई ने सिर हिलाया और उड़कर रिंग के ऊपर उड़ गई, जैसे कोई पक्षी अपने शिकार पर उड़ता है। सभी की निगाहें दो व्यक्तियों पर टिकी थी, क्योंकि यह इस साल के स्कूल इनोवेटिंग में सबसे कठिन लड़ाई होने वाली थी। यह आयोजन सभी के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र होने वाला था, क्योंकि जो इस लड़ाई को जीतेगा वह चैंपियनशिप भी जीतेगा और भीतरी संप्रदाय के शिष्यों में चैंपियन बनेगा। हालांकि इस लड़ाई के बाद अगली प्रतियोगिता बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के बीच होने वाली थी, हालांकि उनकी कुल ताकत आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों की तुलना में काफी कम थी।
हर साल बहुत कम लोग उनके झगड़े देखने आते थे, यहाँ तक कि वे बुजुर्ग भी जो पहले बड़ों के बैठने की जगह से प्रतियोगिता देखते थे, वे भी विभिन्न महलों के स्वामी सहित प्रतियोगिता के प्रभारी के रूप में केवल कुछ बुजुर्गों को छोड़कर चले जाते थे। फिर मैं आपका अनुरोध स्वीकार करूंगा। डोन फेंग बाई की तलवार एक फूल की तरह नाचने लगी। फिर उसने अपनी तलवार येजिवेन पर तान दी और कहा, अपना ब्लेड निकालो। डोन फेंग बाई शिष्यों के बीच अपनी तलवारबाजी के लिए प्रसिद्ध थी और उनकी साधना अपने आप में काफी अद्भुत थी। वह पहले ही सातवीं अवस्था के शिखर पर पहुंच चुका था और वह कभी भी आठवीं अवस्था में पहुंच सकता था। इस बार के पांच महान शिष्यों को आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों से उभरने वाली सबसे मजबूत पीढ़ी माना जा सकता है। ये युआन स्कूल ने पांचवें चरण के गुरुओं को मुख्य शिष्यों के रूप में अर्हता प्राप्त करने की अनुमति दी। जो सातवीं अवस्था प्राप्त कर चुके थे उन्हें मूल शिष्यों में कमजोर नहीं माना जाता था, जो आठवीं अवस्था में थे उन्हें मजबूत माना जाता था, और अंत में जो पहले से ही नौवीं अवस्था प्राप्त कर चुके थे उन्हें कोर शिष्यों में अत्यंत मजबूत माना जाता था। ये जीवन ने आखिरकार दर्शकों और शिष्यों से घिरी एक लंबी ब्लेड निकाली जो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूर रहे थे, क्योंकि यह दूसरी बार था जब ये सिवेन ने उनके सामने अपना ब्लेड निकाला था। पहली बार यह पेनल्टी पैलेस के स्वामी एक जियानटियन स्तर के मास्टर वांग जियान के खिलाफ था। अब शायद वे अंत में उसकी असली ताकत की एक झलक देख सकते थे, क्योंकि पहले उसके सभी विरोधियों को उसकी हथेली की तकनीक से हार का सामना करना पड़ा था। ध्यान रहे, डोन फेंग बाई ने धीरे से चिल्लाया। उसके हाथ में एक तेज तलवार थी जो नाच रही थी और एक तेज रोशनी पैदा कर रही थी जो तुरंत एक शिवेन की ओर जा गिरी। इस प्रहार की गति इतनी तीव्र थी कि आकाश तुरंत तलवार से उत्पन्न प्रकाश से भर गया, हालांकि असली हत्यारा हमला उस तलवार के प्रकाश के भीतर कहीं छिपा था जो पूरे आकाश में फैल चुका था। ये जिवेन के ब्लेड ने अमावस्या को काटने वाले का सिर काट दिया। उसका ब्लेड सीधे आने वाले हमले की ओर कट गया था, क्योंकि वह डोन फेंग बाई के हत्यारे की चाल को पहले ही देख चुका था, इसलिए उसने इसका मुकाबला करने के लिए अपनी खुद की हत्यारी चाल का इस्तेमाल किया था। बूम! ये जिवेन का ब्लेड डोन फेंग बाई की तलवार पर बड़ी ताकत से लगा, जिससे अखाड़े में हवाई विस्फोट की आवाज पैदा हुई। उनके दोनों हमले बेहद तेज थे। डोन फेंग बाई की स्वॉर्डप्ले पद्धति ने ही त्वरित और कुशल हमलों पर जोर दिया, और ये जिवेन की कोल्ड मून बीहेडर भी एक शीर्ष श्रेणी की गति तकनीक थी, अन्यथा वह एक बार में नौ ब्लेड छाया कैसे मार सकता था। इसके अलावा उन्होंने अशिंग थंडर हैंड स्किल के एक हिस्से को ब्लेड में भी एकीकृत किया था, जिससे उनका ब्लेड अटैक लगभग पूर्णता तक पहुंच गया था। उनके दोनों हथियार टकरा गए, क्योंकि नीचे भीड़ उनके सभी कार्यों पर ध्यानपूर्वक नजर रख रही थी। झांग जियांग, पांच महान शिष्यों में से एक भी इस लड़ाई को अपने चेहरे पर एक बदसूरत अभिव्यक्ति के साथ देख रहा था। इससे पहले उन्होंने येजिवेन के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी थी और अपनी हथेली की तकनीक से दुखद रूप से हार गए थे। उसने मूल रूप से सोचा था कि येजिवेन की हथेली की तकनीक उसकी सबसे शक्तिशाली तकनीक थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा होगा कि यह हथेली की तकनीक उसकी आश्चर्यजनक ब्लेड तकनीक की तुलना में कुछ भी नहीं थी। यही उनकी असली ताकत थी। डोन फेंग बाई पहले से ही सातवें चरण के चरम पर थी और उसकी ताकत बहुत बड़ी थी, लगभग 20 टाइगर्स की ताकत को तोड़ने वाली थी। हालांकि उन्होंने गति के स्कूल में अभ्यास किया था, यहां तक कि नौवें चरण के स्वामी भी उनकी तलवार से आसानी से कट जाते थे, जो काफी चौंकाने वाला था। हालांकि ये शिवेन ने केवल छठे चरण का शिखर हासिल किया था, लेकिन उसकी ताकत उससे जरा भी कम नहीं थी। ये जिवेन का लंबा ब्लेड बिना रुके प्रहार कर रहा था। उसके ब्लेड का प्रहार बिजली की तरह तेज और चांद की तरह बर्फीला था। मूल रूप से वह डोन फेंग बाई को आराम करने का कोई अवसर नहीं दे रहा था। यह चाल नया चांद सिर काटने वाला वह पहले से ही पूर्णता की स्थिति में अभ्यास कर चुका था, जहां उसकी चाल प्रकृति से मिलती जुलती थी बिना किसी मामूली दोष के। टीएल हुन रेन तियान चेंग का अर्थ है स्वयं प्रकृति से मिलता जुलता या उच्चतम गुणवत्ता का। डोन फेंग बाई को ये जिवेन की चालों का अनुमान लगाना मुश्किल हो रहा था और यह स्पष्ट था कि ब्लेड के साथ ये जिवेन का कौशल काफी ऊंचा था। हालांकि डोन फेंग बाई की साधना अधिक थी, लेकिन तलवारबाजी की उनकी समझ ये जिवेन की तुलना में बहुत कम थी। वह सिर्फ एक किशोर था, उसकी तलवारबाजी की समझ इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। डोन फेंग बाई को कभी भी ये जिवेन के रहस्यमय स्थान का रहस्य पता नहीं चलेगा। हालांकि अभी उसके पास कारण के बारे में सोचने के लिए अनावश्यक समय नहीं था, क्योंकि ये शिवेन का लंबा ब्लेड पहले ही लग चुका था।
डोन फेंग बाई के पास अपनी तलवार और चाकू का इस्तेमाल करने के अलावा और कोई चारा नहीं था, जिसने ये जिविन के आने वाले ब्लेड के हमले को खोल दिया। हालांकि लड़ाई में पहल करने का अधिकार उसके हाथों से ये जिविन को पहले ही स्थानांतरित कर दिया गया था। टीएल, क्योंकि ये जिविन ने पहली मजबूत चाल चली थी, ये जिविन ने आसानी से बढ़त हासिल कर ली थी। लंबा ब्लेड उसके हाथ में बिजली की तरह चमका और तीन ब्लेड वाली परछाइयां अचानक आसमान में दिखाई दी और डोन फेंग बाई की ओर कट गईं। डोन फेंग बाई केवल निष्क्रिय रूप से विरोध कर सकती थी और उसके दिल में उसे मौत के घाट उतारा जा रहा था। यहां तक कि अगर यह छठे चरण के शिखर पर एक साथ तीन तलवारों का उपयोग करके उस पर हमला करने के लिए मास्टर था, तो इससे उसे कोई खतरा नहीं होगा। भले ही यह सातवें चरण के शिखर पर एक मास्टर था, डोन फेंग बाई उसे आसानी से हरा सकती थी, लेकिन ये जिविन बस एक असामान्यता थी। उसकी गति स्वयं की गति से कम नहीं थी और दिव्य पग कौशल का प्रयोग करते समय उसकी गति और भी तेज थी। यहां तक कि उसका बल भी उसके अपने बल से कुछ बड़ा था। ये जिविन मूल रूप से एक राक्षस था, क्योंकि उसने बंदर शराब का सेवन किया था, जिससे उसकी ताकत काफी बढ़ गई थी, निश्चित रूप से डोन फेंग बाई की ताकत से कम नहीं थी। यहाँ तक कि उसकी जेन क्यूई भी मोटी और गहरी हो गई थी और प्रकाश के एक रहस्यमय समूह में बदल गई थी और डोन फेंग बाई की जेन क्यूई की तुलना में निश्चित रूप से शक्तिशाली थी। ये जिविन का कोई भी पहलू डोन फेंग बाई से कमतर नहीं था, वास्तव में उसके कुछ पहलू उससे भी बेहतर थे। डोन फेंग बाई स्पष्ट रूप से अपनी हावी लड़ाई शैली से हार रही थी। हर कोई हैरान था, वे सभी जानते थे कि ये क्षिविन बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि उसकी असली ताकत वास्तव में इतनी अविश्वसनीय होगी। डोन फेंग बाई कौन थी? वे पांच महान शिष्यों में से पहले थे और भीतरी संप्रदाय के शिष्यों में से कोई भी उनसे अधिक शक्तिशाली नहीं था। बहुत समय पहले उसने एक मुख्य शिष्य के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और अभी भी पराजित नहीं हो सका था। हालांकि अब वह स्पष्ट रूप से ये क्षिविन से हार रहा था, जो उनके लिए बस एक चमत्कार था। अखाड़े में दोनों की अदला बदली को देखकर बुजुर्ग कुछ हैरान हुए। उनकी ताकत का स्तर केवल ज्यानटियन स्तर के बुजुर्गों को आश्चर्यचकित करने के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन ये जिविन बहुत ही अद्भुत थी। भीतरी संप्रदाय के शिष्यों की प्रतिभा के प्रति सभी काफी अनुकूल थे और अपनी प्रतिभा से वे आसानी से एक मुख्य शिष्य बन सकते थे। साथ ही वरिष्ठ कोर शिष्यों द्वारा छोड़े गए पदों को संभालने से कोर संप्रदाय के अंदर उठना उनके लिए आसान होगा। कोई कल्पना कर सकता है कि उससे बड़ी उम्मीदें थी। हालांकि किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि वह वास्तव में ये जिविन की प्रभावशाली लड़ाई शैली से हार सकता है। हालांकि वह अभी तक ये जिविन से नहीं हारे थे, लेकिन लड़ाई से ही यह स्पष्ट था कि ये जिविन की राक्षसी जेन क्यूई निश्चित रूप से देर सवेर उसे हरा देगी। यह काला घोड़ा वास्तव में बहुत काला था। टीएल, हेमा का अर्थ है डार्क हॉर्स या अप्रत्याशित विजेता। इस बीच ये कोंगमिंग अपने बेटे के उत्कृष्ट प्रदर्शन को देख रहे थे। वो खुश दिख रहा था और एक कान से दूसरे कान तक मुस्कुरा रहा था और ये क्षिविन के प्रदर्शन की आलोचना भी नहीं कर रहा था। डोन फेंग बाई निश्चित रूप से जानती थी कि इस लड़ाई में वह निश्चित रूप से देर सवेर हार ही जाएगी। उसके पास एक ही विकल्प बचा था कि वो ये जिविन की जेन क्यूई के अभ्यस्त होने का इंतजार करे, लेकिन ये क्षिविन के सुर्ख रंग से साफ था कि उसमें अभी भी बहुत लड़ाई बाकी थी। टीएल, मूल रूप से ये जिविन युद्ध के दीवाने की तरह दिखते थे। डोन फेंग बाई के पास एक अंतिम हमले में सब कुछ जोखिम में डालने के अलावा और कोई चारा नहीं था। डोन फेंग बाई जोर से चिल्लाए, उसकी तलवार ने चांदी की तलवार की रोशनी पैदा करते हुए नृत्य किया, जिसने एक शक्तिशाली आकाशगंगा की तरह आकाश को अस्पष्ट कर दिया। इस लड़ाई के परिणाम को तय करने के लिए यह कदम काफी शक्तिशाली था। ये जिविन ने भी जोर से चिल्लाया, उसका ब्लेड कट गया और अचानक आकाश में नौ ब्लेड की परछाइयां दिखाई दी। हालांकि बेहोश लेकिन अप्रत्याशित रूप से इस हमले की गहराई को पूरी तरह से प्रदर्शित करते हुए एक नया चांद खुल गया। बूम, क्यूई की एक भयानक धमाका लहर रिंग के पार बह गई और विशाल रिंग सीधे नीचे गिर गई। आखिरकार धुआं और धूल फैल गई और हर कोई देख सकता था कि डोन फेंग बाई के कपड़े क्षतिग्रस्त हो गए थे। वह कुछ परेशान दिख रहा था और ये जिविन का लंबा ब्लेड उसके कंधे पर क्षैतिज रूप से रखा गया था। इस युद्ध का परिणाम स्पष्ट था। चैंपियन .. ये जिविन स्कूल इन अ वेंग, जो हर तीन साल में केवल एक बार होता था, अंत में समाप्त हो गया था और इस प्रतियोगिता के अप्रत्याशित काले घोड़े ये जिविन ने अप्रत्याशित रूप से चैंपियनशिप जीत ली थी और आकर्षण का केंद्र भी बन गया था।
किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये ज़िविन जैसा अनजान व्यक्ति वास्तव में इस प्रतियोगिता को जीतेगा और अब से यह नाम उनके दिमाग में मजबूती से बस जाएगा। प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद ये परिवार एक साथ डिनर करने के लिए घर पर इकट्ठा हुआ था। ये फेंग अपने बंद दरवाजे के प्रशिक्षण में व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने भाग नहीं लिया, लेकिन रात के खाने में ये रुक्सू मौजूद थे। पूरा परिवार खुशियों से झूम रहा था क्योंकि ये ज़िविन ने अप्रत्याशित रूप से चैंपियनशिप जीत ली थी। हालांकि सालों पहले ये फेंग और ये रिक्सू दोनों भी चैंपियन बन गए थे और उन्हें मुख्य शिष्यों के पद पर पदोन्नत किया गया था, लेकिन चूंकि ये दोनों पहले से ही जीनियस माने जाते थे, इसलिए ये आश्चर्य नहीं था। हालांकि ये ज़िविन का प्रदर्शन हमेशा बहुत ही औसत दर्जे का रहा था, लेकिन इस बार उसकी ताकत अचानक भड़क उठी और उसने चैंपियनशिप भी जीत ली। इससे उनके परिवार को काफी हैरानी हुई थी। वेन एयर, इससे पहले कि आप हाउटन के चौथे चरण में थे, क्या आप नहीं थे? लेकिन केवल एक महीने में आप वास्तव में छठे चरण के शिखर पर पहुंच गए और आपकी ब्लेड तकनीक भी एक मध्यवर्ती स्तर की तकनीक की तरह लगती है और यह पहले से ही इस हद तक अभ्यास की जा चुकी है कि इसने वास्तव में आपको बहुत सारे मुख्य शिष्यों को स्पष्ट रूप से पार करने की अनुमति दी है। ये कोंगमिंग ने पूछा। इसके बारे में मैं भी निश्चित रूप से नहीं जानता, लेकिन ऐसा लगता है जैसे मुझे अचानक ज्ञान प्राप्त हुआ जिससे मेरी साधना तेजी से आगे बढ़ी। अगर ये कोंगमिंग को इसके बारे में पूछना था तो ये ज़िविन ने पहले ही एक उत्तर तैयार कर लिया था। प्रबोधन, ये कोंगमिंग ने भौहें चढ़ा ली, लेकिन उसने ये ज़िविन पर शक नहीं किया क्योंकि उसने उसे बड़ा होते हुए देखा था और वह अच्छी तरह जानता था कि ये ज़िविन उस तरह का व्यक्ति नहीं है जो झूठ बोलेगा। हालांकि आत्मज्ञान के बारे में यह मामला वास्तव में अकल्पनीय था और चूंकि यह बिना मिसाल के था, इसलिए इसे समझाने का कोई तरीका नहीं था। टाटा बॉय, ये रुक्सू ने उसके कंधे पर थपकी दी। जी, वह घमंडी बच्चा डोनफेंग बाय वास्तव में आपके सामने औंधे मुंह गिर गया। ये शिविन कुछ असहाय महसूस कर रही थी क्योंकि अभी वह डोनफेंग बाय से भी अधिक अपरिपक्व लग रही थी। हालांकि आपने चैंपियनशिप जीती है, आप अपने आप से बहुत अधिक भरे हुए नहीं हो सकते क्योंकि अभी भी कई प्रतिभाशाली कोर शिष्य हैं। और यह उल्लेख नहीं करना कि यह दुनिया बहुत बड़ी है और वहां कई प्रतिभाएं हैं, इसलिए याद रखें कि बहुत अधिक आत्मसंतुष्ट न हो। ये कोंगमिंग ने उसे चेतावनी दी क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वह अहंकारी बने। हाँ, ये ज़िविन ने कहा। 3 महीने बाद मुख्य शिष्य प्रतियोगिता झांग परिवार के साथ संयुक्त रूप से आयोजित की जाएगी और आप 3 भाई बहनों को रक्त युवान क्षेत्र में एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए, ये कोंगमिंग ने कहा। निश्चिंत रहो पिता, ये रुक्सुए ने कुछ लापरवाही से कहा, हम निश्चित रूप से पहले स्थान को जीतने में बड़े भाई की मदद करेंगे। यह तुम्हारा भाई नहीं है जिसके बारे में मैं चिंतित हूँ, लेकिन तुम्हारी लापरवाही। इस समय उसने उसे बाधित किया और कहा, जैसे तुम्हारा भाई बंद कमरे में प्रशिक्षण ले रहा है, कल तुम भी अगले 3 महीनों के लिए बंद कमरे में प्रशिक्षण शुरू करोगे, ये कोंगमिंग ने कहा। मैं जानता हूँ, ये रुक्सुए ने ठहाके लगाते हुए कहा। रात के खाने के बाद ये ज़िविन नहीं रुका बल्कि सीधे अपने छोटे से यार्ड में वापस चला गया और खेती करना शुरू कर दिया। चैंपियनशिप पुरस्कार 2000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन्स के इनाम के साथ काफी समृद्ध था और बाद में हर महीने उन्हें मासिक वेतन के रूप में 300 मिलते थे। तब अन्य शिष्यों की तुलना में उसका विकास छलांग और सीमा से आगे बढ़ेगा। इन 2000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन्स के अलावा सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार वास्तव में वे 3 स्वर्ण गोलियां थी। ये गोलियां वास्तव में युआन स्कूल में एक तरह की प्रसिद्ध दवाएं थी जिनका सेवन करने पर वर्तमान खेती के स्तर में काफी वृद्धि हो सकती है। हालांकि यह केवल प्रतिभाशाली मुख्य शिष्यों को पुरस्कृत किया गया था और इस बार उन 5 शिष्यों में से जिन्हें मुख्य शिष्यों के रूप में पदोन्नत किया गया था, केवल ये ज़िविन को ही ये स्वर्ण गोलियां मिली थी। ये ज़िविन की योजना पहले अपनी ताकत बढ़ाने की थी। हालांकि भीतर के शिष्यों की तुलना में उनकी ताकत काफी हावी थी, लेकिन उन्होंने यह भी समझा कि मुख्य शिष्यों में कई प्रतिभाशाली और मजबूत गुरु थे और समय आने पर उनके पास उनका सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा, इसलिए उनकी पहली प्राथमिकता अपनी ताकत को बढ़ाना था। जब तक वह काफी मजबूत होगा, वह किसी भी चुनौती से निपटने में सक्षम होगा। एक शिवेन ने एक बहुत छोटी चीनी मिट्टी की बोतल निकाली जिसमें से उसने पीले रंग की दवा अपने मुंह में डाली और फिर उसे निगल लिया और साथ ही साथ रहस्यमय जगह में प्रवेश कर गया। सोने की 3 गोलियां जल्द ही गर्मी में बदल गईं और उसके शरीर के अंदर बहने लगी।
उसके तानतेन से गर्मी बढ़ गई और तुरंत ही जेन क्यूई उसके शरीर के भीतर पागलों की तरह घूमने लगी और उसका चेहरा अचानक लाल हो गया। अपने शरीर के अंदर जेन क्यूई की इस अराजकता में मूल स्थिर स्थिति ढीली होने लगी। टीएल मूल रूप से वह ऊपर जा रहा है। उज्जवल जेड पावर के बारे में विभिन्न अंतर्दृष्टि उसके दिमाग में लगातार आने लगी थी, जिससे बुडाओ के बारे में उसकी समझ और गहरी हो गई। टीएल बुडाओ मार्शल तरीका बूम, वह नहीं जानता था कि इसमें कितना समय लगा, लेकिन उसकी मूल दृढ़ अवस्था को अंततः ऊर्जा के एक बड़े प्रवाह ने उखाड़ फेंका। हावतन सातवां चरण हासिल किया गया था। 3 सुनहरी गोलियों की मदद से वह अंत में हाउटियन सातवें चरण के माध्यम से सीधे हाउटियन छठे चरण के शिखर से टूट गया था। एक बार फिर वह अपनी पुरानी स्थिति से टूट गया था और उसकी ताकत भी काफी बढ़ गई थी। उसके पास पहले 20 बाघों की ताकत थी, जो सफलता के बाद सीधे 30 बाघों की भयानक ताकत तक बढ़ गई थी, जो कि उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक थी। यह सब उस वानर शराब के कारण हुआ था, जिसने उसे तूफान जैसी शक्ति प्रदान की थी। उसने बाहर देखा और देखा कि अभी भी सुबह हुई थी, तो उसने फिर से खेती करना शुरू कर दिया। समय तेजी से बीतता गया और पलक झपकते ही एक महीना बीत चुका था। किंगफेंग पर्वत के पीछे स्थित जंगल में एक आकृति देखी जा सकती है। मिसिंग मून बीहेडर एक कोमल चीख के साथ एक आकृति जंगल के अंदर चली गई। ब्लेड क्यू एक क्षैतिज रूप से टकराया और आसपास के सभी पेड़ों को जमीन पर क्रमिक रूप से गिरते देखा जा सकता था। यह मिसिंग मून बीहेडर तकनीक अभ्यास की अंतिम सीमा तक पहुंच गई है। ये जिवेन की जेन क्यूई अपने आप उसके शरीर पर पसीना सुखा रही थी। इस पूरे समय में उसने कोल्ड मून बीहेडर का अभ्यास करने के लिए अपने मन और आत्मा को पूरी तरह से डुबो दिया था और अंत में ज़ियाओचेन स्तर पर पहुंच गया था। हालांकि वह डाचेन के स्तर तक नहीं पहुंचा था, लेकिन फिर भी उसकी लड़ने की ताकत काफी बढ़ गई थी। टीएल ज़ियाओचेन तीसरा स्तर, डाचेन चौथा स्तर, अंतिम स्तर चरमोत्कर्ष और यहां तक कि न्यू मून बीहेडर की अटैक रेंज भी पहले जैसी नहीं थी। हालांकि मिसिंग मून बीहेडर एक व्यक्तिगत हमला था, लेकिन जब ब्लेड को काट दिया गया तो यह कई ब्लेड छाया का उत्पादन करेगा। प्रत्येक एक दूसरे के समान होगा, लेकिन कुल शक्ति भयानक होगी। यदि डचिंग स्तर पर अभ्यास किया जाता है तो यह 9 अतिव्यापी ब्लेडों का उत्पादन करेगा, जिससे पूरी शक्ति 10 गुना बढ़ जाएगी। और अब ये जिवेन ने उस स्तर तक अभ्यास किया था जहां उन्होंने एक बार में अधिकतम 5 ओवरलैपिंग ब्लेड ही हासिल किए थे, लेकिन शक्ति पूरी तरह से 3 गुना तक बढ़ सकती थी। एक महीने से भी अधिक समय में ये जिवेन की खेती हावतन सातवें चरण के चरम पर पहुंच गई थी, जिसमें उसकी ताकत 50 बाघों की ताकत तक बढ़ गई थी। उनके ब्लेड के प्रत्येक वार में भारी शक्ति से युक्त एक भारी कुचल बल था, और इसके अलावा उन्होंने डचिंग स्तर तक आकाशीय कदम का पूरी तरह से अभ्यास किया था। उन्होंने ज़ियाओचेन स्तर तक मिसिंग मून बीहेडर का भी अभ्यास किया था, इसलिए अब वह हॉटियन आठवें चरण के किसी भी मास्टर को आसानी से हराने के लिए पर्याप्त आश्वस्त थे। यहाँ तक कि अगर यह हॉटियन नौवें चरण का मास्टर था तो वह आसानी से उसका मुकाबला कर सकता था। ऐसा नहीं है कि वह अपनी खेती जारी नहीं रखना चाहता था, लेकिन उसने सेलेस्टियल सटेप और मिसिंग मून बीहेडर का अभ्यास करते हुए कुल 4000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन को पूरी तरह से खा लिया था। वह एक बार फिर दरिद्र हो गया था और उसके पास एक भी आत्मा का पत्थर नहीं बचा था। रहस्यमय स्थान की मदद से उनकी मार्शल आर्ट की खेती बहुत तेजी से आगे बढ़ सकती थी, लेकिन आवश्यक स्पिरिट स्टोन की खपत बहुत अधिक थी। अब उसे स्पिरिट स्टोन अर्जित करने का तरीका खोजना था। ये जिवेन किनफेंग पर्वत के पीछे की ओर से युआन स्कूल वापस लौटी और सीधे गोंडे पैलेस चली गई। यहाँ राक्षस बीस्ट कोर जड़ी बूटियों आदि जैसी चीजों का स्कूल क्रेडिट के लिए आदान प्रदान किया जा सकता था, और इसके विपरीत इस बीच गोंडे पैलेस में मिशन स्वीकार करना भी संभव था। इनमें से कुछ मिशन बाहरी लोगों द्वारा जारी किए गए थे, कुछ स्कूल के शिष्यों द्वारा और कुछ मिशन बड़ों द्वारा भी जारी किए गए थे, जो अजीब और असामान्य पुरस्कार देते थे। लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य इनाम के रूप में निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन प्राप्त करना था। वह राक्षसों के शिकार के अलावा जितनी जल्दी हो सके आत्मा पत्थर अर्जित करना चाहता था। उसने मिशनों को भी पूरा करने की योजना बनाई थी। कठिनाई की अलग अलग डिग्री के साथ पुरस्कार भी पूरी तरह अलग होंगे। इन मिशनों को ए बी सी और डी रैंक मिशन में विभाजित किया गया था, जो क्रमशः बड़ों मुख्य शिष्यों आंतरिक शिष्यों और बाहरी दरवाजे के
शिष्यों के अनुरूप थे। उच्च रैंक वाले मिशनों में अधिक कठिनाई शामिल होगी और साथ ही इनाम भी बहुत बड़ा होगा। अब एक मुख्य शिष्य होने के नाते ये ज़िवेन बी मिशन और उससे ऊपर के रैंक पर आ सकते हैं। रैंक सी और डी मिशन के लिए शिष्यों की एक बड़ी भीड़ थी, लेकिन रैंक बी की तरफ कुछ शिष्य थे। कोर शिष्यों की एक छोटी संख्या थी और ज्यादातर कोर शिष्य मिशन पर बाहर थे। ये ज़िवेन ने प्रकाशित मिशन बोर्ड पर नजर डाली और रैंक बी मिशनों की तुलना रैंक सी और डी मिशनों से की। उन्होंने देखा कि इन मिशनों को बार बार बदला जा रहा था, लेकिन रैंक बी मिशनों के लिए प्रतिस्थापन बिल्कुल भी त्वरित नहीं था। किंगफेक पर्वत की गहराई में स्वर्गीय ठंडी घास की तलाश करें। पुरस्कार 300 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन, एक ब्लड वुल्फ किंग के क्रिस्टल न्यूक्लियस की तलाश करें। पुरस्कार 500 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन। ये ज़िवेन ने अलग अलग कठिनाई के मिशनों पर नजर डाली और देखा कि पुरस्कार 100 से लेकर 1000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन तक थे। भीतर के शिष्यों के लिए यह पहले से ही एक खगोलीय आंकड़ा था और कोर शिष्यों के लिए भी यह एक छोटा आंकड़ा नहीं था। आखिरकार उनका मासिक वेतन केवल 300 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन्स थे। हालांकि इन मिशनों की कठिनाई काफी अधिक थी। उदाहरण के लिए एक रक्त भेड़िया राजा एक भयानक दानव जानवर था जिसे हॉटियन 8वें चरण के चरम पर माना जाता था। यहां तक कि अधिकांश मुख्य शिष्य भी इस मिशन को पूरी तरह से पूरा नहीं कर सके, आंतरिक शिष्यों की तो बात ही छोड़ दे। ये ज़िवेन की नजर मिशन के माध्यम से उड़ते हुए एक अपेक्षाकृत नए मिशन पर रुक गई जो उसी दिन जोड़ा गया था। तियानयुवान शहर में दवा सामग्री के एक बैच के परिवहन में किनफेंग ट्रेडिंग फर्म का अनुरक्षण। पुरस्कार 3000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन। आवश्यकताएं हाउटियन 7वें चरण या ऊपर। इस मिशन के लिए 3000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन का इनाम देखकर ये जीवन की आंखें अचानक चमक उठी। यदि वह इन 3000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन्स को पुरस्कार के रूप में प्राप्त कर सकता है तो निसंदेह ये उसकी तत्काल जरूरतों को हल कर सकते हैं। तब मिसिंग मून बीहेडर का दाचेन स्तर तक अभ्यास किया जा सकता था और यहां तक कि उसकी साधना और भी बढ़ सकती थी। लेकिन एक साधारण एस्कॉर्ट ड्यूटी के लिए 3000 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स का इनाम काफी बड़ा चढ़ा कर पेश किया गया था, क्योंकि इतने लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स को बचाने के लिए एक मुख्य शिष्य को भी लगभग 1 साल लग जाएगा। यहां तक कि इस मिशन की आवश्यकताएं काफी अधिक थी, क्योंकि हाउटियन 7वें चरण के शिष्य या उससे ऊपर के शिष्यों को मुख्य शिष्यों में शीर्ष स्वामी माना जाता था। ये युआन स्कूल किनफेंग पर्वत के ऊपर स्थित था और किनफेंग ट्रेडिंग फर्म किनफेंग शहर में स्थित थी जो किनफेंग पर्वत के आधार पर स्थित था। किनफेंग ट्रेडिंग फर्म शहर की सबसे बड़ी ट्रेडिंग फर्म थी और आमतौर पर औषधीय सामग्री का कारोबार करती थी। तियानयुवान शहर किनफेंग पर्वत से निकटतम शहर था जो केवल आधे दिन की दूरी पर था। सुबह जल्दी निकल जाते तो शाम तक वहां पहुंच सकते थे। रैंक सी या डी मिशनों के बीच कई एस्कॉर्ट मिशन थे, हालांकि 3000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन का इनाम बिल्कुल दुर्लभ था। लेकिन वैसे भी अभी उसे स्पिरिट स्टोन्स की सख्त जरूरत थी, तो वह इस मिशन को कैसे नजरअंदाज कर सकता था। उसने मिशन शुरू किया और एक स्टीवर्ड ने उसे सूचित किया कि उसे अगली सुबह किनफेंग ट्रेडिंग फर्म का दौरा करना होगा। मिशन लेने के बाद वह गोंडे पैलेस में अधिक समय तक नहीं रहे। बंद कमरे में प्रशिक्षण जारी रखने के लिए वह सीधे अपने छोटे से आंगन में वापस चला गया। स्पेशल स्पेस के अंदर ये ज़िवेन की आकृति को अंतहीन युद्धाभ्यास दिखाते हुए देखा जा सकता था। यह इतनी तेज थी कि चंद कदमों में ही काफी दूर नजर आने लगती थी। सेलेस्टियल सटेप एक उच्च स्तरीय शक्ति तकनीक थी और अभी ये ज़िवेन द्वारा पूरी तरह से प्रदर्शित किया गया था, यह साबित करते हुए कि वह पहले से ही डचेन स्तर तक इसका अभ्यास कर चुका था। लेकिन ये ज़िवेन को लग रहा था कि यह सीमा से बहुत दूर था, जैसे कि वह एक अड़चन तक पहुंच गया हो और यह निश्चित रूप से अंत नहीं था। ये ज़िवेन को पता था कि यह आकाशीय कदम वास्तव में एक ज्यानटियन स्तर की शक्ति तकनीक थी, लेकिन चूंकि यह अधूरी थी इसलिए वह केवल एक उच्च स्तरीय शक्ति तकनीक के रूप में अभ्यास कर सकता था। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में यदि वह किसी तरह स्वर्गीय चरण के लापता भागों को प्राप्त कर सकता है तो वह इसका गहन अभ्यास कर सकता है। हालांकि स्पेशल स्पेस में प्रैक्टिस करने के बाद उन्हें कुछ और ही पता चला। डचेन स्तर हासिल करने और अभ्यास जारी रखने के बाद उन्हें अप्रत्याशित रूप से पता चला कि वह अभी भी अभ्यास करना जारी रख सकते हैं। इसके अलावा आकाशीय कदम से संबंधित कुछ मूल लापता जानकारी भी उनके दिमाग में आ रही थी,
जिसमें कुछ रहस्यमयी गहन सामग्री भी शामिल थी। ये ज़िवेन यह जानकर पूरी तरह से दंग रह गई कि यह विशेष स्थान न केवल मार्शल आर्ट अभ्यास की गति को तेज कर सकता है, बल्कि यह तकनीक के मूल लापता भागों को निकालने में भी मदद कर सकता है। अगर ऐसा होता तो यह काफी बेहतरीन था। अब वह एक जियाटियन स्तर की तकनीक मुफ्त में प्राप्त कर सकता था और कोल्ड मून बीहेडर और ब्राइट जेड पावर सहित वह तीन जियाटियन स्तर की तकनीक ले जाएगा। यदि वह इन तीनों तकनीकों का डचेन स्तर तक अभ्यास कर सकता है तो अंतिम परिणाम भयानक होगा। कई जायंटियन विशेषज्ञ तीन जियाटियन स्तर की तकनीकों का अभ्यास करने में सक्षम नहीं थे। उस समय वह और भी उच्च स्तर की शक्ति प्राप्त कर लेगा। हालांकि यह स्पष्ट था कि बाकी शक्ति तकनीक को निकालने के लिए बहुत सारे स्पिरिट स्टोन्स की आवश्यकता होगी और यही वे चीजें थी जिनकी उसे अभी सबसे अधिक आवश्यकता थी। टीएल, यदि केवल उसके पास कुछ और स्पिरिट स्टोन होते तो वह पूरी तरह से दिव्य कदम को एक गहन वास्तविक में महारत हासिल कर सकता था। उन्हें इस मिशन से काफी उम्मीदें थी। जल्द ही आसमान चमक उठा। ये ज़िवेन स्कूल से बाहर निकली और पहाड़ से पहाड़ की सड़क के साथ नीचे उतरी। वह पहले पहाड़ से इतनी आसानी से नीचे उतर आया कि वह भ्रमित हो गया और थोड़े समय के असमंजस के बाद आखिरकार उसे अपनी बढ़ी हुई ताकत का पक्का पता चल गया और उसके लिए धन्यवाद। इस बार उसके पास पहाड़ से नीचे जाने की क्षमता और अवसर दोनों थे। और एक नजर देख लो, किनफेंग शहर किनफेंग पर्वत के नीचे स्थित था। हालांकि एक शहर होने का दावा किया गया था, लेकिन जनसंख्या 10,000 से अधिक थी। कई योद्धा नीचे आते और पहाड़ पर चढ़ जाते क्योंकि ये युआन स्कूल शीर्ष पर स्थित था। विदेशी भूमि के कई योद्धा भी आएंगे क्योंकि किनफेंग पर्वत में बहुत सारे राक्षस जानवर थे और ये योद्धा उनका शिकार करने के लिए जंगल में प्रवेश करेंगे। धीरे धीरे यहाँ एक बहुत समृद्ध नगर बन गया था। ये ज़िवेन पहले भी कई बार पहाड़ से उतरे थे और उन्हें पता था कि किनफेंग ट्रेडिंग फर्म कहाँ स्थित है, और चूंकि यह एक बड़ी जगह थी इसलिए इसे ढूंढना भी काफी आसान था। एक अटेंडेंट ट्रेडिंग फर्म के प्रवेश द्वार पर खड़ा था और जैसे ही उसने ये ज़िवेन को देखा, वह आगे आया और पूछा, क्या आप ये युआन स्कूल के उत्कृष्ट शिष्य हैं जो हमारी ट्रेडिंग फर्म के एस्कॉर्ट मिशन को संभालेंगे? ये युआन स्कूल की इस मोहल्ले में काफी ख्याति थी। हाँ, ये ज़िवेन ने सिर हिलाया। तो कृपया मेरे साथ आओ, अटेंडेंट ने कहा। ये ज़िवेन किनफेंग ट्रेडिंग फर्म में अटेंडेंट के पीछे पीछे गया, लेकिन अचानक उसने एक चीख सुनी और रुक गया। भाई वेन, ये ज़िवेन ने मुड़कर देखा और वास्तव में वांगले को पकड़ने के लिए खुशी से टहलते हुए देखा। वह हंसा और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह तुम हो। नमस्ते, चौथा बेटा, परिचारक वांगली के पास गया और सम्मान के साथ कहा। चौथा बेटा, क्या यह ट्रेडिंग फर्म आपके परिवार के स्वामित्व में है? ये ज़िवेन एक पल के लिए हैरान हो गए, लेकिन वो जानते थे कि वांगली का परिवार इस क्षेत्र में काफी प्रभावशाली था, लेकिन किसने सोचा होगा कि उनका परिवार वास्तव में किनफेंग ट्रेडिंग फर्म का मालिक था। हाँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वांगली कुछ हैरान दिखे और उनसे पूछा। मैंने एक एस्कॉर्ट मिशन उठाया, इसलिए मैं आ गया, ये ज़िवेन ने जवाब दिया। आपको यह मिशन मिल गया है? वांगली थोड़ा गंभीर दिखे। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं आपको इस फर्म की ओर से बधाई देना चाहूंगा। वांगली ने परिचारक को बर्खास्त करने के बाद ये ज़िवेन ने एक बार फिर से बात की और कहा, क्या चल रहा है? आपका परिवार वास्तव में एक एस्कॉर्ट मिशन के लिए 3,000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन का इनाम देने को तैयार है। वास्तव में यह इनाम हमारे परिवार द्वारा नहीं दिया जा रहा है, वांगली ने कहा। आखिरकार 3,000 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स का इनाम निश्चित रूप से किसी भी पार्टी के लिए कोई छोटी संख्या नहीं थी। उल्लेख करने के लिए नहीं, वह इस इनाम को प्राप्त करने वाला सिर्फ एक व्यक्ति था। हमारे परिवार की ट्रेडिंग फर्म को वास्तव में तियानई वान सिटी लॉट का अधीनस्थ माना जाता है, वांगली ने धीरे से समझाया। लंबे समय से हमारा परिवार सिटी लॉट पैलेस के लिए औषधीय सामग्री और कुछ अन्य सामान इकट्ठा कर रहा है। इस बार हमें सिटी लॉर्ड पैलेस में औषधीय सामग्री का एक जत्था ले जाना है, और आपके पुरस्कार भी सिटी लॉर्ड पैलेस द्वारा दिए जा रहे हैं, न कि मेरे परिवार द्वारा, वांगली ने कहा। कौन से औषधीय तत्व इतने महत्वपूर्ण हैं कि सिटी लॉर्ड पैलेस ने उन्हें इतना महत्व दिया है? ये ज़िवेन ने पूछा। हालांकि तियानयुवान शहर केवल ग्रेट यू राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित एक छोटा शहर था और इसकी तुलना ग्रेट यू राज्य के आंतरिक क्षेत्र में स्थित बड़े शहरों से नहीं की जा सकती थी।
हालांकि इसकी आबादी भी 2 लाख से अधिक थी, साथ ही कुछ संबद्ध शहरों को मिलाकर कुल जनसंख्या की संख्या 5 लाख लोगों को पार कर जाएगी। इन 5 लाख लोगों का भाग्य सिटी लॉर्ड पैलेस के हाथों में था और इसके अलावा किनफेग पर्वत के करीब होने के कारण पहाड़ पर उपलब्ध औषधीय सामग्री और अन्य सामान सिटी लॉर्ड पैलेस तक आसानी से पहुंचा जा सकता था। इसके विशाल प्रभाव को देखते हुए मुझे नहीं पता, यहाँ तक कि मेरे पिता भी इस मामले के बारे में बात करने से बचते हैं, तो मुझे कैसे पता चलेगा, वांगली ने मजबूर मुस्कान के साथ कहा। ये ज़िवेन अच्छी तरह से समझती थी कि वांग परिवार अपने परिवार की तरह सामंजस्यपूर्ण नहीं था, क्योंकि वांगली के पिता ने काफी बड़ा व्यवसाय स्थापित किया था। वांगली के 3 महत्वाकांक्षी बड़े भाई थे और वह सबसे छोटा था, जो एक नौकरानी से पैदा हुआ था। जब वांगली का जन्म हुआ तो उनके 3 बड़े भाई पहले ही वयस्क हो चुके थे और उन्होंने पारिवारिक व्यवसाय को संभाल लिया था, और यहाँ तक कि उनके भतीजे और भतीजी भी लगभग उसी उम्र के थे। वास्तव में उनके परिवार में एक राजकुमार का उच्च दर्जा नहीं था, यही वजह है कि वह हमेशा अपने परिवार के साथ घर पर रहने के बजाय किनफेंग पर्वत पर खेती करने में अपना समय व्यतीत करते थे। मैं आपकी मदद के लिए देख रहा था, लेकिन इस पूरे महीने आपको नहीं ढूंढ सका, वांगली ने कहा। मैं खेती करने के लिए पहाड़ के पिछले हिस्से में गया था, ये शिविन ने बिना कुछ छुपाए उत्तर दिया। आप काफी साधना पागल हो गए हैं, वांगली ने कहा। हालांकि वह पिछली बैठक के बाद से ये ज़िवेन की खेती को देखने में असमर्थ थे, लेकिन जाहिर है कि 1 महीने के बाद उनकी खेती अब और भी रहस्यमय हो गई थी। ये शिविन मुस्कुराए लेकिन कुछ नहीं बोली। वांगली की प्रतिभा काफी अच्छी थी, अन्यथा उसकी साधना ये ज़िवेन की तुलना में तेज नहीं होती, लेकिन वह स्वभाव से काफी आलसी था और आसानी से साधना करते करते थक जाता था, अन्यथा वह अब तक हावतन की 5वीं अवस्था में पहुंच चुका होता। टीएल पहले अध्याय में वांगलाई की साधना ये ज़िवेन से आगे थी। वे दोनों बातें करते और हंसते हुए किनफेंग ट्रेडिंग फर्म की दूसरी मंजिल पर एक हॉल के अंदर चले गए। हॉल के अंदर उन्होंने सैनवुचिंग रेजिमेंट के 10 या इतने ही योद्धाओं को दोनों तरफ मजबूती से खड़े देखा। ये किनफेंग ट्रेडिंग फर्म द्वारा आमंत्रित विशेषज्ञ थे। यो, क्या यह वांगलाई नहीं है? अचानक उन 10 या अधिक योद्धाओं के बीच से चीनी कपड़े पहने एक युवक निकला और उनके पास चला गया। वांगली का रंग कुछ भद्दा था। उसने ये ज़िवेन से फुसफुसाया और समझाया कि यह उसके भाई का सबसे बड़ा बेटा है, जिसे वांग दिन कहा जाता है, और वे कभी भी एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध नहीं रखते थे। अरे, मेरे पास तो अच्छे योद्धा हैं, परंतु तेरे हाथ में क्या है, ऐसा बालक जिसका अभी तक दूध छुड़ाया न गया हो। वांग दिन की बेलगाम हंसी छूट गई। टीएल, वह ये ज़िवेन का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वह उन अन्य योद्धाओं की तुलना में युवा और अनुभवहीन दिखता है। हा 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 हा, वांग दिन के व्यंग्यात्मक शब्दों पर उन योद्धाओं की जोर से हंसी छूट गई। मूर्खों, वही युवान स्कूल में इस साल के स्कूल इनोवेशन का चैंपियन है, वांगली ने अपने चेहरे पर लाल रंग के साथ कहा। हा हा हा, मैंने ही युवान स्कूल में प्रतियोगिता के बारे में सुना है, क्या इस प्रतियोगिता का चैंपियन एक बच्चा नहीं है जिसने चेहरे के बाल भी नहीं उगाए हैं, अभी तक खून का नजारा भी नहीं देखा है? मैं उसके जैसे 5 बच्चों को एक साथ हरा सकता हूँ, एक 30 साल का योद्धा हंसा और बोला। बाकी योद्धाओं में भी स्वीकृति का आभास था। हालांकि ये युवान स्कूल की प्रतिष्ठा काफी शानदार थी, लेकिन इन योद्धाओं के लिए जिन्होंने युद्ध के मैदान में बहुत सारा खून और अपने जीवन को चाकू की धार से लटकते हुए देखा था, ये ही युवान शिष्य कुछ भी नहीं थे ग्रीन हाउस में फूलों से ज्यादा। उन योद्धाओं में से अधिकांश कम से कम हॉटियन 6ठे चरण में थे, कुछ शुरुआती हॉटियन 8वें चरण में भी थे। ये सभी योद्धा बहुत प्रभावशाली दिखते थे, क्योंकि उन्होंने युद्ध के मैदान में खून देखा था और लोगों को मार डाला था। अचानक ये ज़िवेन हिल गया और अगले ही पल उसकी आकृति अमर की तरह चमक उठी और उस दीच योद्धा के सामने आ गया, फिर उसकी हथेली पर थप्पड़ पड़ा। टकराना उस दुस्साहसी योद्धा को जमकर थप्पड़ मारे गए और इस प्रहार से मुंह में भरा दांत टूटकर बाहर निकल आया था। उसका शरीर पतंग की तरह उड़ गया और ऊपर की दीवार से जोर से टकराया। उसके शरीर से सीधे टकराने से दीवार पर मकड़ी के जाले जैसी महीन रेखाएं बन गई थी और फिर उसका शरीर लुढ़क गया। कोई नहीं जानता था कि वह अभी जीवित है या मर गया। तुम मौत को दावत देते हो, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम इस तरह ही युवान स्कूल का अपमान कर सकते हो? ये ज़िवेन ने खालीपन से कहा। चुप। हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस था।
किसी तरह चोटी के हाउटियन छठे चरण के एक योद्धा को वास्तव में ये जिविन ने पटक कर मार डाला था। सभी योद्धा हक्के बक्के रह गए। तभी अचानक कई योद्धा भड़क उठे। उसने चौथे भाई को चोट पहुंचाने की हिम्मत भी की, उसे अपन उसके शरीर की सभी हड्डियां तोड़ दो। कई योद्धा उग्र हो गए थे और ये जिविन की ओर दौड़ पड़े थे। उनमें से अधिकांश पहले से ही हाउटियन छठे चरण के चरम पर थे और कुछ हाउटियन सातवें चरण में थे। यह दृश्य खतरनाक लग रहा था। ये जिविन निडर होकर वहां खड़ी रही, फिर आकाशीय कदम का उपयोग करते हुए दौड़ी और अशिंग थंडर हैंड को तुरंत लॉन्च किया। टकराना, एक योद्धा को उसकी हथेली से थप्पड़ मारा गया और वह चिल्लाया और फिर खिड़की से बाहर उड़ गया। टकराना, एक अन्य योद्धा को ये जिविन ने लात मारी और खंभे पर गंभीर चोट की। डॉट, इन योद्धाओं में से कोई भी उसका मुकाबला नहीं था। वे पूरी तरह से ये जिविन की राक्षसी ताकत से हार गए थे और जमीन पर औंधे मुंह गिर गए थे। वांग ले, हमारे परिवार द्वारा आमंत्रित एक योद्धा को घायल करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वांग डिंग को अचानक गुस्सा आ गया। वांग डिंग, मैं तुम्हारा चाचा हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें बड़ों का सम्मान करना नहीं सिखाया है। ये जिविन की ईश्वरीय शक्ति को देखकर वांगली का दिल शांत हो गया था, इसलिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया और कहा, आप इस हारने वाले का बचाव कर रहे हैं, क्या आपने नहीं सुना कि उसने अभी क्या कहा? वह स्पष्ट रूप से ये युवान स्कूल का अपमान कर रहा था, और अगर यह हमारे वांग परिवार को खतरे में डालता है तो क्या आप इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है? वांग लाई द्वारा डांटे जाने के बाद वांग डिंग बहुत क्रोधित हो गया। वह उन बेकार योद्धाओं पर पागल था। उसके लिए उनमें से हर एक कमजोर व्यक्ति था जो ये जिविन जैसे बच्चे से हार गया था। वांग ले, तुम मेरी प्रतीक्षा करो। वांग डिंग का रंग भद्दा था। उन शब्दों को निर्मम तरीके से कहते हुए वह कड़वाहट से निकल गया। इतना अच्छा, वह छोटा हरामी कभी मेरी तरफ नहीं देखेगा, वांगली ने हंसते हुए कहा। ये जिविन पर पड़ने वाली निगाहें स्पष्ट रूप से बदल गई थी। अब वे उसे पहले की तरह कम आंकने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। हम कब निकलेंगे? ये जिविन ने वांगली से पूछा। हम दोपहर में निकलेंगे और रात में शहर में प्रवेश करेंगे, वांगली ने जवाब दिया। रात में शहर में प्रवेश करे, किससे छुपाना है? ये जिविन को पता था कि वांगली को शायद ज्यादा जानकारी नहीं थी, वरना उन दोनों के बीच मजबूत दोस्ती को देखते हुए छिपाने का कोई कारण नहीं था। थोड़ी देर बाद वांगली दूसरे कामों में व्यस्त हो गया और ये जिविन को बैठने की जगह मिली और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। सुबह एक दर्जन से अधिक योद्धा आए जो हॉटियन छठे चरण या उससे ऊपर के थे और काफी मजबूत दिख रहे थे। मैं इस मिशन को लेने के लिए सभी को धन्यवाद देता हूँ। दोपहर को दरवाजा खुला और थोड़ा कुबड़ वाले बूढ़े व्यक्ति में प्रवेश किया। मैं हाउसकीपर वांगडे यंग हूँ जो इस मिशन का नेतृत्व करने के लिए जिम्मेदार है। तो यह वरिष्ठ है जिसे एक बार क्विक नाइफ वांग कहा जाता है। मैं हमेशा आपसे मिलने के लिए उत्सुक हूँ, एक योद्धा ने एक हाथ से दूसरे हाथ को उसके सीने पर रखते हुए कहा। मूल रूप से 20 साल पहले वह किंगफेंग पर्वत क्षेत्र के त्वरित चाकू वांगडे यंग के रूप में प्रसिद्ध थे, जिन्होंने सोचा होगा कि वह वास्तव में वांग परिवार का नौकर बन गया है। आप सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद। कृपया तैयार हो जाए, हम जल्द ही निकलेंगे, वांगडे यंग ने गहरी आवाज में कहा। सभी के आने और जाने के लिए तैयार होने के बाद वांग परिवार के सैनिक औषधीय सामग्री के परिवहन के लिए ये जिविन जैसी प्रतिभा के संरक्षण में सड़क पर आ गए। लेकिन ये जिविन को अनुरक्षण की अनुमति देना काफी अजीब था। यहाँ तक कि वांग परिवार के राजकुमार भी साथ नहीं गए थे। उनके साथ केवल एक वृद्ध गृहस्वामी और वांग परिवार के कुछ गार्ड, यहाँ तक कि वांगली भी उनके साथ नहीं गए थे। एक शिविन चैन से नहीं बैठ सकती थी क्योंकि उसे लगा कि यह एस्कॉर्ट मिशन काफी अजीब था। 3000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन के पुरस्कार के लिए एक औषधीय घटक का अनुरक्षण स्पष्ट रूप से बताता है कि यह निश्चित रूप से एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन था। उच्च कठिनाई मिशन संबंधित इनाम के सीधे आनुपातिक होंगे। हालांकि इस मिशन के लिए वांग परिवार ने केवल एक पुराने हाउसकीपर को भेजा था जो कुछ अजीब था। इस समय उन योद्धाओं में से कई को यह भी लगा कि कुछ अजीब है। ये लोग खतरनाक जीवन जीते थे और काफी अनुभवी थे। वे इस विचित्रता को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे और अपना मुंह बंद रखे हुए थे। टीम धीरे धीरे आगे बढ़ी और करीब एक घंटा बीत जाने के बाद उन्हें अचानक आगे कुछ गड़बड़ी महसूस हुई। चेन लॉन्ग और चेन हू किंगफेंग स्ट्रॉन्गहोल्ड के दो महान नेता वास्तव में हमारे पास आए हैं।
यह अप्रत्याशित है, लेकिन यह साधारण हर्बल दवा का एक माल है और निश्चित रूप से दोनों नेताओं के व्यक्तिगत रूप से आने के लायक नहीं है। वांगदे यंग की आवाज सामने से फैल गई। किनफेंगगढ़ योद्धाओं में खलबली मच गई, क्योंकि इस पड़ोस में किनफेंगगढ़ की प्रतिष्ठा बहुत शानदार मानी जाती थी। किनफेंग पर्वत के आसपास के क्षेत्रों में लोग पहाड़ के डाकुओं की तरह काफी मजबूत और बहादुर थे और किनफेंगगढ़ सबसे बड़े समूहों में से एक था। चेन लॉन्ग और चेन हु इस गढ़ के दो कुख्यात नेता थे और उन्हें बेहद शक्तिशाली कहा जाता था और इन दोनों भाइयों की खेती भी हाउटियन आठवें चरण के चरम पर थी। एक बार जब दोनों सेना में शामिल हो गए तो हॉटियन नौवें चरण के एक मास्टर को भी उनके खिलाफ मौका नहीं मिलेगा। जहां तक इन योद्धाओं का संबंध है, ये दो किनफेंगगढ़ वाले नेता एक महान निवारक की तरह थे। यह वास्तव में सिर्फ आम हर्बल दवा है। वांगदे यंग, आप अतीत में काफी कुशल हुआ करते थे, ऊपर से आप एक वरिष्ठ हैं। हमें बेवकूफ मत बनाओ, अपने ज्ञान और अनुभव का उपयोग करके हम दो भाइयों को धमकाओ। टीम के सामने सड़क को अवरुद्ध करने वाले 100 लोगों की एक टुकड़ी खड़ी थी, जिसका नेतृत्व मोटे तौर पर दिखने वाले मजबूत फ्रेम के दो व्यक्तियों ने किया था। ये दो व्यक्ति चेन लॉन्ग और चेन हु वास्तव में किनफेंग स्ट्रॉन्गहोल्ड के नेता थे। निश्चित रूप से नहीं, लेकिन हमारी किनफेंग ट्रेडिंग फर्म और आपके किनफेंग स्ट्रॉन्गहोल्ड ने हमेशा हमारे अपने व्यवसाय पर ध्यान दिया है। अब आप हम दोनों के लिए चीजों को कठिन बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? वांगदे यंग ने गहरी आवाज में शांति से कहा, हम आपके लिए चीजों को कठिन नहीं बनाना चाहते हैं। जब तक आप उन हर्बल दवाओं को हमें सौंप देंगे, हमारे भाई आप सभी को स्वस्थ रहने देंगे, चेंग लोंग ने कहा। हम्फ, ऐसा लगता है कि तुम दोनों नेताओं ने हमारी किनफेंग ट्रेडिंग फर्म को चालू कर दिया है। हालांकि हमारी फर्म हमेशा दूसरों के साथ दयालु है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम कमजोर हैं, इसलिए अपने बारे में इतना मत सोचो, वांगदे यंग ने जारी रखा। बकवास बंद करो, क्या आपको लगता है कि हमने इसके बारे में पहले नहीं सोचा है? लोग पैसे के लिए वैसे ही मरते हैं जैसे पक्षी भोजन की तलाश में मरते हैं। मैं बाद में इस मौके पर शर्त लगाऊंगा, क्या आपको लगता है कि हम भाई अभी भी इस क्षेत्र में होंगे? चेन हु ने हंसते हुए कहा, बकवास मत करो, जब से तुम उन्हें सिखाने के इच्छुक हो तो हमारे भाइयों को क्रूर होने का दोष मत दो। तुम सभी का मरने के लिए स्वागत है। तुरंत किनफेंगगढ़ से डाकुओं का एक समूह चिल्लाया और भाग गया और दोनों नेताओं ने सभी को मारने के लिए जोर से हंसते हुए उन डाकुओं का नेतृत्व किया। हर कोई मार, वांगदे यंग दहाड़ा। उसने अचानक एक कदम उठाया और हवा में उड़ गया। एक लंबा ब्लेड खींचा गया और ब्लेड की ठंडी नोक रोशन हो गई और घुमावदार तलवार के आकार का क्यूई चेन लॉन्ग की ओर दौड़ा और चेन हु फिर नीचे गिर गया। किनफेंग स्ट्रॉन्गहोल्ड के दो नेताओं ने अपने हथियार वुल्फ टूथ क्लब निकाले और आने वाले ब्लेड के हमले से बचाव के लिए उनका इस्तेमाल किया। बूम, लंबे ब्लेड और वुल्फ टूथ क्लब एक दूसरे के खिलाफ जमकर टकराए और इस टक्कर से भयंकर क्यूई फैल गया, जिससे हर जगह भयानक हवाएं चली। हा हा हा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तथाकथित क्विक चाकू वांगदे यंग इतना कमजोर होगा, वांगदे यंग को बांधते हुए चेन लॉन्ग जोर से हंसा। हा हा हा, यह त्वरित चाकू बस इतना ही है, बूढ़ा आदमी तुम बहुत बूढ़े हो, चेन हु ने भी हंसकर कहा। चेन हु का बड़ा और मजबूत वुल्फ टूथ क्लब बह गया। इस हमले की सीमा में मौजूद मजबूत गार्डों की हड्डियां टूट गईं। क्या करें, ये दोनों बहुत मजबूत हैं। अगर किसी ने चेन हु को नहीं रोका तो हम सभी उसके द्वारा नरसंहार कर देंगे, एक योद्धा ने पीला चेहरा लिए कहा। बाकी योद्धा डरे हुए थे। उन्होंने निश्चित रूप से यह उम्मीद नहीं की थी कि वे वास्तव में किनफेंगगढ़ के दो नेताओं का सामना करेंगे। यह एस्कॉर्ट मिशन निश्चित रूप से सरल नहीं था। अचानक चेन हु की ओर एक आवाज आई, अध्याय 31 से 40 टकराना। चेन हु हंसा और किनफेंग फर्म के गार्ड पर अपना क्लब तोड़ दिया और उसे मार डाला। इस समय वांगदे यंग को चेन लॉन्ग ने पकड़ लिया था। हालांकि वांगदे यंग की ताकत अत्याचारी थी, लेकिन चेन लॉन्ग भी आठवें चरण के चरम पर था और वांगदे यंग की तुलना में अधिक क्रूर था। प्रसिद्ध त्वरित चाकू वांगदे यंग चेन लॉन्ग के चंगुल से छुटकारा नहीं पा सका और केवल बेबसी से चेन हु को सभी का वध करते हुए देख सकता था। चेन हु, मरने के लिए आओ, ये जीवेन ने जोर से चिल्लाया, एक लंबे ब्लेड को काट दिया जो एक चमकदार चांद की तरह चमक रहा था और उस पर हमला कर दिया। ये जीवेन को किनफेंग ट्रेडिंग फर्म द्वारा इस एस्कॉर्ट मिशन में भाग लेने वाले सभी लोगों की रक्षा करने का जिम्मा सौंपा गया था। अकेले ही इस मामले में वांगली के परिवार को भी शामिल किया गया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से ये जीवेन मदद के लिए हाथ बढ़ाएंगे।
बूम, लंबा ब्लेड और वुल्फ टूथ क्लब एक दूसरे से गंभीर रूप से टकरा गए, जिससे विस्फोट की तेज आवाज हुई। यह कैसे हो सकता है? शेन हु की आंखें आश्चर्य से चमक उठी। हाउटियन सातवें चरण, हाउटियन सातवें चरण के एक मास्टर के ब्लेड में वास्तव में ऐसी शक्ति हो सकती है? शेन हु की आंखें विस्मय से फैल गईं। लेकिन आप कितने भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, आप मेरे हाथों मर जाएंगे, शेन हु ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तुम्हारे जैसे प्रतिभाशाली को मारना पसंद करूंगा। चेन हु का वुल्फ टूथ क्लब ये जिविन के सामने नाच रहा था और ऐसा लग रहा था कि यह उसके दिमाग को एक पल में तोड़ देगा। कोल्ड मून बी हेडर, ये जिविन का ब्लेड भी कट गया, जिससे हर जगह बवंडर फैल गया। बूम, उनकी दोनों जेन क्यू आपस में बुरी तरह टकराई, जिससे एक झटका लगा और रेत और कंकड़ सभी दिशाओं में उड़ गए। डेंग डेंग डेंग, ये जिवेन को कुछ कदम पीछे हटना पड़ा क्योंकि उसकी ताकत चेन हु से कम थी। हालांकि अगर उसकी साधना केवल हाउतन आठवें चरण में होती तो वह अब तक चेन हु को आसानी से हरा देता। एंटी डेंग, कदम ध्वनि का प्रतीक है, अच्छा बच्चा। चेन हु दो कदम पीछे हट गया और हत्या का इरादा उसकी आंखों में गहरा हो गया। हालांकि उसके चेहरे की विशेषताएं खुरदरी थी, लेकिन वह अन्य डाकुओं की तरह मूर्ख नहीं था, अन्यथा वह किनफेंग गढ़ का नेता नहीं होता। वुल्फ टूथ क्लब ने इतनी तेजी से और जमकर हमला किया और हवा को दो हिस्सों में तोड़ दिया और ऐसा लगा कि अगर यह एक आदमी में टूट गया होता तो यह बिल्कुल मांस की पैटी में बदल जाता। चेन हु ने कुछ कदम उठाए, फिर उसका पूरा विशाल शरीर तुरंत हवा में उड़ गया और बीच में ही बुरी तरह से धराशायी हो गया। ये जिवेन के चारों ओर तीखी भेदी ध्वनि गूंज रही थी और विशाल क्लब द्वारा उत्पन्न भयंकर हवा सभी के लिए चुभने वाली और काफी दर्दनाक थी। ये जिवेन चिल्लाया और उसका लंबा ब्लेड नाचने लगा। हालांकि उसकी ताकत तुलनात्मक रूप से कम थी, लेकिन लड़ते हुए दोनों समान रूप से मजबूत दिख रहे थे। मिसिंग मून बीहेडर, ये जिवेन चिल्लाया और उसका लंबा ब्लेड हिंसक रूप से नाचने लगा। बूम, चेन हु को ये जिवेन के लंबे ब्लेड से पीछे हटा दिया गया और वह कई कदम पीछे हट गया। फिर उसने मिसिंग मून बीहेडर के दूसरे ब्लेड को काट दिया। ये जिवेन के अप्रत्याशित दूसरे ब्लेड के हमले से चेन हु का हाथ सुन्न हो गया। टकराना, तीसरा ब्लेड। चेन हु को जवाब देने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला और तीसरा ब्लेड पहले ही कट चुका था, जिससे उसकी मोटी जांघें कांपने लगी। टकराना, चौथा ब्लेड। कारा, चेन हु का पैर टूट गया और वह कांपने लगा। वह खुद को रोक नहीं पाया और जमीन पर गिर पड़ा। क्या यह ब्लेड क्या है? चेन हु घबरा गया और बोला। ये जिवेन की ब्लेड तकनीक काफी भयानक थी क्योंकि लगातार ब्लेड ओवरलैप करते थे, जिससे समग्र शक्ति कई गुना बढ़ जाती थी, जिससे तेज और तेज ब्लेड हमलों की एक श्रृंखला बन जाती थी और आरोपित शक्ति को अच्छी तरह से प्रदर्शित करती थी। मिसिंग मून बीहेडर, ये जिवेन ने चिल्लाकर पांचवा ब्लेड काट दिया और ऐसा लग रहा था कि पिछले ब्लेड का सार इस अंतिम ब्लेड हमले में केंद्रित हो गया था, जो इसे एक भयानक शक्ति दे रहा था। पुछी, ये जिवेन ने चेन हु को दो हिस्सों में काट दिया था। इस दृश्य को देखकर सभी की आंखें चौंधिया गईं। वे यह जानकर चौंक गए कि जो आधे में बंटा हुआ था वह वास्तव में वह कुख्यात नेता चेन हु था। ये जिवेन की तुलना में ये युवान स्कूल के शिष्य चेन हु कई वर्षों से किनफेंग गढ़ के नेता होने के कारण बदनाम थे। इस मोहल्ले में उनकी प्रतिष्ठा काफी शानदार थी। हालांकि वह वास्तव में एक शिविन के हाथों मरा था और इस परिणाम ने सभी को चौंका दिया था। ये जिवेन की वजह से हुई गड़बड़ी भयंकर लग रही थी। कई योद्धा हौंफ रहे थे, मुंह में लार निगल रहे थे। बकवास, वह बहुत क्रूर है, एक योद्धा ने लगभग सभी की भावनाओं को व्यक्त किया। चेन हु, जो इतने सालों से कुख्यात था, लेकिन यह ये जिवेन कितना पुराना था, 20 साल का भी नहीं, लेकिन फिर भी उसने आठवें चरण के शिखर के एक कुख्यात मास्टर का सिर काट दिया था। उसके पास निश्चित रूप से एक आशाजनक भविष्य होगा। छोटा भाई, चेन लॉन्ग चिल्लाया, किंग फे ट्रेडिंग फर्म, हम भाई आप सभी को मार देंगे। चेन लॉन्ग वांगडे यंग पर गुस्से से चिल्लाया और बेरहमी से अपना क्लब उस पर फेंका। आप सभी मौत को दावत दे रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आप अब वापसी कर सकते हैं? ये जिवेन द्वारा चेन हु का सिर काटते हुए देखने के बाद वह बहुत खुश हुआ। वह एक उन्मत्त बवंडर की तरह तेजी से आगे बढ़ा और उसके तेज ब्लेड ने बहुत तेजी से हमला किया, जो लगभग ये जिवेन के नए चंद्रमा के सिर काटने वाले के बराबर था, जिससे ब्लेड की हवा चली। वांगडे यंग की ताकत चेन लॉन्ग की ताकत के समान थी, लेकिन वह अपने छोटे भाई की मौत से सदमे में था और अधिक हिंसक हो गया था। लेकिन वांगडे यंग की रणनीति और अनुभव ने चेन लॉन्ग के नासमझ हमलों के खिलाफ अच्छा काम किया।
उसके बाद वांगडे यंग के ब्लेड से चेन लॉन का सिर काटने में 10 से भी कम स्ट्रोक लगे। दोनों नेताओं के सिर काटे जाने के बाद क्विन फेंग स्ट्रॉन्ग होल्ड के बाकी डाकुओं ने अचानक सामूहिक रूप से छोड़ दिया, लेकिन वांगडे यंग इससे काफी गुस्से में थे। वह अचानक चिल्लाया, इन सभी कमीनों को मार डालो, अब चूंकि इन डाकुओं का कोई नेता नहीं था, किन फेंग ट्रेडिंग फर्म द्वारा किराए पर लिए गए योद्धा इन डाकुओं को संभालने के लिए पर्याप्त से अधिक थे। थोड़े से प्रयास के बाद ही उन सभी का सफाया हो गया था। कुछ देर बाद योद्धाओं ने सभी डाकुओं के सिर काट डाले। अब तक सभी को यह एहसास हो गया था कि इस एस्कॉर्ट मिशन को पूरा करना आसान काम नहीं होगा। बहुत धन्यवाद बेटा, हमारी फर्म को खतरे में डालने के लिए, वांगडे यंग ने येजिविन के पास जाकर कहा। उसकी आंखें आश्चर्य से भरी थी क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि यह युवक वास्तव में चेनहू का सिर काट सकता है। हालांकि वह स्वयं काफी शक्तिशाली था, लेकिन वह यह भी जानता था कि उन दोनों चेन भाइयों से लड़ना उसके लिए खतरनाक साबित होगा। हालांकि उसे वास्तव में यह उम्मीद नहीं थी कि यह युवक इतनी गंभीर स्थिति में इतना उपयोगी होगा। मुझे इस एस्कॉर्ट मिशन में शामिल सभी लोगों की सुरक्षा के लिए वांग परिवार द्वारा सौंपा गया है और मैं वांग ली का बचपन का दोस्त भी हूँ, इसलिए मदद करना स्पष्ट है, ये जिवेन ने कहा। तो आप हमारे चौथे युवा मास्टर के मित्र हैं, वांगडे यंग ने उम्मीद नहीं की थी कि वांग ली इतने शक्तिशाली गुरु से परिचित होंगे। ऐसा लगता है कि युआन स्कूल से किसी को बुलाना एक सही निर्णय था। वैसे भी इस बार आपने हमारी फर्म की बहुत मदद की है, इसलिए जब तक हम तियानयुवान शहर नहीं पहुंचते, तब तक प्रतीक्षा करें, वहां आपका गर्मजोशी से स्वागत है, ये जिवेन ने सिर हिलाया। उसने दूसरों पर जिम्मेदारी नहीं डाली थी, उसने सिर्फ प्रेत रत्न प्राप्त करने के लिए इतनी मेहनत की थी। सूरज ढल चुका था और टीम आखिरकार रात में तियानयुवान शहर पहुंच गई थी। 2,00,000 लोगों का शहर होने के कारण दीवारें बहुत ऊंची थी, पूरी 10 मीटर ऊंची थी, और रात में पहुंचने के बाद उन्होंने सड़कों पर कई पैदल यात्रियों को देखा। किंग फेंग स्ट्रॉन्गहोल्ड डाकुओं के साथ उनकी मुठभेड़ के बाद टीम तियानयुवान शहर के रास्ते में बहुत सावधानी बरत रही थी, लेकिन किसी भी खतरे का सामना नहीं किया और तियानयुवान शहर में सफलतापूर्वक पहुंच गई थी। समूह के शहर के गेट के बाहर आने के बाद वांगडे यंग ने एक हाथ दूसरे हाथ से सीने पर रखा और कहा, इस बार आप सभी ने कड़ी मेहनत की है, हम सभी को वादे के अनुसार ठीक से भुगतान करेंगे, घायल और मारे गए लोगों को अतिरिक्त मुआवजा मिलेगा, वरिष्ठ आप बहुत विनम्र हैं, यह कुछ ऐसा है जो हम जीने के लिए करते हैं। अचानक कई योद्धाओं ने वांगडे यंग से कहा, किसी भी मामले में तियानयुवान शहर में सुरक्षित रूप से पहुंचने को मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने के रूप में माना जा सकता है। हालांकि उन्होंने किंग फेंग स्ट्रॉन्गहोल्ड डाकुओं द्वारा हमला किए जाने की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन उसके बाद उनका फिर से डाकुओं से सामना नहीं हुआ क्योंकि इतनी बड़ी परेड को देखकर डाकुओं ने उनसे संपर्क करने की हिम्मत नहीं की। वे तियानयुवान सिटी गेट में प्रवेश करने के लिए लाइन में लग गए। एक मिनट रुकिए, वे कौन सी चीजें हैं जो आप ले जा रहे हैं, मैं जांचना चाहता हूँ। इस बार एक 30 वर्षीय अधिकारी कुछ सैनिकों के साथ आया। प्रधान अधिकारी, हम किंग फेंग ट्रेडिंग फर्म की एस्कॉर्ट टीम है, वांगडे यंग ने कहा। मुझे परवाह नहीं है कि आप लोग कौन हैं, मैं शहर के अंदर ले जाने से पहले सभी सामानों का निरीक्षण करूंगा, यह पुष्टि करने के लिए कि अंदर कोई अवैध सामान तो नहीं है, अधिकारी ने अशिष्टता से कहा। कृपया प्रधान अधिकारी के बारे में मजाक न करें, ये चीजें किंग फेंग ट्रेडिंग फर्म द्वारा भेजी गई हैं, इसलिए वे संभवतः वर्जित सामान हैं, वांगडे यंग मुस्कुराए और बोली। मैंने पहले ही तय कर लिया है, भाइयों मुझे खोजो, अधिकारी ने आज्ञा दी। प्रमुख अधिकारी, मुझे नहीं पता कि आप किसकी बदनामी की बातें सुन रहे हैं, हालांकि ये जड़ी बूटियां सिटी लॉर्ड पैलेस की हैं, क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप अभी भी निरीक्षण करना चाहते हैं? प्रधान अधिकारी के धमकी भरे रवैये को भांपते हुए वांगडे यंग ने भी कमजोरी के कोई लक्षण दिखाना बंद कर दिया। सिटी लॉर्ड पैलेस मेरे गधे, यह लाओजी सरकार है जो शहर की रक्षा करती है, सिटी लॉर्ड पैलेस की नहीं, इसलिए चले जाओ, अन्यथा मुझे अयोग्य होने का दोष मत दो, अधिकारी ने धमकी दी। वांगडे यंग का रंग अचानक उदास हो गया क्योंकि यह अधिकारी अप्रत्याशित रूप से सिटी गार्ड सरकार का था। सिटी गार्ड गवर्नमेंट और सिटी लॉर्ड पैलेस शहर में सक्रिय दो प्रमुख प्रणालियां थी। यू राज्य के कुछ शहर सिटी गार्ड सरकार और सिटी लॉर्ड पैलेस दोनों के नियंत्रण में थे और कुछ पर व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक का शासन था। सामान्यतया सिटी लॉर्ड पैलेस और सिटी गार्ड सरकार के संबंध अच्छे नहीं थे।
सत्ता के लिए संघर्ष एक सामान्य बात थी। हालांकि सिद्धांत रूप में शहर सिटी लॉट का था, लेकिन सिटी गार्ड सरकार भी पर्दे के पीछे काम कर रही थी। तो वास्तव में पूरे शहर का प्रभारी कौन था, यह उनकी व्यक्तिगत ताकत पर निर्भर करता था। तियानयुवान शहर जैसे दूर दराज के शहरों में यह स्थिति काफी आम थी। उफ, हेड ऑफिसर ने अचानक एक तेज भेदी आवाज सुनी और एक तेज तीर उड़ता हुआ आया और तुरंत उसके सिर में गोली मार दी। टकराना, अधिकारी का सिर फट गया, लाल और सफेद दिमाग हर जगह बिखर गया। बेवकूफ, तुम्हारे जैसा एक तुच्छ अधिकारी सिटी लॉर्ड पैलेस को नीचे देखने की हिम्मत करता है? एक ठंडी आवाज आई। किंगफेंग ट्रेडिंग फर्म के लोग, क्षमा करें, मुझे देर हो गई। सभी हैरान दिखे। दूर से लोगों का एक समूह धीरे धीरे उनकी ओर चल रहा था। इस समूह का नेतृत्व एक 20 वर्षीय युवक कर रहा था, जो चीनी गाउन पहने हाथों में धनुष लिए हुए था। बिल्कुल नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तीसरा बेटा व्यक्तिगत रूप से हमें लेने आएगा, वांग्रे यंग ने झुककर कहा। यह सिटी लॉर्ड जू जेन का तीसरा बेटा है, योद्धाओं ने कहा कि उसके बारे में कौन जानता है। वह सिटी लॉर्ड का प्रतिभाशाली बेटा है, हालांकि वह अभी 25 साल का है और पहले से ही हाउटियन 8वें चरण के चरम पर है। हाउटियन 8 चरण की चोटी, मेरे भगवान, मुख्य अधिकारी की हत्या ने पहले ही सिटी लॉर्ड पैलेस और सिटी गार्ड सरकार को आग और पानी की तरह असंगत बना दिया था। कई योद्धा चकित थे, यहाँ तक कि युवान स्कूल में भी, जो इस उम्र में इस तरह के परिणाम प्राप्त करने में सक्षम थे, उन्हें प्रतिभाशाली माना जाता था। ये जिवेन ने तीसरे बेटे पर भी नजर डाली, जो एक दृढ़ चरित्र की तरह लग रहा था, क्योंकि उसने दो बार बिना सोचे समझे उस अधिकारी को तुरंत बेरहमी से मार डाला था। मेरे पिता व्यस्त थे, इसलिए मैं आ गया। हर्बल दवा का यह अनुरक्षण मिशन आप सभी के लिए कठिन रहा होगा, जू जेन ने मुस्कुराते हुए कहा। इस बार हमने किंगफेंग के गढ़ वाले डाकुओं का सामना किया। अगर ये युवान स्कूल के शिष्य ये जिवेन नहीं होते, तो हम निश्चित रूप से खतरे में होते, वांगदे यंग ने कहा। ये युवान स्कूल में इस साल की प्रतियोगिता से ये जिवेन चैंपियन है, तो वह ये युवान स्कूल का उत्कृष्ट शिष्य है। कोई आश्चर्य नहीं, वांगदे यंग से दस्यु की घटना के बारे में विस्तार से सुनने के बाद जू जेन ये शिविन के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर चकित हुए बिना नहीं रह सका। ये युवान स्कूल की इस पड़ोस में एक शानदार प्रतिष्ठा थी और आंतरिक शिष्यों के बीच एक चैंपियन बनने में सक्षम होना आसान उपलब्धि नहीं थी। इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह एक सच्चे प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। अब हम शहर में आगे बढ़ेंगे, जू जेन ने कहा। ये जिवेन शहर में चले गए और अनुरक्षित जड़ी बूटियों को सिटी लॉर्ड पैलेस भेज दिया गया। सभी एक सराय में ठहरे हुए थे और रात का खाना खाने के बाद ये शिविन को पहले की सहमति के अनुसार इनाम मिला। 3,000 लू ग्रेट स्पिरिट स्टोन्स, किंगफेंग ट्रेडिंग फर्म से 1,000 लू ग्रेट स्पिरिट स्टोन्स का विशेष इनाम और साथ ही सिटी लॉर्ड पैलेस से बोनस के रूप में 2,000 लू ग्रेट स्पिरिट स्टोन्स, क्योंकि उसने चेनहू का सिर काट दिया था, जो एक कुख्यात था दस्यु, तो स्वाभाविक रूप से उस पर भारी इनाम था। अचानक उसने कुल 6,000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन कमाए थे। यह राशि अन्य प्रमुख शिष्यों के लिए काफी बड़ी थी, लेकिन उनके लिए यह सिर्फ एक अस्थायी राहत थी। इन 6,000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन्स के साथ मिसिंग मून बीहेडर का अभ्यास ज़ियाओचेन स्तर तक किया जा सकता है, तब वह 7 ब्लेडों की एक श्रृंखला को काट सकेगा और हमले की शक्ति भी दोगुनी हो जाएगी। तब वह हाउतन 9वें चरण के एक मास्टर के खिलाफ भी आत्मविश्वास से लड़ने में सक्षम होगा। दूसरों के लिए ये स्पिरिट स्टोन केवल खेती में सहायता करने के लिए थे और इससे ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन ये जिवेन के लिए, जब तक पर्याप्त स्पिरिट स्टोन थे, उसकी खेती तेजी से बढ़ती रहेगी और अगले चरण में प्रवेश करना कोई समस्या नहीं होगी। बोर्ड, जो अप्रत्याशित रूप से सिटी लॉर्ड पैलेस में घुसने की हिम्मत करता है, ये जिवेन खेती शुरू करने जा रही थी, लेकिन अचानक उसे एक जोर की चीख सुनाई दी, जो अचानक पूरे शहर में फैल गई और सभी दिशाओं में दूर दूर तक फैल गई। ये जिवेन ने अचानक प्रतिक्रिया व्यक्त की, क्योंकि यह निश्चित रूप से एक ज्यानटियन मास्टर की दहाड़ थी। चून की सराय भगवान के महल के करीब स्थित थी, इसलिए वह इसे बहुत स्पष्ट रूप से सुन सकता था। तियानयुवान शहर में केवल 2 ज्यानटियन मास्टर थे, एक सिटी लॉर्ड था और दूसरा सिटी गार्ड का एक व्यक्ति था। हालांकि ये युवान स्कूल में 20 से अधिक ज्यानटियन विशेषज्ञ थे, लेकिन स्कूल को इतने सारे विशेषज्ञों को जमा करने में कई साल लग गए। इसके अलावा ये युवान स्कूल को भी महान यू राज्य का समर्थन प्राप्त था, जो 4 में से एक था प्रमुख स्कूल। इसके पास कई संसाधन और संपत्ति भी थी, जो तुलना करने पर अन्य शक्तियों से कहीं अधिक थी।
सामान्यतया हाउटियन 9वें चरण के शिखर पर दर्जनों योद्धाओं के लिए जियानटियन दायरे में कदम रखना आसान नहीं था। हालांकि अगर ये युआन स्कूल इतना बड़ा प्रभाव रखता है तो सफलता दर बहुत बढ़ जाएगी। एक जियानटियन विशेषज्ञ एक छोटे शहर का सिटी गार्ड बनने के लिए काफी अच्छा था। जाहिर है एक जियानटियन विशेषज्ञ की स्थिति लोगों की नजर में काफी ऊंची और असाधारण थी। तो जो इस बार चिल्लाया था वह निश्चित रूप से सिटी लॉर्ड था। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपने अभी भी एक जियानटियन गोली को परिष्कृत नहीं किया है। मैं अगली बार फिर आऊंगा, एक तुच्छ हंसी ने जल्द ही पूरे शहर को हिला दिया। तो यह वास्तव में जियानटियन गोली थी। हर कोई जानता था कि जियानटियन विशेषज्ञ बनना बहुत कठिन था। एक को पहले स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के सेतु को खोलने की आवश्यकता थी, फिर दूसरा कदम दो मध्याह रेखाओं को तोड़ना था और जेन क्यूई को अंतहीन रूप से बढ़ने देना था, तभी कोई व्यक्ति जियानटियन क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम होगा। केवल कुछ विशेषज्ञ ही जियानटियन दायरे में सफलतापूर्वक प्रवेश कर सके, लेकिन दो मेरिडियन को बलपूर्वक खोलने में मदद करने के लिए कुछ दवाएं थी और जियानटियन गोली सबसे प्रसिद्ध में से एक थी। स्वाभाविक रूप से यह स्पष्ट था कि बहुत सारे हाउटियन क्षेत्र के योद्धाओं में जियानटियन छर्रों पर खूनी युद्ध होने वाला था। सिटी लॉर्ड जियानटियन छर्रों को परिष्कृत कर रहे थे और यह खबर रात भर पूरे शहर में फैल गई थी। एक लंबे समय के लिए सिटी लॉर्ड पैलेस के पास जियानटियन गोली को परिष्कृत करने का गुप्त सूत्र था और वह गुप्त रूप से आवश्यक औषधीय सामग्री एकत्र कर रहा था। अब जबकि आवश्यक सामग्री अंततः एकत्र कर ली गई थी, सिटी लॉर्ड ने जियानटियन छर्रों को सफलतापूर्वक परिष्कृत कर लिया था। एक बार जब यह संदेश फैल गया तो यह निश्चित रूप से कई जासूसों को आकर्षित करेगा, विशेष रूप से बहुत सारे हाउटियन 9वें चरण के मास्टर्स, जो निश्चित रूप से एक जियानटियन गोली प्राप्त करने के इस अवसर को नहीं चुकेंगे। एक बार जब एक योद्धा जियानटियन क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसकी शक्ति नाटकीय रूप से बढ़ जाएगी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी जीवन शक्ति भी बहुत बढ़ जाएगी, जिससे जीवन प्रत्याशा 200 वर्ष तक बढ़ जाएगी। हाउटियन 9वें चरण के कई योद्धा चिंतित थे क्योंकि उनका जीवन धीरे धीरे थकावट की ओर बढ़ रहा था और अगर उन्हें जियानटियन दायरे तक पहुंचने का रास्ता नहीं मिला तो वे अंततः वृद्धावस्था में मर जाएंगे। चाहे वह जीवित रहने के लिए हो या बड़ी ताकत हासिल करने के लिए, ये योद्धा इस मौके को जियानटियन गोली पाने के लिए बिल्कुल नहीं जाने देंगे। तो इस गोली को लेकर उनके बीच प्रतिस्पर्धा में खूनी लड़ाई होने वाली थी। यहाँ तक कि ये जिवेन की भी इस जियानटियन गोली में दिलचस्पी थी। मूल रूप से इस एस्कॉर्ट मिशन को पूरा करने के बाद उसने ये युआन स्कूल लौटने की योजना बनाई थी, लेकिन अब उसने रुकने और स्थिति को देखने का फैसला किया था। ये जिवेन के लिए ताकत बढ़ाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता थी, क्योंकि उसकी मौजूदा ताकत पर उसके लिए हाउटियन 9वें चरण के मास्टर या यहाँ तक कि एक जियानटियन मास्टर को संभालना मुश्किल होगा। अभी वह हाउटन 7वें चरण के शिखर पर था, एक और कदम और वह हाउटियन 8वें चरण तक पहुंच सकता था। उसके बाद वह हाउटियन 9वें चरण के मास्टर्स के खिलाफ लड़ने और यहां तक कि उन्हें कड़ी टक्कर देने में सक्षम होगा। दूसरों के लिए यह सफलता इतनी सरल कैसे हो सकती है, लेकिन उसके पास विशेष स्थान था और जब तक पर्याप्त स्पिरिट स्टोन थे, हाउटियन 8वें चरण के माध्यम से तोड़ना उसके लिए कोई समस्या नहीं थी। ये जिवेन ने जल्द ही विशेष स्थान में प्रवेश किया और ध्यान करना शुरू कर दिया। उन्होंने ब्राइट जेड पावर का अभ्यास करना शुरू कर दिया। उन्हें नहीं पता था कि लिंक क्यूई का उत्पादन करने वाले स्पिरिट स्टोन कितने समय तक जलते रहते हैं जो लगातार विशेष स्थान में प्रवेश कर रहा था। ये जिवेन को उज्जवल जेड पावर के बारे में नई अंतर्दृष्टि मिलनी शुरू हुई, जो एक शक्तिशाली धार की तरह उनके दिमाग में प्रवेश कर गई और उनकी वर्तमान साधना अवस्था की बाधा पर एक मजबूत प्रभाव डाला। जैसे जैसे समय बीतता गया उसकी शक्ति भी निरंतर बढ़ती चली गई। बूम, वह नहीं जानता था कि उसकी साधना अवस्था की बाधा को पूरी तरह से तोड़ने में सूचना के उस प्रवाह को कितना समय लगा। उसके शरीर से कर्कश ध्वनि उत्पन्न हुई, उसकी सभी हड्डियां आपस में टकरा रही थी, उसका शरीर गंदगी से ढका हुआ था और वह हाउटियन 8वें चरण में सफलतापूर्वक पहुंच गया। पिछली बार की तुलना में उसके शरीर से कम अशुद्धियां निकली जब वह हाउटन 4थे चरण में पहुंच गया था। यद्यपि उसने एक रात के लिए साधना की थी, फिर भी वह ऊर्जा से भरा हुआ था क्योंकि वह हाउटन 8वें चरण में पहुंच गया था और अब उसकी ताकत सीधे 70 बाघों की ताकत तक पहुंच गई थी।
उसकी ताकत ने तेजी से विकास का अनुभव किया था और अब वह हाउटियन नौवें चरण के योद्धाओं का भी सिर काटने में सक्षम था। अब वह आने वाले जियानटिन पैलेट प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए काफी शक्तिशाली था। रातों रात शहर के असंख्य योद्धाओं के बीच यह संदेश फैल गया। मैंने कभी नहीं सोचा था, सिटी लॉर्ड वास्तव में एक जियानटिन गोली को गुप्त रूप से परिष्कृत कर रहे थे। जी, प्रतीक्षा करें जब तक कि सिटी लॉर्ड इस जियानटिन गोली का उपयोग नहीं करता है, तब सिटी गार्ड के लिए इस शहर पर हावी होने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। हालांकि यह जियानटिन गोली कई शक्तिशाली विशेषज्ञों को आकर्षित करेगी और यहां तक कि सिटी लॉर्ड की शक्ति के साथ, मुझे डर है कि वे अजय होंगे। सवेरे सब योद्धा सराय में इस विषय में चर्चा कर रहे थे। जी, क्या आपने नहीं देखा, कल रात चोटी के हॉटियन नौवें चरण के कई प्रसिद्ध विशेषज्ञ शहर में पहुंचे। बिल्कुल, आज सुबह मैंने देखा कि ग्रेट किंचेन सिटी लॉर्ड व्यक्तिगत रूप से अपने इकलौते बेटे के लिए जियानटिन पैलेट का अनुरोध करने आए थे। एक फ्लैश में कुछ दिन पहले ही बीत चुके थे और यह खबर धीरे धीरे एक बड़ी आग की तरह दूर दूर तक फैल गई थी। कई प्रसिद्ध उस्ताद आ गए थे और इस मामले ने ग्रेट किंचेन सिटी लॉर्ड एक जियानटिन विशेषज्ञ को भी आकर्षित किया था। किनफेग पर्वत दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में स्थित था, यू राज्य के मध्य क्षेत्रों से बहुत दूर, जहां एक जियानटिन विशेषज्ञ स्वाभाविक रूप से सभी का ध्यान आकर्षित करेगा। ग्रेट क्विंचेन तियानयुवान शहर से निकटतम शहर था। इसका आकार और जनसंख्या लगभग तियानयुवान शहर के समान थी और किंचेन शहर के स्वामी भी जियानटिन क्षेत्र के स्वामी थे। ग्रेट क्विंचेन सिटी लॉर्ड अपने इकलौते बेटे की खातिर आए थे, जो लंबे समय तक हॉटियन के नौवें चरण के शिखर का स्वामी रहा था। हालांकि भले ही इन प्रसिद्ध उस्तादों ने तियानयुवान शहर में आने की हिम्मत की थी, लेकिन शहर के स्वामी अभी भी चुप थे। हर रात कई विशेषज्ञ सिटी लॉर्ड पैलेस में घुसने की कोशिश करते थे। हालांकि उनमें से ज्यादातर काफी दयनीय थे, क्योंकि सिटी लॉर्ड पैलेस के गार्ड बहुत सख्त थे और खुले तौर पर उन पर तीर चलाते थे। इस प्रक्रिया में कई लोग मारे जाते थे। एक रात 23 विशेषज्ञ, जो परेशानी पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, सिटी लॉर्ड पैलेस में मारे गए। एक शिवेन इस मामले को लेकर बहुत अधिक चिंतित नहीं थे, क्योंकि वह अपने नए प्राप्त चरण को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। कमरे में एक शिवेन ने एक लंबी सांस ली और अपनी आंखें खोली। उन्होंने नए प्राप्त दायरे को पूरी तरह से समेकित कर दिया था और हॉटियन आठवें चरण के मध्य में सफलतापूर्वक धकेल दिया था। अब वह आसानी से पीक हॉटियन नौवें चरण के मास्टर्स का सामना कर सकता था। हालांकि उसने पहले ही 1500 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन का सेवन कर लिया था और उसके स्टॉक में केवल 4500 बचे थे। हालांकि 4500 लू ग्रेड स्पिरिट स्टोन अभी भी उसके स्टॉक में थे, लेकिन ये जिविन के लिए वे अभी भी पर्याप्त नहीं थे। स्प्रिट स्टोन की खपत दर बहुत अधिक थी और खेती की बढ़ती गति के साथ यह और बढ़ गई थी। एंटी चूंकि अब वह आठवें चरण पर है और उच्च चरणों में से निकलने के लिए बहुत सारे स्पिरिट स्टोन्स की आवश्यकता होती है, ये जिवेन सुबह जल्दी उठ गए, लेकिन उन्होंने खुद को कमरे में बंद नहीं किया, बल्कि उनकी योजना शहर के सबसे बड़े नीलामी घर तियानिन नीलामी घर में जाने की थी। वह तियानिन नीलामी घर का दौरा करना चाहता था, क्योंकि सिटी लॉर्ड ने आखिरकार एक आधिकारिक बयान दिया था कि उसने 4 जियानटिन छर्रों को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया था, 2 अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए और बाकी 2 की नीलामी शहर के सबसे बड़े नीलामी घर तियानिन नीलामी घर में की जाएगी। 3 दिन में नीलामी शुरू होने वाली थी। तियानिन नीलामी घर पहले ही सार्वजनिक चर्चाओं का लक्ष्य बन चुका था। यदि यह एक सामान्य नीलामी घर होता तो यह नौवें चरण के इतने शक्तिशाली योद्धाओं के सामने लंबे समय तक नहीं टिकता, लेकिन तियानिन नीलामी घर काफी प्रभावशाली था। कई शहरों में इसकी शाखाएं थी और इसका मुख्यालय बड़े यू राज्य की राजधानी में स्थित था। बड़े यू राज्य क्षेत्र में इसका बहुत प्रभाव था, तो ये योद्धा इसके लिए कैसे परेशानी का कारण बन सकते थे। ये जिवेन जाने और देखने की योजना बना रही थी, क्योंकि इस महीने तियानिन नीलामी घर में नीलामी के लिए किसी के पास कुछ अच्छा हो सकता है जिससे उसे फायदा हो सकता है। तियानयुवान नीलामी घर तियानयुवान शहर में बहुत प्रसिद्ध था, इसलिए ये जिवेन के लिए इसे ढूंढना काफी आसान था। जब उसने पहली बार तियानिन नीलामी घर को देखा तो वह अचानक अभिभूत हो गया। कोई आश्चर्य नहीं कि इसे राज्य का सबसे बड़ा नीलामी घर कहा जाता था। तियानिन नीलामी घर में पहले से ही सप्ताह के दिन बहुत व्यस्त थे और इस बार बड़ी संख्या में योद्धाओं के आने के कारण यह और भी अधिक भीड़ थी।
सौभाग्य से नीलामी घर के अंदर बहुत जगह थी, अन्यथा इतने सारे योद्धाओं के लिए अंदर जाकर नीलामी में भाग लेना असंभव होता। जैसे ही येजीवेन अंदर जाने वाली थी, उसे एक गार्ड ने यह कहते हुए रोक दिया कि नीलामी घर में प्रवेश करने से पहले 5 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन की फीस का भुगतान करना आवश्यक है। येजीवेन अचानक गुस्से में आ गए, लेकिन जब उन्होंने अन्य लोगों को ईमानदारी से प्रवेश शुल्क का भुगतान करते देखा तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन शुल्क का भुगतान किया और नीलामी घर में प्रवेश किया। एक शिवेन जल्दी से बैठ गई। त्यानयिन नीलामी घर में हर दिन 10 या अधिक नीलामी होती थी और प्रत्येक नीलामी 1 घंटे तक चलती थी, इसलिए कोई भी व्यक्ति किसी भी समय प्रवेश कर सकता था और बोली लगा सकता था। वह आम बैठने की जगह में बैठे और दूसरी मंजिल पर एक VIP आरक्षित डिब्बा था जहां केवल सम्मानित अतिथि ही बैठ सकते थे। टकराना, लकड़ी का हथौड़ा मेज पर टकराया जिससे ध्वनि पूरे नीलामी क्षेत्र में फैल गई। सफेद लबादे में एक बूढ़ा व्यक्ति एक हाथ में कुछ दस्तावेज और दूसरे हाथ में एक हथौड़ा लिए दिखाई दिया। येजीवेन ने उस आदमी को देखा और दंग रह गई, क्योंकि यह सफेद वस्त्र वाला बूढ़ा वास्तव में हाउटियन 9वें चरण का मास्टर था। त्यानयिन नीलामी घर काफी दुर्जय था और वास्तव में नीलामी का प्रबंधन करने के लिए 9वें चरण के एक विशेषज्ञ को भेजा था। हालांकि पिछले कुछ दिनों में सिटी लॉर्ड की जियानिटियन पैलेट की नीलामी के बारे में घोषणा ने नीलामी में भाग लेने के लिए बहुत सारे मजबूत योद्धाओं को आकर्षित किया था। यदि इन लोगों की देखरेख के लिए किसी स्वामी को नहीं भेजा गया तो वे निश्चित रूप से इस शहर को अपने साथ नष्ट कर देंगे। अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद आज की पहली नीलामी में भाग लेने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि हमेशा की तरह हमारे नीलामी घर द्वारा आयोजित नीलामी आपको निराश नहीं करेगी, सफेदपोश बूढ़े ने बहुत धीरे से कहा। मेरा मानना है कि हर कोई नियमों को जानता है, इसलिए मैं उन्हें नहीं दोहराऊंगा। अब हम तुरंत नीलामी शुरू करेंगे। इस नीलामी की पहली वस्तु उच्च गुणवत्ता वाले मिश्र धातु से बनी एक लंबी दोधारी तलवार है। यह एक उच्च श्रेणी का हथियार भी है, सफेद वस्त्र में बूढ़े ने कहा। इस समय एक दासी चांदी की थाली लेकर आई और उसे मेज पर रख दिया। सफेद पोश वाले बूढ़े ने चांदी की थाली से लाल कपड़ा उतार दिया और सभी इस हल्की लाल लंबी दोधारी तलवार की बारीक कारीगरी देख सकते थे जो चुपचाप तश्तरी पर पड़ी थी। ये जीवेन के पास इस तरह की तलवार का कोई उपयोग नहीं था, क्योंकि उसने जो अभ्यास किया था वह ब्लेड तकनीक थी जिसके लिए ब्लेड की आवश्यकता होती थी। साथ ही उसने महसूस किया कि उसका अपना ब्लेड इस हल्की लाल लंबी तलवार से कहीं बेहतर था। हालांकि उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि बहुत सारे लोग उस आदमी को ईर्ष्या से देख रहे थे जिसने बोली जीती थी और इस दोधारी लंबी तलवार को 200 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन्स के लिए खरीदा था। ये जीवेन निश्चित रूप से जानती थी कि यह सिर्फ एक एपेटाइजर था और असली सौदा अभी सामने आना बाकी था। त्यानयिन नीलामी घर ने नीलामी जारी रखी और एक के बाद एक भयानक हथियार या खजाने लाए, लेकिन इनमें से कोई भी उसका दिल नहीं जीत सका और व्यवहारिक रूप से उसके लिए बेकार था। यही कारण है कि उसने इन वस्तुओं की बोली में भाग नहीं लिया। धीरे धीरे VIP बॉक्स में बैठे लोग एक के बाद एक बोली लगाने लगे और जो कीमत वे दे रहे थे वह कॉमन एरिया में बैठे लोगों की तुलना में बहुत बड़ी थी। उन सम्मानित अतिथियों का निस्संदेह आम बैठने की जगह में नीचे बैठे उन आम योद्धाओं की तुलना में एक बहुत ही विशिष्ट और दबंग आभा थी। लगभग आधे घंटे के बाद अचानक बूढ़े आदमी के शब्दों ने अगली नीलामी की वस्तु के बारे में बताते हुए ये जीवन की रुचि को बढ़ा दिया। आगे हम एक गुप्त पुस्तक की नीलामी करेंगे, सफेद पोश वाले बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा। यह एक प्रकार की शक्ति तकनीक है जिसका उपयोग शरीर को प्रशिक्षित करने के लिए किया जाता है और हमारे मूल्यांकनों के अनुसार यह संभवतः एक जियानिटियन स्तर की शक्ति तकनीक है, लेकिन दुर्भाग्य से यह अधूरी है। हालांकि यह एक मध्यवर्ती स्तर की शक्ति तकनीक से भी कम नहीं है। फिर उसने लाल कपड़ा खोला और सभी ने एक फटी हुई गुप्त पुस्तक देखी। उस पर शिलालेख ने कहा, तानाशाह शरीर तकनीक NT, यह शक्ति तकनीक उसके शरीर को एक अत्याचारी स्तर के गुरु की तरह मजबूत करेगी। इस तानाशाह शरीर तकनीक के लिए न्यूनतम मूल्य 200 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन निर्धारित किए गए हैं, सफेद वस्त्र में बूढ़े ने कहा। यदि यह पूरी तरह से जियानिटियन स्तर की शक्ति तकनीक होती तो 200 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन की कीमत वास्तव में इसके वास्तविक मूल्य की तुलना में नगण्य होती और कोई भी इसके लिए उत्सुकता से भुगतान करता।
हालांकि यह एक अधूरी तकनीक थी और इसे केवल एक मध्यवर्ती शक्ति तकनीक माना जा सकता था, जो एक गंभीर दोष था और कोई भी केवल मध्यवर्ती शक्ति तकनीक के लिए 200 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन का भुगतान नहीं करना चाहता था। हालांकि यह गुप्त पुस्तक दूसरों के लिए पैसे की बर्बादी स्पिरिट स्टोन्स थी, लेकिन ये जिविन के लिए यह भगवान द्वारा भेजा गया उपहार था। उसने पहले भी कोशिश की थी और सेलेस्टियल सटे गुप्त पुस्तक के मूल लापता भागों को सफलतापूर्वक निकाल लिया था। इसलिए जब तक उसके कब्जे में पर्याप्त स्पिरिट स्टोन थे, तब तक वह पूरी तरह से एक ज्यानिटियन स्तर की शक्ति तकनीक को निकालने में सक्षम होगा, भले ही वह क्षतिग्रस्त या अपूर्ण हो। अभी उसके पास केवल शारीरिक प्रशिक्षण प्रकार की शक्ति तकनीक की कमी थी। एंटी शारीरिक प्रशिक्षण शरीर को प्रशिक्षित करना, उनके पास चपलता के लिए आकाशीय कदम है, कोल्ड मून बिहेडा एक ब्लेड तकनीक है और खेती के लिए उज्जवल जेड पावर है 350 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन। येक्षिवेन ने मोर्चा संभाला और चिल्लाए 400। जैसे ही येक्षिवेन की आवाज फीकी पड़ी, वीआईपी बॉक्स से एक तेज आवाज आई 410। ये जिवेन ने 10 और जोड़े और कहा 500। वीआईपी बॉक्स में उस सम्मानित अतिथि ने एक बड़ी संख्या जोड़ दी। 500 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन कुछ उन्नत शक्ति तकनीकों को खरीदने के लिए भी पर्याप्त थे। इस सम्मानित अतिथि के पास बहुत पैसा था, लेकिन खर्च करने के लिए इससे बेहतर कोई जगह नहीं थी। 550। ये जिवेन ने दांत भींच कर कहा 600। दूसरे पक्ष ने फिर से बोली बढ़ा दी। केवल ये जिवेन और सम्मानित अतिथि उस गुप्त पुस्तक के लिए बोली लगाने वाले दृश्य पर रह गए थे, और जहां तक उन योद्धाओं का संबंध था, एक क्षतिग्रस्त शक्ति तकनीक को खरीदने के लिए 600 निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों की कीमत पूरी तरह से समझ से बाहर थी। वीआईपी बॉक्स में बैठे उन सम्मानित अतिथियों के बारे में वे केवल एक मध्यम स्तर की बिजली तकनीक खरीदने की अत्यधिक संभावना नहीं रखते हैं, इसलिए अंत में केवल ये जिवेन और अन्य सम्मानित अतिथि गुप्त पुस्तक के लिए बोली लगा रहे थे। 650। ये जिवेन ने कहा और बोली को फिर से बढ़ा दिया, हालांकि क्षतिग्रस्त बिजली तकनीक के लिए यह राशि पहले से ही काफी अधिक थी। यहां तक कि एक पूरी तरह से उन्नत शक्ति तकनीक की कीमत केवल 1000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन से अधिक नहीं होगी। 700। दूसरे पक्ष के पास पैसे की कमी नहीं थी और उसने बोली बढ़ा दी। इस समय बहुत से लोग पहले से ही बहुत उत्साहित थे, जैसे कि एक नाटक देख रहे हो। 800। ये जिवेन ने अपने दांत भींचे और कहा, क्योंकि यह इस गुप्त पुस्तक के लिए सबसे अधिक भुगतान कर सकता था, और अगर दूसरे पक्ष ने बोली बढ़ा दी तो उसके पास हार मानने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा, क्योंकि किसी भी दूर जाना उसके लिए असंवैधानिक होगा। कमी ने यह कौन है जो मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत कर रहा है? बॉक्स के अंदर यह देखकर कि ये जिवेन अप्रत्याशित रूप से गुप्त पुस्तक के लिए प्रतिस्पर्धा करना जारी रखा था, एक युवक अचानक गुस्से में आ गया और उसने अपने हाथ से चाय का प्याला नीचे फेंक दिया। वह अक्सर नीलामी की वस्तुओं पर प्रारंभिक मूल्य निर्धारित करना पसंद करते थे और दूसरों को उन पर प्रतिस्पर्धा करने में मजा आता था। हालांकि इस बार एक शिवेन ने न सिर्फ उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत की, बल्कि इस आइटम के लिए शुरुआती बोली मूल्य निर्धारित करके सुर्खियां भी बटोरी। मैं जानना चाहता हूं कि यह आदमी वास्तव में कौन है, और फिर मैं व्यक्तिगत रूप से उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, युवक ने कहा। भले ही यह वस्तु एक अधूरी शक्ति तकनीक थी, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की। उन्होंने इसे खरीदने का फैसला किया था, लेकिन किसी ने उन्हें खुली चुनौती देने की हिम्मत की थी और इससे उन्हें बहुत गुस्सा आया था। युवा मास्टर, हम बोली लगाना जारी नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ आने से पहले आपके पिता ने हमें सूचित किया था कि हमारा लक्ष्य ज्यानिटियन गोली है, जिसकी कुछ दिनों में नीलामी होने वाली है। तो इस क्षतिग्रस्त ज्यानिटियन पावर तकनीक की तुलना में एक ज्यानिटियन गोली आपके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। जब तक आप एक ज्यानिटियन मास्टर बन सकते हैं, हमारा मुख्य उद्देश्य प्राप्त हो जाएगा। हालांकि अगर हम अन्य नीलामी वस्तुओं पर बहुत अधिक खर्च करते हैं, तो मुझे डर है कि हमें ज्यानिटियन गोली के लिए पैसे की कमी हो सकती है, इस युवक के साथ आए वृद्ध ने उसे समझाइश दी। चलो, युवा मास्टर को खुद को अपने स्तर तक कम करने की जरूरत नहीं है, हमने पहले ही उसका चेहरा देखा है, उसने वास्तव में हमारे युवा मास्टर को चुनौती देने की हिम्मत की है। हम उसे कुत्ते की मौत मरवा देंगे और अंत में वह आइटम होगा आपके हाथों में पड़ना। हा हा हा, इस युवक की सुरक्षा के लिए सौंपे गए कई गार्डों ने कहा। युवक ने बोली जारी नहीं रखी और ये जिवेन ने अंततः 800 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन्स के लिए गुप्त पुस्तक खरीदी।
ये जिविन ने गुप्त पुस्तक को हल्के से थपथपाया, लेकिन इस गुप्त पुस्तक को प्राप्त करने के बाद उन्होंने पाया कि वीआईपी बॉक्स में वह युवक अप्रत्याशित रूप से ग्रेट किनचेन सिटी लॉर्ड झाओ कियान का पुत्र था। ग्रेट किनचेन सिटी लॉर्ड विशेष रूप से झाओ कियान को जियानटियान गोली प्राप्त करने में मदद करने के लिए आए थे। हालांकि भले ही वह जानता था कि दूसरी पार्टी कोई नहीं थी जिसे वह आसानी से छल कर सकता था, लेकिन फिर भी वह नहीं हिला। यी जीवेन एक नर्म व्यक्ति नहीं था जो निष्क्रिय रूप से सहन करेगा यदि कोई उसे धमकाता है, और यदि दूसरा पक्ष लड़ना चाहता है तो वह निश्चित रूप से उन्हें कठिन समय देगा। नीलामी खत्म होने के बाद वह नीलामी घर से चला गया, लेकिन एक पल के बाद ही उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अचानक एक शिवेन के दिल में जकड़न महसूस हुई। तियान युवान शहर पहुंचने के बाद उसने निश्चित रूप से किसी को नाराज नहीं किया था। तब एकमात्र संभावना यह हो सकती है कि ग्रेट किनचेन सिटी लॉर्ड झाओ कियान का बेटा। ये जिवेन शांत रही और एकत्र हुई और बस एक गली में प्रवेश कर गई। कई आंकड़े प्रकट हुए और वास्तव में झाओ कियान के अंगरक्षक थे। विशेषज्ञ, ये जिवेन महान किनचेन विशेषज्ञों को दृढ़ता से घूर रहा था। फिर पलक झपकते ही अचानक उसकी आकृति गायब हो गई, जिसने उन अंगरक्षकों को भी चौंका दिया। ग्रेट किनचेन शहर के चार विशेषज्ञ, जो पहले अपनी उपस्थिति छुपा रहे थे, ने आखिरकार खुद को प्रकट कर दिया। अच्छा नहीं है, उस बच्चे को दूर मत जाने दो, उसे पकड़ लो। तुरंत एक बड़े कद का विशेषज्ञ हिंसक रूप से आगे बढ़ा और ये शिवेन का पीछा किया। हालांकि मूल रूप से वे ये जिवेन से काफी दूर थे जब वह गायब हो गया था, लेकिन उनकी गति को देखते हुए यह दूरी वास्तव में बहुत लंबी नहीं थी। थोड़ी देर बाद ही वे उस गली में दिखाई दिए जहां ये शिवन गायब हो गई थी। वह कैसे गायब हो सकता है? लानत है, मुझे मत बताओ कि उसने महसूस किया था कि हम उसे ट्रैक कर रहे थे, एक अंगरक्षक ने निराशा के साथ कहा। नहीं, उसने नहीं किया, हम चारों ने जानबूझकर अपनी उपस्थिति छिपाई थी। साथ ही वह हमसे 100 मीटर दूर था, इसलिए वह संभवतः हमें महसूस नहीं कर सका, एक अन्य अंगरक्षक ने कहा। अच्छा नहीं, धिक्कार है, यह बच्चा जानबूझकर अपनी उपस्थिति नहीं छिपा रहा था, क्योंकि वह चाहता था कि हम अपने गार्ड को नीचा दिखाएं और खुद को खुले में प्रकट करें, एक लंबे और मजबूत अंगरक्षक ने अचानक प्रतिक्रिया दी और कहा। अन्य तीन विशेषज्ञों का रंग थोड़ा बदल गया था। ये विशेषज्ञ सभी दिग्गज थे, वे मूर्ख नहीं थे और उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी, हालांकि वे नहीं जानते थे कि ये शिवेन ने जानबूझकर अपनी उपस्थिति को छुपाया था या नहीं, लेकिन फिर भी एक संभावना थी। अब बहुत देर हो चुकी है, ये जिवेन ने एक बर्फीली ठंडी आवाज में कहा। वह गली में एक ईंट की दीवार पर खड़ा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ग्रेट किनचेन सिटी लॉर्ड का बेटा वास्तव में ऐसा काम करेगा, और अगर इसके बारे में खबर फैली तो जीत गया, क्या वह उपहास का पात्र नहीं बन गया? ये जिवेन की भौहें तन गईं जब उसे लगा कि ये चारों अंगरक्षक वास्तव में हाउटेन 9वें चरण के स्वामी थे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम हो? आपने हमारे युवा मास्टर को चुनौती देने का साहस किया है, इसलिए बदतर बच्चे के लिए तैयार रहें, एक गार्ड ने उपहास किया और कहा। बकवास बंद करो और इस बच्चे को मार डालो, युवा मास्टर को बहुत देर तक प्रतीक्षा न करने दें, दूसरे गार्ड ने अधीरता से कहा। सिर्फ चार लोगों के साथ मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? ये जिवेन ने कुछ कदम उठाए और फिर उसकी आकृति तूफान की तरह ईंट की दीवार से नीचे गिर गई और चार पहरेदारों की ओर बढ़ी। उसने अपना लंबा ब्लेड निकाला और नीचे काट दिया, और फिर एक हिंसक डॉकी दिखाई दिया जो तुरंत 9 ब्लेड छाया में बदल गया और आकाश में फैल गया। ब्लेड की इन छायाओं से एक अंगरक्षक घिर गया। एंटी डॉकी ब्लेड क्यूई, यह कैसे हो सकता है? उस अंगरक्षक की आंखों में एक भयानक रूप चमक उठा। वह अपने दिल में बहुत डरा हुआ था, क्योंकि यह ब्लेड का हमला बहुत भयावह था और इस बच्चे ने वास्तव में अपनी ब्लेड तकनीक का डचेंग स्तर तक अभ्यास किया था। हालांकि ये अंगरक्षक पहले ही हाउटियन 9वें चरण में पहुंच चुके थे, लेकिन उनमें से एक ने भी डचेंग स्तर की तकनीक का अभ्यास नहीं किया था। ये उस्ताद पहले से ही 9वें चरण में थे, लेकिन ये जिवेन की राक्षसी ताकत की तुलना में उनकी ताकत में अभी भी कमी थी। हालांकि ये जीवन केवल 8वें चरण तक ही पहुंचा था, लेकिन उसके लिए कई जियानटियन शक्ति तकनीकों का अभ्यास करने और बंदर शराब का सेवन करने के लिए धन्यवाद। वह पहले से ही चोटी के 9वें चरण के स्वामी के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम था। दुर्भाग्य से ये गार्ड उसके विरोधी कभी नहीं हो सकते थे, क्योंकि उन्होंने उन्नत शक्ति तकनीकों का अभ्यास भी नहीं किया था।
पूछी। अंगरक्षक के पास प्रतिक्रिया के लिए समय नहीं था और ये शिविन के ब्लेड के हमले से सीधे आधे में कट गया। एक दर्शक की आंखों से ऐसा लग रहा था जैसे वह बस वहां खड़ा था और ये जिवेन को उसे मारने की अनुमति दी थी। हालांकि तथ्य यह था कि वह पूरी तरह से ये जिवेन के ब्लेड के हमले से घिरा हुआ था और उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। वह केवल देख सकता था खुद का सिर कलम कर रहा है। तीसरा भाई शेष तीन पहरेदार दू ख के साथ चिल्लाए, चलो उसे एक साथ मार डालते हैं। पलक झपकते ही नौवे चरण का एक योद्धा मारा गया था, तो जाहिर था कि उन पहरेदारों के दिल में अपार खौफ था, लेकिन मारने का उनका इरादा और भी गहरा हो गया था। यदि यह युवा शत्रु पहले से ही इतना शक्तिशाली होता तो भविष्य में कितना भयानक हो सकता था। तुरंत ही तीन अंगरक्षक एक त्रिकोणीय आवरण बनाते हुए एक गठन में खड़े हो गए और ये जिवेन की ओर झपटे। 10 या अधिक कदम दूर इन तीनों अंगरक्षकों में से प्रत्येक ने एक लंबा ब्लेड निकाला और अपने ब्लेड को ये शिविन की ओर काट दिया। डांग डांग डांग, लंबा ब्लेड ये जिविन के हाथों में नाचने लगा और जेन क्यूई तुरंत एक ब्लेड का आकार लेते हुए चमक उठा और उन तीन गार्डों की आने वाली तीन लंबी ब्लेडों को काट दिया। ये तीनों अकेले ये जिविन के लिए एक मैच नहीं थे, लेकिन इस तिकड़ी ने स्पष्ट रूप से एक संयुक्त हमले के तरीके का अभ्यास किया था और जब वे एक साथ अपनी सेना में शामिल होंगे तो हमले की शक्ति भी बहुत बढ़ जाएगी। उसे मार दो, तीनों पहरेदार चिल्लाए और उनके ब्लेड एक साथ ही एक शिवेन की ओर कट गए। मुझे डर है कि आपके पास कोई मौका नहीं है, ये जिवेन ने उदासीनता से कहा। अचानक उसके लंबे ब्लेड ने तेज रोशनी को काट दिया। मिसिंग मून बीहेडर द फर्स्ट ब्लेड, ये जिवेन का लंबा ब्लेड एक अंगरक्षक के ब्लेड को काटते हुए नीचे गिर गया। टकराना दूसरा ब्लेड, इस दूसरे ब्लेड में निहित शक्ति पहले ब्लेड की तुलना में अधिक थी। टकराना तीसरे ब्लेड में इतनी भयानक शक्ति थी कि इसने अंगरक्षक और उसके ब्लेड दोनों को दो हिस्सों में काट दिया। चौथा भाई शेष दो पहरेदार डायक और आक्रोश में चिल्लाए, दूसरा भाई जल्दी जाओ और युवा मास्टर से हमसे बदला लेने के लिए कहो, उन अंगरक्षकों के बॉस ने गुस्से से कहा। दो अंगरक्षकों ने अपनी आंखों में कड़वाहट के साथ ये जिवेन को देखा और बॉस चाहता था कि दूसरा भाई बच जाए और गार्डों को बेरहमी से मारने के लिए ये जिवेन से बदला लेने के लिए कुछ मदद प्राप्त करे। दूसरे भाई ने संकोच नहीं किया और वह बचने के लिए तुरंत छत पर कूद गया। आप भागना चाहते हैं, ये जिवेन ने उपहास किया। विडंबना यह थी कि ये चारों पहरेदार उसे मारने आए थे, लेकिन उनमें से दो को मार दिया गया था और उसने पहले से ही उन पर कोई दया न करने का मन बना लिया था। हालांकि नौवें चरण के चार मास्टर्स को खोना ग्रेट क्विंचेन सिटी लॉर्ड के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये जिवेन ने अपने ब्लेड को काट दिया जो आकाश में चमक रहा था और चकाचौंध कर रहा था और कुछ ही समय में उसका ब्लेड का हमला सीधे दूसरे अंगरक्षक की ओर बढ़ गया जो भागने की कोशिश कर रहा था। पूछी, चूंकि दूसरा अंगरक्षक पहले से ही हवा में था इसलिए उसके पास इस ब्लेड के हमले को चकमा देने के लिए कोई जगह नहीं थी। वह सीधे दो हिस्सों में कटकर नीचे गिर गया। दूसरा भाई बॉस व्याकुल था और उसने ये जिवेन को घृणा और हत्या के इरादे से देखा। छोटे जानवर, तुमने मेरे भाई को मार डाला, मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा। जब से तुम मुझे मारने आए हो तब से मैं तुम सबको दंड देने का निश्चय कर चुका हूँ, क्योंकि भले ही मेरी तुमसे कोई दुश्मनी न हो फिर भी तुमने बिना कारण मेरा पीछा किया। इस पाप के लिए स्वर्ग तुम्हें क्षमा करे, परंतु मैं नहीं करूंगा। ये जिवेन ने उपहास किया और अंगरक्षक बॉस की ओर दौड़ी। बॉडीगार्ड बॉस ने नहीं सोचा था कि यह ऐसा हो जाएगा और उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव था और उसने पागलों की तरह एक शिविन पर हमला कर दिया। दोनों शख्सियतें एक दूसरे के खिलाफ जमकर भिड़ी। कुछ राउंड के बाद ये जिवेन के बैकहैंड ब्लेड ने बॉडीगार्ड बॉस का सिर काट दिया। ये जिवेन ने चार अंगरक्षकों के शरीर से 2000 से अधिक निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन जब्त किए। ये पत्थर झाओ कियान के साथ बोली प्रतियोगिता के दौरान हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए पर्याप्त थे और अब उनके निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन का स्टॉक भी 6000 तक पहुंच गया। ये जिवेन सराय में वापस चला गया और 3 दिनों में शुरू होने वाली बड़ी नीलामी के लिए पूरी तरह से तैयार होने के लिए तुरंत खेती करना शुरू कर दिया। गुप्त पुस्तक में दिए गए विवरण के अनुसार ये जिवेन ने तुरंत तानाशाह शरीर तकनीक की खेती शुरू की। तकनीक नश्वर मांस और शरीर को प्रशिक्षित करने पर केंद्रित थी जो अंततः शरीर के संविधान को एक दुष्ट भगवान के रूप में बदल देगा।
ऐसा माना जाता था कि इस तकनीक का प्राचीन काल से अभ्यास किया जा रहा था और इसे सबसे कठिन अभ्यास तकनीकों में से एक माना जाता था। हालांकि चूंकि गुप्त पुस्तक क्षतिग्रस्त हो गई थी, इसलिए केवल पहली परत का अभ्यास किया जा सकता था। हालांकि केवल एक ही परत बरकरार थी, लेकिन जब शक्ति को ध्यान में रखा गया तो यह अन्य मध्यवर्ती स्तर की शक्ति तकनीकों से बिल्कुल भी कम नहीं थी। तानाशाह शरीर तकनीक, जैसा कि नाम से पता चलता है, इतनी दबंग और शक्तिशाली थी कि इसका अभ्यास करने के बाद ये जीवन किसी भी अन्य शरीर प्रशिक्षण तकनीक का अभ्यास करने में सक्षम नहीं होंगे और उन्हें इसकी आवश्यकता भी नहीं होगी। तियानिन नीलामी घर द्वारा इस तकनीक को नीलामी के लिए रखे जाने का कारण यह था कि इसकी केवल पहली परत बरकरार थी और महान तानाशाह शरीर तकनीक होने के बावजूद केवल पहली परत से कितनी उम्मीद की जा सकती है। चूंकि इसकी केवल एक परत बरकरार थी, यह एक औसत योद्धा के लिए बहुत अच्छा था जो इसे एक मध्यवर्ती शक्ति तकनीक के रूप में अभ्यास कर सकता था। तियानिन नीलामी घर जैसे विशाल नीलामी घरों के लिए भी यह अधूरी तकनीक थोड़ी बेकार थी, क्योंकि उनके पास शरीर प्रशिक्षण की कई अन्य तकनीकें थी, लेकिन ये जीवन के लिए यह सबसे उपयुक्त शक्ति तकनीक थी। भले ही इसमें केवल पहली परत ही बरकरार थी, लेकिन यह वास्तव में मध्यवर्ती स्तर की तकनीकों के बराबर थी। दूसरों के लिए तानाशाह शरीर तकनीक एक क्षतिग्रस्त तकनीक से ज्यादा कुछ नहीं थी, जो केवल मध्यवर्ती स्तर की तकनीकों के बराबर थी, लेकिन ये जीवन इस तकनीक के लापता मूल भागों को विशेष स्थान में लाने में सक्षम थी। जब तक उसके पास पर्याप्त मात्रा में स्पिरिट स्टोन थे, तब तक इस तकनीक का उसके चरम स्तर तक अभ्यास करना उसके लिए कोई समस्या नहीं होगी। स्पिरिट स्टोन्स के निरंतर दहन के साथ ये जीवन ने विशेष स्थान में प्रवेश किया और तानाशाह शरीर तकनीक का अभ्यास करना शुरू कर दिया और अचानक इसके सभी रहस्य उसके दिमाग में आने लगे। उसने महसूस किया जैसे उसके शरीर को तोड़ा जा रहा है और पुनर्गठन फाड़ और पुनर्संयोजन किया जा रहा है। उसका मांस फाड़ा जा रहा है और कोशिकाएं एक रहस्यमय संरचना के अनुसार खुद को पुनर्गठित कर रही हैं। उसका चेहरा दर्द से नीला पड़ गया था और उसके माथे से ठंडा पसीना टपक रहा था, क्योंकि तानाशाह शरीर तकनीक का अभ्यास करना उसकी कल्पना से कहीं अधिक दर्दनाक था। यह ऐसा था जैसे उसे जिंदा फाड़ा जा रहा हो, और तब उसे लगा कि उसका पुनर्गठन किया जा रहा है। सामान्य विशेषज्ञों के लिए यह दर्द इतना असहनीय हो सकता था कि वे अब तक जरूर बेहोश हो गए होंगे। हालांकि यह बेहद दर्दनाक था, लेकिन वह रुका नहीं, क्योंकि उसे साफ महसूस हो रहा था कि उसकी ताकत में तेजी से सुधार हो रहा है। यह भावना उस समय की तुलना में और भी प्रबल थी जब उसने बंदर की शराब पी थी। उसके लिए यह चीर फाड़ का दर्द असहनीय था और उसे यह भ्रम देखने को मिला कि उसे स्वर्गीय बर्फ और आग दोनों में गिरा दिया गया है। समय धीरे धीरे बीतता गया, एक सेकंड, एक मिनट बीत गया, लेकिन उसने केवल अपने आप को दर्द से पीड़ित पाया और साथ ही साथ अपने शरीर के अंदर अचानक बिजली की उछाल के कारण पूरी तरह से प्रसन्न महसूस कर रहा था। बूम, जैसे कि कोई बाधा टूट गई हो, एक शिविन ने एक कर्कश आवाज सुनी और उसकी ताकत जबरदस्त रूप से विकसित हो गई थी। उसके पास पहले से ही 70 बाघों की संख्या थी, जिसमें अप्रत्याशित रूप से 20 की वृद्धि हुई। यहाँ तक कि हाउटन 9वें चरण के मास्टर्स की ताकत ये जीवन की मौजूदा 90 टाइगर्स की ताकत की तुलना में बहुत कम थी, और उन्होंने केवल तानाशाह शरीर तकनीक की पहली परत का अभ्यास किया था। ये जीवन ने माना कि यदि तानाशाह शरीर तकनीक की पहली परत का अभ्यास ज़ियाओचेन दायरे में किया जाता है, तो वह निश्चित रूप से ड्रैगन की शक्ति तक पहुंच जाएगा और फिर वह ज़ियानटियन मास्टर्स के खिलाफ भी लड़ने में सक्षम होगा। ड्रैगन रेस दुनिया का सबसे दुर्जय जातीय समूह था। हालांकि शुद्ध नस्ल के ड्रैगन कबीले प्राचीन काल में पहले ही गायब हो गए थे, केवल कुछ हीन ड्रैगन प्रजातियों को छोड़कर, जहां वेवंस दुर्लभ लोगों में से एक थे। एक बार एक योद्धा की ताकत 90 बाघों की ताकत से टूट गई, तब उसकी ताकत की तुलना वायवंस की ताकत से की गई। चोटी के हाउटियन 9वें चरण के परास्नातक के पास 99 टाइगर्स की ताकत थी। हालांकि ये जीवेन ने माना कि एक बार जब वह तानाशाह शरीर तकनीक की पहली परत के ज़ियाओचेन दायरे में पहुंच जाएगा, तो वह सीधे शक्ति के माध्यम से टूट जाएगा एक अजगर का। एंटी ड्रैगन की वाईवन प्रजाति, जैसा कि अपेक्षित था, तानाशाह शरीर तकनीक वास्तव में एक किकस तकनीक थी। ये जीवेन ने महसूस किया कि इसे खरीदना एक गलत निर्णय नहीं था। हालांकि उसने झाओकियान को परेशान कर दिया था, लेकिन उसे कोई पछतावा नहीं था।
एंटी नूबी किकिस जैसे जैसे दिन बीतते गए, अधिक से अधिक योद्धा तियानयुआन शहर में आने लगे। ग्रेट किनचेंग सिटी लॉर्ड के अलावा पिछले दो दिनों में दो अन्य बड़े शॉट्स भी आए। वे ब्लडी हैंड स्कूल और ब्लैक मैजिक वैली के स्वामी थे। वे दोनों जियानटियन क्षेत्र के महान विशेषज्ञ थे और पड़ोसी स्कूलों में काफी शानदार प्रतिष्ठा रखते थे। वे अपने अपने स्कूलों के उत्कृष्ट शिष्यों की खातिर आए थे और सिटी लॉर्ड पैलेस से जियानटियन गोली के लिए अनुरोध करने जा रहे थे। हालांकि जब उन्हें पता चला कि जियानटियन छर्रों की नीलामी होने जा रही है, तो उन्होंने तियानिन नीलामी घर में छर्रों के लिए प्रतिस्पर्धा करने का फैसला किया। सुबह सुबह ये जिवेन तियानिन नीलामी घर गए, जहाँ जियानटियन छर्रों की बड़ी नीलामी होने वाली थी। कुछ दिन पहले की तुलना में इस बार ऑक्शन हाउस पूरी तरह से लोगों से खचाखच भरा रहा। नीलामी घर के बाहर भारी संख्या में योद्धा जमा हो गए थे और यह स्थिति गार्डों के लिए काफी परेशानी वाली थी। हालांकि जब भी तियानयुआन नीलामी घर में किसी प्रमुख वस्तु की नीलामी की जाती थी, तो इस तरह का दृश्य असामान्य नहीं था। परेशानी पैदा करने वालों को तियानिन नीलामी घर से सीधे बाहर निकाल दिया गया और नीलामी में भाग लेने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। हालांकि ये जिवेन के लिए यह स्थिति कोई समस्या नहीं थी। उन्होंने सीधे आकाशीय कदम का इस्तेमाल किया और नीलामी घर के अंदर बंद कर दिया। उन्होंने स्पिरिट स्टोन्स की आवश्यक राशि का भुगतान किया और अपना बैठने का पास प्राप्त किया। ये जिवेन ने आम आदमी के रास्ते में प्रवेश किया और वीआईपी मार्ग से चलते हुए सम्मानित मेहमानों के एक बड़े समूह की अचानक एक झलक देखी। इस समूह का नेतृत्व एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति द्वारा किया जा रहा था, जो रक्त लाल चीनी वस्त्र पहने हुए था और उसके चारों ओर एक खूनी आभा भी थी। नीलामी हॉल के अंदर हर जगह खून की गंध फैल गई थी और उसके हाथ बड़े और लाल रंग के थे। उसके पीछे खून से सने कपड़े पहने एक युवक चल रहा था। उसका रंग पीला पड़ गया था, जैसे कि वह किसी गंभीर बीमारी से ठीक हो गया हो, और उसकी आंखों में एक ठंडा और उदास नजर आ रहा था। उसके हाथ भी अधेड़ उम्र के आदमी की तरह लाल रंग के थे। हर कोई जल्दी से छिप जाता है, ये ब्लडी हैंड स्कूल के लोग हैं, और इसके स्वामी एन युवान व्यक्तिगत रूप से अपनी ब्रिगेड लेकर आए हैं। जी जियानटियन पैलेस की इस नीलामी ने कई बड़े शॉट्स को आकर्षित किया है। वह व्यक्ति जो एन युवान का अनुसरण कर रहा है, वास्तव में उसका पसंदीदा शिष्य एन युनपिंग है। एक युवान व्यक्तिगत रूप से उसके लिए एक जियानटियन पैलेट खरीदने आया है। हाँ, वह सही है, उसके लाल हाथों को देखो। इस ब्लड हैंड तकनीक में व्यक्ति को गर्मी की काफी मात्रा को सहन करने और नियंत्रित करने के लिए अपने हाथों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता होती है, और मैंने यह भी सुना है कि इस युद्ध कला में जीवितों के रक्त की आवश्यकता होती है। कोई नहीं जानता कि उसने कितने प्रतिभाशाली लोगों का नरसंहार किया है। हश हश, क्या तुम मरना चाहते हो? क्या तुम नहीं जानते कि वे सब दुष्ट योद्धा हैं? भीड़ में लोग कानाफूसी में बात कर रहे थे। अभी अभी मैंने देखा कि ब्लैक मैजिक वैली का स्वामी भी आ गया है। बिल्कुल, इस बार ये सभी प्रभावशाली विशेषज्ञ जियानटियन छर्रों के लिए प्रतिस्पर्धा करने जा रहे हैं। ये शिवेन को ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा और जल्दी से अपनी सीट ढूंढ ली। उसने नीलामी शुरू होने का इंतजार करते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। करीब आधे घंटे के बाद नीलामी शुरू हुई। हम इस नीलामी में भाग लेने के लिए आप सभी का स्वागत करते हैं। इस बार नीलाम करने वाला पिछली बार का वही सफेद पोश बूढ़ा था। हम सभी जानते हैं कि आज की नीलामी में सभी लोग क्यों आए हैं, तो फालतू की बातों में समय बर्बाद न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की नीलामी। पिछली बार की तुलना में इस बार नीलामी के सामान की गुणवत्ता काफी अधिक रही। बीजू नाम की यह दोधारी तलवार 1000 साल पुराने ठंडे लोहे से बनी है। हमारा नीलामी घर आपके लिए एक महान गुरु के इस उत्कृष्ट कार्य को लाया है, और इसकी शुरुआती कीमत 2000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन है। बूढ़े आदमी के सामने एक नीले रंग की दोधारी तलवार प्लेटिनम ट्रे के ऊपर चुपचाप पड़ी थी। तलवार का ब्लेड बर्फ की तरह ठंडा था, जिससे आसपास की हवा संघनित हो गई। यह स्पष्ट था कि यह बर्फीली ठंडी तलवार एक जादुई हथियार थी। एंटी बाइजू का अर्थ है ब्लू जेड स्नो। पिछली नीलामी की वस्तुओं की तुलना में इस बार गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ था। हालांकि ये जिवेन को तलवारों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने जो अभ्यास किया था वह एक ब्लेड तकनीक थी, जिसके लिए उसने एक लंबे ब्लेड का इस्तेमाल किया था, और ब्लेड और तलवार के बीच एक बड़ा अंतर था, इसलिए यह तलवार वास्तव में कितनी भी अच्छी क्यों न हो, यह उसके लिए किसी काम का नहीं था।
भले ही उनकी दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखते थे, और इस बार जो योद्धा इस नीलामी में शामिल होने आए थे वे काफी अमीर थे। 2300, 2500, 3000। नीलामी 2 मिनट तक चली और अंत में बायजू तलवार को 4500 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन की कीमत पर बेच दिया गया। ये ज़िवेन इस तलवार के लिए विशेषज्ञ द्वारा दी जाने वाली भारी राशि पर अवाक रह गए। एक के बाद एक तियानिन नीलामी घर ने कुछ अच्छे हथियारों और खजाने की वस्तुओं की नीलामी जारी रखी, लेकिन नीलामी की इन वस्तुओं में से कोई भी एक शिविन का ध्यान आकर्षित नहीं कर सका, और इसलिए उसने उनके लिए प्रतिस्पर्धा नहीं की। निश्चय ही सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि ये वस्तुएं बहुत महंगी थी और वह उन्हें वहन नहीं कर सकता था। वह किसी ऐसी चीज का इंतजार कर रहे थे जो उन्हें रुचिकर लगे और वहनीय भी हो। धीरे धीरे वीआईपी डिब्बे में बैठे सम्मानित अतिथियों में भी होड़ लग गई। आम क्षेत्र में बैठे लोगों की तुलना में निस्संदेह इन मेहमानों के पास एक असाधारण आभा थी, और वे जो कीमतें पेश कर रहे थे वे चार्ट से भी अलग थी। लेकिन तभी एक नीलामी वस्तु ने अचानक एक शिविन का ध्यान आकर्षित किया। आगे हम एक आंतरिक कवच की नीलामी करना चाहते हैं। यह कवच एक महान विशेषज्ञ के हाथों से उपजा है। इसे सुनहरे सिकाड़ा रेशम से बुना गया है और तलवारों या भालों के लिए इसे भेदना कठिन है। साथ ही इस आंतरिक कवच के साथ मैं इसे पहनने वाले किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत सुरक्षा की गारंटी देता हूँ, सफेद वस्त्र पहने बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने लाल कपड़े को खोल दिया और सभी ने बर्फ सफेद आंतरिक कवच को ट्रे के ऊपर चुपचाप पड़ा देखा। इस कवच की बोली 4000 से शुरू होगी, सफेद वस्त्र वाले बूढ़े ने कहा। बात यह थी कि ये रक्षा प्रकार की वस्तुएं आक्रामक प्रकार के हथियारों की तुलना में अधिक महंगी थी। आमतौर पर हथियार इतने महंगे नहीं होते थे, लेकिन चूंकि यह आंतरिक कवच जीवन की सुरक्षा की गारंटी देता था, इसलिए यह तुलनात्मक रूप से अधिक महंगा था। 5500, एक शिवेन चिल्लाए और बढ़त ले ली। उसे इस बॉडी आर्मर में बहुत दिलचस्पी थी, हालांकि वह जानता था कि वह शायद इस पर अपना हाथ नहीं जमा पाएगा। आखिरकार उसके पास सीमित वित्तीय संसाधन थे, लेकिन फिर भी वह इसे आजमाना चाहता था। 8000, जैसे ही एक शिवेन की आवाज फीकी पड़ी, एक घमंडी युवा आवाज तुरंत चिल्लाई। उस आवाज में अहंकार साफ दिखाई दे रहा था, जिसने बोली की कीमत को तुरंत 2500 बढ़ा दिया था। ये ज़िवेन की भौहें तन गईं, लेकिन वह क्या कर सकता था, क्योंकि तियानिन नीलामी घर में इस तरह की बेहुदा नीलामी बिल्कुल सामान्य थी। उसने नीलामी के मंच की ओर देखा, जहां वह सफेद पोश बूढ़ा मुस्कुरा रहा था। ये ज़िवेन ने आखिरकार इस आवाज को पहचान लिया, जो वास्तव में ग्रेट किनचेंग सिटी लॉर्ड झाओ कियान के अहंकारी बेटे की थी। 9000, वीआईपी डिब्बे में बैठे एक अन्य सम्मानित अतिथि ने चिल्लाकर बोली बढ़ा दी। उसकी सीट की स्थिति को देखते हुए वह स्पष्ट रूप से ब्लैक मैजिक वैली से संबंधित था। 10000, झाओ कियान फिर विजयी स्वर में बोले। 12000, ब्लैक मैजिक वैली के युवा मास्टर ने कहा कि वह अहंकारी भी था। 15000, झाओ कियान ने फिर से बात की जैसे उन्हें पैसे की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। अंत में ब्लैक मैजिक वैली के युवा मास्टर को हार माननी पड़ी और झाओ कियान ने आंतरिक कवच खरीद लिया। आगे हम 2 जाइंटियन छर्रों की नीलामी करना चाहते हैं, जिसके लिए हर कोई यहाँ आया है। मुझे लगता है यहाँ मौजूद हर कोई एक जियानिटियन गोली के महत्व और उपयोग को जानता है। जब कोई जियानिटियन गोली निगलता है तो उसके सफलतापूर्वक जियानिटियन क्षेत्र में प्रवेश करने की संभावना 50% बढ़ जाती है। एक जाइंटियन गोली के लिए शुरुआती कीमत 20000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन होंगे, सफेद वस्त्र वाले बूढ़े ने कहा। अंत में जियानिटियन पैलेट की नीलामी शुरू हुई। 40000, झाओ कियान एक बार फिर बोली लगाने वाले पहले व्यक्ति थे। वह सभी को एक झटके में शांत करना चाहता था। 45000, इतने में एक आवाज आई और अचानक से सबका उत्साह उड़ा दिया। 50000, 53000, अचानक वीआईपी बॉक्स में बैठे सम्मानित अतिथि एक के बाद एक बोली लगाने लगे। इन जियानिटियन स्तर के मास्टर्स का मुख्य लक्ष्य जियानिटियन पैलेट था, इसलिए वे इस अवसर को कैसे चूक सकते थे। इस समय वीआईपी बॉक्स में बैठे सम्मानित अतिथियों के अलावा सामान्य क्षेत्र में बैठे अन्य लोग मूल रूप से दर्शक मात्र बनकर रह गए थे। इतनी अधिक कीमत, वे इसमें शामिल होने के योग्य भी नहीं थे। 70000, झाओ कियान ने फिर विजयी स्वर में कहा।
इस समय तक बहुत से लोगों ने झाओ कियान द्वारा निर्धारित उच्च कीमत को देखते हुए बोली लगाना बंद कर दिया था। केवल प्रमुख शक्तियां अभी भी प्रतिस्पर्धा कर रही थी। 85,000 ब्लडी हैंड स्कूल का प्रतिनिधित्व करते हुए इस बार अन युनपिंग ने अंत में बात की। वह झाओ कियान के अलावा पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सीधे एक बयान में बोली को 10,000 से बढ़ा दिया था। 1.5 लाख हमारी सिटी गार्ड सरकार 1,50,000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन का भुगतान करने को तैयार है, इसलिए मुझे आशा है कि आप हमें चेहरा देंगे। इस बार एक अधेड़ उम्र के आदमी की आवाज फैली। वह वास्तव में सिटी गार्ड सरकार के प्रमुख थे, क्योंकि सिटी लॉर्ड पैलेस और सिटी गार्ड सरकार के बीच कभी अच्छे संबंध नहीं थे। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि सिटी गार्ड सरकार वास्तव में जियानटियन छर्रों की नीलामी में भाग लेने आएगी, लेकिन वे 1,50,000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन की एक बड़ी राशि का भुगतान करने को तैयार थे, जो कि एक छोटी राशि नहीं थी। क्षण भर के लिए सारी शक्तियां मौन हो गईं और बोली में वृद्धि करना जारी नहीं रखा। वे सिटी गार्ड सरकार से नहीं बल्कि ग्रेट यू रॉयल सरकार से डरते थे, जिसने तियानयुवान शहर में सिटी गार्ड सरकार का समर्थन किया था। किनफेक पर्वत के आसपास के क्षेत्रों में ये बल बड़े पैमाने पर थे और सरकारी अधिकारी उन्हें रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन वे अच्छी तरह से जानते थे कि किनफेक पर्वत और आसपास के क्षेत्र ग्रेट यू राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित थे और मध्य क्षेत्रों से बहुत दूर थे। चूंकि उन पर नजर रखने वाला कोई नहीं था, वे किसी की या किसी चीज की परवाह किए बिना पागल हो सकते थे, लेकिन सिटी गार्ड सरकार यहाँ ग्रेट यू रॉयल सरकार की ओर से थी। तियानयुवान सिटी लॉर्ड को मारना भी उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अगर उन्होंने सिटी गार्ड को मार दिया तो उन्हें ग्रेट यू रॉयल सरकार के प्रचंड रोष का सामना करना पड़ेगा। यह व्यापक रूप से ज्ञात था कि ग्रेट यू रॉयल सरकार उन सभी लोगों का अंधाधुंध नरसंहार करके अपनी कमियों को छुपाती थी जो उनके लिए खतरा पैदा करते थे या उनका अनादर करते थे। इसके अलावा सरकार ने विशेष रूप से इन दुष्ट स्कूलों से निपटने के लिए एक विजेता सेना का गठन किया था, जिसमें ये युवान स्कूल और कुछ अन्य विशाल ताकतें शामिल नहीं थी जो ग्रेट यू रॉयल सरकार से डरती नहीं थी। तो यह बिल्कुल स्पष्ट था कि कोई भी सिटी गार्ड सरकार का अनादर क्यों नहीं करना चाहता था। यह व्यापक रूप से ज्ञात था कि ग्रेट यू रॉयल सरकार उन सभी लोगों का अंधाधुंध नरसंहार करके अपनी कमियों को छुपाती थी जो उनके लिए खतरा पैदा करते थे या उनका अनादर करते थे। इसके अलावा सरकार ने विशेष रूप से इन दुष्ट स्कूलों से निपटने के लिए एक विजेता सेना का गठन किया था, जिसमें ये युवान स्कूल और कुछ अन्य विशाल ताकतें शामिल नहीं थी जो ग्रेट यू रॉयल सरकार से डरती नहीं थी। तो यह बिल्कुल स्पष्ट था कि कोई भी सिटी गार्ड सरकार का अनादर क्यों नहीं करना चाहता था। यह व्यापक रूप से ज्ञात था कि ग्रेट यू रॉयल सरकार उन सभी लोगों का अंधाधुंध नरसंहार करके अपनी कमियों को छुपाती थी जो उनके लिए खतरा पैदा करते थे या उनका अनादर करते थे। इसके अलावा सरकार ने विशेष रूप से इन दुष्ट स्कूलों से निपटने के लिए एक विजेता सेना का गठन किया था, जिसमें ये युवान स्कूल और कुछ अन्य विशाल ताकतें शामिल नहीं थी जो ग्रेट यू रॉयल सरकार से डरती नहीं थी। तो यह बिल्कुल स्पष्ट था कि कोई भी सिटी गार्ड सरकार का अनादर क्यों नहीं करना चाहता था। सिटी गार्ड सरकार ने 150,000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन के लिए पहला जियानटियन पैलेट खरीदकर दर्शकों को चकित कर दिया। पहले जियानटियन गोली के बेचे जाने के बाद दूसरे ने अनगिनत लोगों से अधिक प्रतिस्पर्धा को आकर्षित किया, लेकिन ग्रेट किनचिंग सिटी लॉर्ड, ब्लैक मैजिक वैली और सबसे हिंसक ब्लडी हैंड स्कूल के वित्तीय संसाधनों के खिलाफ कोई कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकता है। जब बोली राशि 1,00,000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन को पार कर गई, तो अन्य बोली लगाने वाले लगभग तुरंत ही बाहर हो गए। 130,000 इस बार ब्लैक मैजिक वैली के युवा मास्टर बोले और बोली, मुझे आशा है कि आप हमें चेहरा देंगे और भविष्य में हम भी आपको चेहरा देंगे। तुम्हारा बेवकूफ, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा चेहरा सोने से बना है? ग्रेट किनचिंग सिटी के युवा मास्टर ने तियानयुवान सिटी गार्ड सरकार के लिए तिरस्कार के साथ कहा। उन्हें कुछ डर था, लेकिन उन्हें ब्लैक मैजिक वैली से बिल्कुल भी डर नहीं था। 1.5 लाख झाओ कियान ने विजयी अंदाज में कहा। झाओ कियान, तो आप मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने की योजना बना रहे हैं? ब्लैक मैजिक वैली के युवा मास्टर ने कहा। वेन किंगक्सिंग एक सुंदर युवक थे, लेकिन इस बार उनका सुंदर चेहरा धुंध से ढका हुआ था और एक घना उदास एहसास बिखेर रहा था। तो क्या झाओ कियान ने परवाह नहीं की? 160,000 ब्लडी हैंड स्कूल के आरक्षित डिब्बे से अचानक एक आवाज फैली।
लिटिल मास्टर एन यूनपिंग ने अपने खून से सने हाथों पर अपनी ठुड्डी को सहारा देते हुए एक बुरी मुस्कान दी और कहा, मैं आप दोनों के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन मुझे एक जियानटियन गोली में भी दिलचस्पी है। दूसरे जियानटियन गोली की कीमत को देखकर पहले वाले से अधिक हो गया था। ये सिवेन को लगा कि कुछ अजीब था। इन तीनों सेनाओं के युवा उस्ताद लगातार बोली मूल्य बढ़ा रहे थे, लेकिन बुजुर्ग बहुत सहिष्णु थे और उन्होंने कुछ नहीं कहा, जैसे कि उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन ये सिवेन स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि इन तीनों सेनाओं के चारों ओर भयानक आभा थी, जो निश्चित रूप से उसके पिता की आभा के समान नहीं थी। हालांकि ये कोंगमिंग भी एक जियानटियन मास्टर थे, लेकिन ये सिवेन ने अपने पिता से ऐसी अथाह आभा कभी महसूस नहीं की थी। 180,000, वेन किनशिंग ने गहरी आवाज में कहा। 200,000, झाओ कियान ने तुरंत कहा, जैसे कि उन्हें पैसे की कोई परवाह नहीं है, लेकिन यह कहना वास्तव में सच था कि जब पैसे को ध्यान में रखा गया तो ग्रेट किनशिंग सिटी लॉर्ड बोली लगाने वालों में सबसे अमीर थे। उनके कबीले को शहर के करों का 80% प्राप्त हुआ और किनशिंग शहर में एक तिहाई से अधिक व्यवसायों का स्वामित्व था। और जब पैसे की बात हो तो किसी के लिए किनचेंग सिटी लॉर्ड के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करना असंभव था। निश्चित रूप से, जैसा कि ये जिवेन ने उम्मीद की थी, वेन किनशिंग और एन यूनपिंग ने प्रतियोगिता छोड़ दी थी। झाओ कियान अंत में जीत गया था और उसे एक छोटा लाल बैग मिला था जिसमें जियानटियान की आखिरी गोली थी। यह जियानटियान पैलेट नीलामी आखिरकार बंद हो गई। लेकिन ये शिवेन को पता था कि असली खेल अभी शुरू हुआ था और यह प्रतियोगिता अभी समाप्त नहीं हुई थी। नीलामी घर में कुछ ही लोग बचे थे, बड़ी संख्या में सैनिकों द्वारा बचाए जाने के दौरान सिटी गार्ड सरकार ने जल्दबाजी में खाली कर दिया था। और दूसरी जियानटियन गोली खरीदने के बाद ग्रेट किनचेंग सिटी लॉर्ड भी चुपचाप चले गए। ये जिवेन भी चुपचाप उठे और नीलामी घर से बाहर चले गए। और नीलामी घर से ज्यादा दूर नहीं थे, उन्होंने देखा कि ग्रेट किनचेंग शहर के लोग जल्द से जल्द शहर छोड़ने की जल्दी में चल रहे थे। हालांकि ब्लडी हैंड डोर और ब्लैक मैजिक वैली लॉर्ड्स भी अपनी अपनी टीमों के साथ पीछे से चल रहे थे। एक शिवेन अब अच्छी तरह से समझ गई थी कि पहले की नीलामी सिर्फ एक प्रस्तावना थी और असली चरमोत्कर्ष अब शुरू होने वाला था। जाहिर तौर पर इस सच्चाई से सभी वाकिफ थे, लेकिन कोई भी इस जानलेवा लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। तियानयुवान सिटी गार्ड सरकार की भारी सुरक्षा थी और स्वाभाविक रूप से सुरक्षा उनके लिए कोई समस्या नहीं थी, लेकिन ग्रेट किनचेंग सिटी लॉर्ड और उनके लोगों के लिए चीजें खराब होने वाली थी। ये जिवेन ने उसी समय अपनी उपस्थिति को छुपाते हुए मध्यम गति से उनका पीछा करना शुरू कर दिया। चूंकि वह पहले से ही दिव्य चरण का एक बहुत ही गहन स्तर तक अभ्यास कर चुका था, इसलिए इन लोगों के साथ तालमेल बिठाना उसके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। ये जिवेन उन लोगों का पीछा करते हुए एक दूरस्थ पहाड़ पर पहुंचे जो तियानयुवान शहर से बहुत दूर स्थित था। ग्रेट किनचेंग सिटी लॉर्ड और झाओ कियान विशेषज्ञों की एक बड़ी भीड़ के साथ भाग रहे थे। इस जत्थे में कुल मिलाकर करीब 50 लोग शामिल थे। वे बहुत तेज दौड़ रहे थे और इस खतरनाक स्थिति से बचने की पूरी कोशिश कर रहे थे। बहुत पीछे नहीं, किनचेंग शहर समूह ब्लैक मैजिक वैली के विशेषज्ञों द्वारा पीछा किया जा रहा था, जिसका नेतृत्व उनके लॉर्ड विन बिन कर रहे थे। वह एक साधारण अधेड़ उम्र के आदमी की तरह दिखता था, लेकिन उसका चेहरा दुर्भावनापूर्ण रूप से भरा हुआ था। सावधान रहें, कोई हमारा पीछा कर रहा है। ऐसा लगता है कि ग्रेट किनचेंग सिटी लॉर्ड ने ब्लैक मैजिक वैली ग्रुप को भांप लिया था। हाँ, यह वास्तव में ग्रेट किनचेंग सिटी लॉर्ड है, ब्लैक मैजिक वैली के लॉर्ड विन बिन हंसे और बोले। उसकी आवाज कर्कश थी, लेकिन जब उसने जोर से हंसा तो ऐसा लगा कि उसमें एक अत्यंत मर्मज्ञ शक्ति है जो एक साधारण व्यक्ति की आत्मा को तोड़ने के लिए काफी प्रभावी थी। अपने लक्ष्यों को इतने करीब से खोजने के बाद ब्लैक मैजिक वैली लॉर्ड ने बहुत देर तक प्रतीक्षा नहीं की। उसने तुरंत अपने समूह को मारने और लूटने के लिए नेतृत्व किया। तो यह आप पुराने वेन बिन है, ग्रेट किनचेंग सिटी लॉर्ड, झाओ यान ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और कहा, जबकि एक मजबूत क्यू आकाश में फैल गया। नमस्कार सिटी लॉर्ड झाओ, मुझे कहना होगा कि आप इस पीढ़ी के एक असाधारण व्यक्तित्व हैं और यह काफी सराहनीय है कि आपने अकेले ही ग्रेट किनचेंग शहर में इतनी मजबूत नींव स्थापित की है। इसलिए मैं आपको धमकाना नहीं चाहता, बस जियानटियन गोली सौंप दे और मैं तुरंत निकल जाऊंगा। साथ ही भविष्य में हमारी ब्लैक मैजिक वैली आपको हमेशा चेहरा देगी, विन विन मुस्कुराए और कर्कश स्वर में बोली।
आप हमारे किनचेंग शहर पर युद्ध की घोषणा करना चाहते हैं, क्योंकि इसका मतलब ग्रेट यू रॉयल सरकार के खिलाफ युद्ध की घोषणा करना होगा जो हमारे शहर में गुप्त रूप से काम कर रही है। क्या आप ग्रेट यू रॉयल सरकार की विजयी सेना से नहीं डरते? झाओ यान ने हल्के से कहा, तुम मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो। आप कहते हैं कि मैं ग्रेट यू रॉयल सरकार के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर रहा हूँ। मैं मूर्खतापूर्ण साहसी व्यक्ति नहीं हूँ। मैं संभवतः ग्रेट यू रॉयल सरकार के खिलाफ जाने की कल्पना कैसे कर सकता हूँ। इसके अलावा आपको लगता है कि मुझे नहीं पता कि आप और किनचेंग सिटी गार्ड सरकार परस्पर अनन्य है। वास्तव में वे आपके शीघ्र निधन की प्रतीक्षा कर रहे हैं और आपको लगता है कि वे आपकी मदद करने आएंगे। हो वेन बिन ने बार बार उपहास किया और झाओ यान की स्थिति को उजागर किया। वापस लेना, आप सभी को मेरे बेटे की किसी भी कीमत पर रक्षा करनी होगी और उसे भागने में मदद करनी होगी। झाओ यान अचानक चिल्लाया और अपने मातहतों को आदेश दिया। वह अच्छी तरह से जानता था कि अभी उसका एकमात्र कमजोर बिंदु इस खतरनाक स्थिति में उसके बेटे झाओ कियान की उपस्थिति है। वह खुद एक ज्यानटियन मास्टर था और अकेले होने पर भी किसी भी तरह की स्थिति को संभाल सकता था। हालांकि अगर झाओ कियान आसपास मौजूद होता तो वह आजादी से लड़ने में सक्षम नहीं होता और उसे हर समय अपने बेटे की सुरक्षा की चिंता रहती। आप भागना चाहते हैं, सपने देखते रहो, वेन बिन ने बार बार उपहास किया और दहाड़ते हुए कहा, उन्हें मार डालो। वेन बिन की तेज और दिल को हिला देने वाली दहाड़ के साथ ब्लैक मैजिक वैली के विशेषज्ञ तुरंत किनचेंग शहर के विशेषज्ञों की बड़ी भीड़ की ओर दौड़ पड़े। यह ऐसा था जैसे दो शक्तिशाली धाराएं निर्दयता से एक दूसरे से टकरा गई हो। झाओ यान और वेन बिन के बाद शक्तिशाली विशेषज्ञों की दो भीड़ आपस में भिड़ गई और दुर्भावना से लड़ने लगी। हर कोई क्रोध और हत्या के इरादे से भर गया था और एक असहनीय आभा हर जगह फैल गई थी। ये सभी विशेषज्ञ बहुत ही शातिर और खूनखार थे। वेन बिन और झाओ यान, ये दो जियानटिन स्तर के महान विशेषज्ञ भी एक दूसरे के खिलाफ गंभीर रूप से भिड़ गए, जिससे एक सदमे की लहर पैदा हो गई जिसने पूरे क्षेत्र को हिला दिया। झाओ यान ने एक लंबा भाला बनाया और एक राजसी क्यूई उसके पूरे शरीर में फैल गया। वह एक अद्वितीय योद्धा की तरह दिखता था जो दुश्मनों की भीड़ के बीच से भागा और यहाँ तक कि कई काले जादू घाटी के शिष्यों को भी बहा ले गया। उन शिष्यों में से कोई भी उसके हमलों को रोक नहीं सका। वेन बिन ने एक लंबी तलवार निकाली और अपने दुश्मनों की गर्दन पर वार किया और उन्हें एक एक करके एक ही झटके में मार डाला। वह एक जहरीले सांप की तरह था जो अपना छेद छोड़कर झाओ यान की गर्दन काटने की दिशा में आगे बढ़ रहा था। बूम, झाओ यान का लंबा भाला वेन बिन की तलवार से जमकर टकराया। अचानक उनके शरीर से भयानक चीख फूट पड़ी। नीले रंग की जेन क्यूई और रक्त लाल जेन क्यूई के बीच जमकर टक्कर हुई, जिससे एक हवाई विस्फोट हुआ और एक शक्तिशाली सदमे की लहर व्यापक और दूर तक फैल गई। ये दोनों जियानटियन स्तर के स्वामी थे। एक बार जब उन्होंने लड़ना शुरू किया तो जियानटियन क्षेत्र की उनकी भयानक जेन क्यूई ने लापरवाही से आसपास के वातावरण में कई हवाई विस्फोट किए। झाओ यान जाहिर तौर पर वेन बिन से ज्यादा मजबूत था और वह एक पागल अजगर की तरह हमला करता रहा। डांग डांग डांग, धातु के टकराने की आवाजें हर जगह फैलती हैं, लेकिन इस तरह के जीवन और मृत्यु के संघर्ष में उनमें से किसी ने भी लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। हालांकि झाओ यान की तुलना में ब्लैक मैजिक वैली लॉर्ड वेन बिन मिन कम मजबूत थे और ऐसा लग रहा था कि वह बहुत जल्द झाओ यान के हाथों हार जाएगा। क्या ब्लडी हैंड स्कूल के दोस्त अभी तक बाहर नहीं आए हैं? हम पहले से ही किनचेंग शहर के इन महान विशेषज्ञों को मारने के लिए सेना में शामिल हो गए हैं। जियानटियन पैलेट के बारे में हम बाद में धीरे धीरे बातचीत करेंगे, ब्लैक मैजिक वैली लॉर्ड वेन बिन ने अचानक कहा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, चलो झाओ यान को हराने के लिए सेना में शामिल हो। ब्लडी हैंड स्कूल लॉर्ड एन युआन अचानक प्रकट हुए और जोर से हंसते हुए कहा। इस समय झाओ यान का रंग बदलने लगा। वह वेन बिन से आसानी से निपट सकता था, लेकिन अगर एन युआन वेन बिन के साथ सेना में शामिल हो जाता है तो वह निश्चित रूप से मुश्किल में पड़ जाएगा। झाओ यान के खिलाफ लड़ने के लिए एक युआन ने तुरंत वेन बिन से हाथ मिलाया। एक बार में दो जियानटियन मास्टर्स द्वारा हमला किया जाना झाओ यान के लिए बहुत खतरनाक था, क्योंकि वह दोनों के खिलाफ केवल एक आदमी था। ये जिवेन ने इस दृश्य को देखना जारी नहीं रखा और इसके बजाय उसने झाओ कियान का पीछा करने का फैसला किया।
वह तुरंत उस दिशा की ओर भागा जिस दिशा में झाओ कियान अपने रक्षकों के साथ भागा था। गहरी खड्ड को पार करने के बाद एक घने पहाड़ी जंगल में पहुंचेगा जहां झाओ कियान अपने रक्षकों के साथ भाग गया था। यंग मास्टर, आगे मत जाओ, यह खतरनाक है, अचानक एक अनुभवी गार्ड ने झाओ कियान को चौंका दिया। इस पहाड़ी जंगल में सन्नाटा पसरा हुआ था और यह स्थिति बहुत ही असामान्य थी। जल्दी हम एक चक्कर लगाएंगे, जब तक हम किनचिंग शहर में सुरक्षित रूप से वापस आ सकते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से ब्लैक मैजिक वैली के इन कमीनों को मारने के लिए विशेषज्ञों की एक टुकड़ी का नेतृत्व करूंगा, झाओ कियान ने ठंडे स्वर में कहा। किनचिंग सिटी के युवा मास्टर जियांटियन पैलेट को सरेंडर कर दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। पहाड़ी से हल्की ठंडी हंसी आई। झाओ कियान ने देखा और देखा कि इस आवाज का मालिक अप्रत्याशित रूप से ब्लडी हैंड स्कूल के युवा मास्टर एन युनपेंग थे। एक युनपेंग, यो ब्लडी हैंड स्कूल के लोग काफी महत्वाकांक्षी हैं। आपने वास्तव में मुझे ग्रेट किनचिंग शहर के युवा मास्टर को धमकाने की हिम्मत की है, झाओ कियान गुस्से से चिल्लाया। झाओ कियान, तुम वास्तव में अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो। क्या आपको लगता है कि अब आपके पिता आपको बचाने आएंगे? वह अब अपना बचाव करने में असमर्थ है, जियानटियन गोली निकाल ले, अन्यथा मुझे क्रूर होने का दोष न दे, एक युनपेंग ने उपहास किया। गार्ड सुनो, इन सभी ब्लडी हैंड स्कूल कमीनों को मार डालो, अहंकारी झाओ कियान को अचानक एन युनपेंग पर बहुत गुस्सा आया और उसने अपने गार्ड को हमला करने का आदेश दिया। दोनों युवा उस्तादों की आज्ञा से दोनों पक्षों के विशेषज्ञ एक दूसरे को मारने के लिए युद्ध करने लगे। हालांकि झाओ यान और वेन बिन के अधीनस्थों की तुलना में संख्या में कम होने के बावजूद एन युआन के अधीनस्थ अधिक क्रूर और क्रूर थे। एक भयानक टक्कर हुई जिससे कई लोगों के शरीर से खून निकलकर जमीन पर गिर गया। झाओ कियान ने अपना भाला निकाला और एन युनपेंग को मारने के लिए आगे बढ़ा। कुलीन वर्ग में दोनों पक्षों की सेनाएं संभ्रांत थी। वे सभी चोटी के हावतन नौवे चरण के स्वामी थे और उनमें से कोई भी 30 वर्ष से अधिक का नहीं था। इससे संकेत मिलता है कि वे निकट भविष्य में आसानी से जियानटियन स्तर तक पहुंच सकते हैं। एक युनपेंग के दो खूनी हाथों ने मारा और तुरंत एक खूनी क्यूई ने पूरे युद्ध क्षेत्र को भर दिया। युद्ध में मारे गए उन विशेषज्ञों के खून ने उनकी खूनी हाथ की तकनीक को और भी शक्तिशाली बना दिया। यह तकनीक स्पष्ट रूप से इतनी शक्तिशाली थी कि इसने झाओ कियान की संख्या में हमला करने की योजना को पूरी तरह से विफल कर दिया था। लगभग तुरंत ही झाओ कियान को एन युनपेंग ने नीचे धकेल दिया था। हालांकि झाओ कियान के गार्डों को संख्यात्मक लाभ था, उन्हें ब्लडी हैंड स्कूल के शिष्यों द्वारा भी मार दिया गया था। टकराना, युनपेंग ने झाओ कियान के ठीक होने का इंतजार नहीं किया। उसने तुरंत अपनी हथेली से झाओ कियान की छाती पर वार किया, जो सीधे उसकी छाती में जाकर एक बड़ा छेद कर गया। सीधे उसके शरीर से खून चूसा गया और उसका निर्जीव शरीर जमीन पर गिर पड़ा। ऐसा लग रहा था मानो खून के साथ साथ प्राण सीधे उसके शरीर से चूस लिए गए हो। एंटी, बिना पट्टियों के एक ममी की कल्पना करें, ब्लडी हैंड तकनीक काफी शातिर थी। युनपेंग ने झाओ कियान की उंगली से स्टोरेज रिंग निकाली। रिंग के अंदर जियांटियन पैलेट होने की पुष्टि करने के बाद उनका चेहरा परमानंद से भर गया। उनके जैसे लोगों के लिए सबसे बड़ी इच्छा हमेशा जियांटियन क्षेत्र में प्रवेश करने की रही है। हालांकि अगर उसने जियांटियन गोली का उपयोग किए बिना जियांटियन दायरे को तोड़ने की कोशिश की और असफल रहा, तो जुर्माना काफी दर्दनाक होगा, क्योंकि एक बार जब कोई जियांटियन क्षेत्र में सेंध लगाने में विफल हो जाता है तो इससे खेती का कुल नुकसान होगा और सबसे खराब स्थिति के रूप में उनकी मृत्यु हो सकती है। लेकिन एक गोली का उपयोग करना काफी फायदेमंद था, क्योंकि भले ही वह व्यक्ति जियांटियन दायरे को तोड़ने में विफल रहा हो और रिबाउंड से नहीं मरा हो, तो वह कुछ भी नहीं खोएगा। जियांटियन गुरु बनने के बहुत सारे लाभ थे। अब ये जिवेन ने छलांग लगाए और आकाशीय कदम का उपयोग करते हुए वह तेजी से और अचानक एक युनपेंग की ओर बढ़ा। यंग मास्टर, सावधान, ब्लडी हैंड स्कूल के शिष्यों ने अचानक ये जिवेन को देखा और चिल्ला उठे। बहुत देर हो गई, ये जिवेन चिल्लाया। एक लंबा ब्लेड उसके हाथ में चमकता हुआ दिखाई दिया और एन युनपेंग की आंखों को ढंक दिया। पुच्छी, एक युनपेंग अभी भी अपने जीवन के इस लंबे समय से प्रतीक्षित आनंदमय क्षण का आनंद ले रहा था और उसे ये शिवेन के ब्लेड के हमले से बचने का मौका नहीं मिला, जो बिजली की तरह तेज था। एक युनपेंग प्रतिक्रिया नहीं कर सका और सीधे आधे में कट गया।
युवा मास्टर, आपने वास्तव में हमारे युवा गुरु को मार डाला। मर जाओ कमीने। हालांकि ब्लडी हैंड स्कूल के इन शिष्यों ने झाओकियान के गार्डों को मार डाला था, लेकिन यह सब उस वर्जित तकनीक के लिए धन्यवाद था जिसका उन्होंने अभ्यास किया था। उनमें से सबसे शक्तिशाली शिष्य केवल हाउटियन 8 चरण का योद्धा था, तो वे संभवतः ये शिवेन के विरोधी कैसे हो सकते हैं। ये जिवेन की लंबी ब्लेड ने उन सभी के सिर काट दिए। प्रेंग मंटिस ने सिकाडा को पकड़ लिया था। एंटी, एक मुहावरा। ब्लडी हैंड स्कूल के सभी शिष्यों को मारने के बाद ये जिवेन की हिम्मत नहीं हुई कि वह ज्यादा देर रुके। एक जोखिम था कि तीन ज्यानटियन स्वामी युद्ध के मैदान के दूसरी तरफ छोड़कर यहाँ आ सकते हैं। उनके आने से पहले उसे भागना था। ये जिवेन ने दो स्टोरेज रिंग जब्त कर ली जो दो युवा मास्टर्स की थी। वह वहां ज्यादा देर नहीं रुका और तुरंत चला गया। 10 मिनट बाद ग्रेट किनचेन सिटी लौट पहुंचे और उन्होंने अपने इकलौते बेटे के शव को देखा। उसने देखा कि उसके बेटे के शरीर से खून चूस लिया गया है और अचानक वह शोक से दहाड़ने लगा। खूनी हाथ स्कूल, आपने मेरे बेटे को मारने की हिम्मत की। आज मैं आप में से हर एक को मिटाने की कसम खाता हूँ। एक चक्कर लगाने के बाद ये जिवेन आखिरकार तियाने युवान शहर वापस आ गई। इस समय तक शहर में केवल आधे योद्धा रह गए थे और बाकी पहले ही जा चुके थे। वे ज्यानटियन छर्रों के लिए आए थे, लेकिन अब दोनों छर्रों को पहले ही खरीद लिया गया था, इसलिए उनके लिए शहर में रहने का कोई कारण नहीं था। ये जिवेन चुपचाप सराय के अंदर चली गई। अपने कमरे में प्रवेश करने के बाद उन्होंने भंडारण के दो छल्लों के अंदर एक नजर डाली और तुरंत आनंद की लहर महसूस की। ये दोनों युवा उस्ताद काफी अमीर थे। वे वास्तव में दो प्रमुख शक्तियों के उत्तराधिकारी थे। उन दो स्टोरेज रिंग के अंदर सैकड़ों हजारों लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन थे। ये जिवेन के लिए यह राशि निश्चित रूप से एक खगोलीय आंकड़ा थी। यहाँ तक कि मुख्य शिष्यों के लिए भी 10,000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन पहले से ही उन्हें अमीर कहने के लिए पर्याप्त थे। 1,00,000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन रखना पहले से ही एक सपना था, यहाँ तक कि सबसे अमीर कोर शिष्यों के लिए भी। हालांकि झाओकियान और एन यूनपिंग जैसे उत्तराधिकारियों के लिए इतनी राशि रखना समझ में आता था। निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन्स का उनका स्टॉक रातों रात बढ़ गया था। कोई कह सकता है कि लंबे समय तक उसे विशेष स्थान के अंदर खेती करने के लिए स्पिरिट स्टोन खोजने की आवश्यकता नहीं होगी। इन स्पिरिट स्टोन्स के अलावा रिंग्स के अंदर कुछ मार्शल आर्ट तकनीकें भी मौजूद थी, लेकिन ये जिवेन को लगा कि ये तकनीकें उसके लिए उपयुक्त नहीं थी। इसके अलावा अंगूठियों के अंदर ढेर सारी औषधीय गोलियां और अन्य सामान मौजूद थे। अचानक ही वह काफी अमीर हो गया था। बेशक स्टोरेज रिंग के अंदर वह सफेद कवच भी मौजूद था जिसे झाओकियान ने पहले नीलामी घर में खरीदा था। दुर्भाग्य से उसे इसे पहनने का मौका नहीं मिला और आखिरकार यही एक शिवेन के हाथों में आ गया। बेशक सबसे महत्वपूर्ण फसल ज्यानटियन गोली थी। एक विशेषज्ञ के लिए ज्यानटियन क्षेत्र तक पहुंचना सबसे बड़ी दहलीज थी। कई योद्धा हाउतन के 9वें चरण में फंस जाते थे और कभी भी इस दहलीज को पार नहीं कर पाते थे, लेकिन अब ज्यानटियन गोली की मदद से ये जिवेन को भरोसा था कि वह आसानी से ज्यानटियन क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। हालांकि अब उसके लिए ज्यानटियन क्षेत्र में प्रवेश करने का समय नहीं था। इन्वेंट्री की जांच पूरी करने के बाद वह ये युआन स्कूल नहीं लौटा। उन्होंने सीधे बंद कमरे में प्रशिक्षण शुरू किया। हालांकि अन्य मास्टर्स को बंद दरवाजे में प्रशिक्षण शुरू करने के लिए एक उचित दूरस्थ स्थान खोजने की आवश्यकता थी, लेकिन उनके पास विशेष स्थान था, इसलिए उन्हें बंद दरवाजे के प्रशिक्षण के लिए जगह खोजने की परवाह करने की आवश्यकता नहीं थी। मूल शिष्य प्रतियोगिता केवल 1 महीने दूर थी। शुरुआत में यह प्रतियोगिता 3 महीने बाद शुरू होने वाली थी। हालांकि इस बार झांग परिवार भी मुख्य शिष्य प्रतियोगिता में भाग ले रहा था जो रक्त युआन क्षेत्र में होने वाली थी। चूंकि ब्लड युआन टेरिटरी 1 महीने के बाद खुलने वाली थी, इसलिए कोर चेले प्रतियोगिता को भी 2 महीने पहले ही शुरू कर दिया गया था। ये जिवेन इस मूल शिष्य प्रतियोगिता में दूसरों को पछाड़ना चाहती थी, इसलिए अभी वह केवल नई प्राप्त शक्ति तकनीकों को विकसित करने और अभ्यास करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहता था। उसके पास 100,000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन्स की मात्रा के साथ अब वह स्पिरिट स्टोन्स की खपत के बारे में चिंता किए बिना स्वतंत्र रूप से अभ्यास कर सकता था। उन्होंने विशेष स्थान में प्रवेश किया और स्पिरिट स्टोन का दहन शुरू हुआ। उत्पन्न लिंग की तेजी से उनके शरीर के अंदर प्रवेश कर गया।
उनकी साधना तेजी से बढ़ने लगी और शक्ति तकनीकों के बारे में विभिन्न अंतर्दृष्टि बहुत तेजी से उनके दिमाग में प्रवेश करने लगी। जानकारी की मात्रा इतनी बड़ी थी कि एक जीनियस के लिए भी इसे पूरी तरह से समझना असंभव होगा। पलक झपकते ही एक महीना बीत गया। ये जिवेन विशेष स्थान के अंदर तेजी से आगे बढ़ रही थी। उनका फिगर किसी अमर की तरह था। उसकी हरकतें इतनी तेज थी कि कभी कभी ऐसा लगता था जैसे वह गायब हो गया हो। एक शिवेन के चेहरे पर आश्चर्य के भाव के साथ रुक गई। मेरा अनुमान सही था। इस आकाशीय चरण में वास्तव में बात की चाल है। इस महीने उसकी खेती कुछ वैसी नहीं थी जैसी एक महीने पहले थी। तेजी से प्रगति के साथ उसकी खेती सीधे हाउटियन आठवें चरण के शिखर पर पहुंच गई थी। केवल एक पतली परत थी जिसके बाद वह हाउटियन के नौवें चरण में प्रवेश कर सकता था। इसी तरह उनके मिसिंग मून बीहेड में भी काफी सुधार हुआ था। अब वह लगातार 7 ब्लेड मार सकता था और उसके ब्लेड के हमले की कुल शक्ति भी 5 गुना बढ़ गई थी। उनकी तानाशाही शरीर तकनीक ज़ियाओचेन दायरे तक पहुंच गई थी और उनकी ताकत सीधे 99 बाघों की ताकत तक पहुंच गई थी। यह ताकत का चरम था जिसे हाउटियन क्षेत्र का एक मास्टर हासिल कर सकता था।